हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवल ट्यूटोरियल। इवैल्यूएशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम ये देखते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ, या फिर कहाँ तक जो है हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कामयाब रहे हैं। इवैल्यूएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग टू व्हाट एक्सटेंट द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर एक्चुअली बीइंग रियलाइज्ड, यानी कि कहाँ तक हमारा जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर पाए हैं। इसके अंदर जो है हम कलेक्ट करेंगे और एनालाइज करेंगे इन्फॉर्मेशन को, यानी कि कोई भी हम इंफॉर्मेशन जानकारी को इकट्ठा करेंगे। अब जैसे कि आपको ये देखना है कि आपने एक लेसन क्लास के अंदर पढ़ाया है बच्चों को, आप उसका टेस्ट ले रहे हैं, उससे आपको ये पता चल रहा है कि किस बच्चे को कितना समझ आ रहा है और कितना नहीं आ रहा। या फिर हम एनालाइज करने लगेंगे कि लास्ट टाइम जब बच्चे से हमने टेस्ट लिया था उस टाइम पे उसका रिज़ल्ट कैसा था, नेक्स्ट टाइम हम उसी टॉपिक का टेस्ट ले रहे हैं तो उस टाइम पे उसका रिज़ल्ट क्या है, और उनको कंपेयर कर रहे हैं कि क्या हम एक्चुअल में वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए हैं, यानी कि क्या हम एक्चुअल में बच्चे को वो चीज़ अच्छे से सिखा पाए हैं या नहीं, और क्या इसका आउटकम रहा कि हम उसको अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए। इन सब चीज़ों को हम एवल्यूट करते हैं, यानी कि मेन हमारा काम ही ये होगा कि जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया है अब हम उसको चेक करेंगे कि कहाँ तक हम उसको अचीव कर पाए, उसी को हम इवैल्यूएशन कहेंगे। इवैल्यूएशन का मेन पर्पज़ हमारा क्या होगा, जजमेंट देना। जजमेंट अब किस चीज़ से रिलेटेड होगी कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो कहाँ तक जो है अचीव किया गया है, अगर वो अचीव नहीं हो रहा तो उसके अंदर क्या कमियाँ हैं, उनको किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो है हमें इवैल्यूएशन हेल्प करेगा। साथ ही साथ इवैल्यूएशन के अंदर क्या चीज़ें आएंगी कि जैसे कि इम्प्रूव करेगा उसकी इफ़ेक्टिवनेस, यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसको और अच्छा कर पाएं, उसके बारे में इम्प्रूवमेंट कराएगा। ये हमें इन्फॉर्म करेगा प्रोग्रामिंग डिसीजन से रिलेटेड, यानी कि क्या हम प्रोग्राम के अंदर चेंजेस लाएं जिससे जो है बच्चे अच्छी तरीके से सीख पाएं, तो इस चीज़ के अंदर वो हेल्प करेगा। जनरली अगर हम बात करें तो इवैल्यूएशन प्रोसेस रिक्वायर इंफॉर्मेशन अबाउट द सिचुएशन इन क्वेश्चन, यानी कि हमें जब भी इवैल्यूएशन करना होगा हमें एक सिचुएशन दी जाएगी, उसके ऊपर हम देखेंगे क्वेश्चन करके कि क्या हम उसको कितना अचीव कर रहे हैं, किस तरीके से अचीव की जा रही है। तो और इसके अंदर सिचुएशन का मतलब क्या होगा कि एक अम्ब्रेला का मतलब क्या होगा, वो गोल भी हो सकता है, कोई स्टैंडर्ड हमने सेट कर दिया है, जैसे कि सभी बच्चों को के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि आपकी क्लास के अंदर सभी बच्चों के 50 से अबव मार्क्स आएंगे, यानी कि आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया। जब एक्चुअल रिज़ल्ट आया तो मान लेते हैं अगर 10 स्टूडेंट हैं जिनके बिलो 50 मार्क्स आए, यानी कि आपका स्टैंडर्ड था उससे कम आए, तो अब आप उसके अंदर चेकिंग करेंगे कि किस वजह से बच्चे के जो है मार्क्स कम आए, किस तरीके से हम जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जेम्स एमली, ये हमारी डेफिनेशन दी गई है इनके द्वारा। ये डेफिनेशन क्या कहेगी कि एवोल्यूशन क्या है, इज़ द अप्रेजल ऑफ पीपल प्रोग्रेस इन अटेनिंग द एजुकेशनल गोल सेट बाय स्कूल द क्लास एंड हिमसेल्फ। मीन्स हमें एवोल्यूशन जो है वो मदद करेगा, हमें और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा कि जो प्यूपिल है उसकी प्रोग्रेस को अटेन करने में वो हेल्प करेगा, जो कि स्कूल के अंदर गोल हैं या फिर एजुकेशनल गोल हैं या क्लास के अंदर गोल हैं या उसने खुद के गोल सेट किए होंगे उनमें वो और ज़्यादा अच्छा कर पाए, उसके लिए वो उसको अप्रेज करेगा। इवैल्यूएशन क्या करेगा, उसका मेन पर्पस ही क्या है कि बच्चों को गाइड करना और वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से लर्निंग कर पाए। तो ये हमारी एक डेफिनेशन थी जो कि जेम्स एम ली ने दी थी। इवैल्यूएशन इज ए पॉजिटिव प्रोसेस रादर देन नेगेटिव प्रोसेस। अब ये पॉजिटिव प्रोसेस कैसे माना गया है, नेगेटिव क्यों नहीं माना गया, क्योंकि इसके अंदर हम बच्चे के बारे में जानकारी लेंगे कि क्या हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है, अब जो भी उसके अंदर कमियां आई होंगी वो हमें बताई जाएंगी, यानी कि टीचर जो है बच्चे के बारे में पता लगाएगा कि ये इसके अंदर कमियां हैं, फिर वो उसको इम्प्रूव कराएगा। इसीलिए एक ये पॉजिटिव प्रोसेस है ना कि नेगेटिव है। अब अगर किसी स्टूडेंट को कुछ नहीं समझ आ रहा है तो टीचर जो है उसको समझाएगा ना कि उसको डांटेगा, यानी कि इवैल्यूएशन जो होगा हमारा वो पॉजिटिव प्रोसेस होगा, नेगेटिव प्रोसेस नहीं है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेज़रमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। अब हम इन तीन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और ये किस तरीके से एक दूसरे से अलग हैं इसके बारे में भी पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ मेज़रमेंट, यानी कि मापना। अब हम किसी भी चीज़ को मापते हैं तो वो क्या होता है, केजी में होगा, लीटर में होगा, या फिर हमारा जो वेट वगैरह है हम उन चीज़ों को नापेंगे, हाइट को नाप रहे हैं अपनी, यानी कि हम किसी न किसी चीज़ को माप रहे हैं, हमें मेज़र कर रहे हैं उस चीज़ को।
जैसे कि अब हम वीट लेने जाएंगे तो उसको हम केजी में परचेज़ करेंगे, जैसे कि हम मिल्क लेंगे तो उसको हम लीटर में परचेज़ करेंगे, यानी कि हम उसको माप रहे हैं पहले और उसके बाद उसको दे रहे हैं। अब इसी तरीके से हम स्टूडेंट की माइंड के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में भी मापते हैं, और वो हमारे कौन से टेस्ट होते हैं, हमारे आईक्यू टेस्ट होते हैं। उनके थ्रू हम जो है बच्चे की परफॉर्मेंस को मेज़र कर रहे हैं कि क्या वो अच्छा कर रहा है, क्या वो एवरेज कर रहा है या फिर वो बिलो एवरेज कर रहा है, यानी कि इस चीज़ के बारे में हम उसको मापेंगे। यही हमारा मेज़रमेंट का मेन मोटिव रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा असेसमेंट, यानी कि आकलन करना। आकलन करना मतलब हमारे क्या है, यानी कि किसी भी चीज़ को रैंक प्रोवाइड करना या फिर कोई ऑर्डर में उसको सेट कर देना, कि सीक्वेंस बना देना उसके कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये लास्ट है, इस तरीके से हम उसको सेट करेंगे, उसी को हम क्या है असेसमेंट कहेंगे। असेसमेंट हम करते ही किस लिए हैं, ताकि हम एक्चुअल में पता कर सकें कि किस बच्चे की पोजिशन कौन सी स्थान पर है और उसमें किस तरीके से हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। असेसमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेंड रिलेटिव टू सम नोन ऑब्जेक्टिव और गोल, यानी कि हमारे पास पहले ही ऑब्जेक्टिव सेट होगा जब भी हम रैंक देंगे। अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव पहले ही सेट है कि हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन बतानी है कि क्लास में किस बच्चे के, यानी कि हमारे पास ऑलरेडी एक ऑब्जेक्टिव सेट किया गया है। अब हम उसको चेक करने के लिए टेस्ट वगैरह लेंगे, जैसे ही हम टेस्ट लेंगे उनका जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग अगर हम उनको सेट करेंगे तो उससे हम क्या है अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएंगे। तो इसी को हम क्या कहेंगे असेसमेंट करना। इवैल्यूएशन जो है हमारा मेन टॉपिक ही है कि किस तरीके से हम जो है हमारा ऑब्जेक्टिव के बारे में पता लगा सकते हैं कि कहाँ तक उसको एक्सटेंड किया गया है और कहाँ तक वो जो है कंप्लीट किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कि क्या इसके अंदर कमियाँ आ रही हैं, किस तरीके से हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि इवैल्यूएशन हमें ओवरऑल हमारे ऑब्जेक्टिव के बारे में बताता है कि कहाँ तक एक्चुअल में हम अचीव कर पाए हैं उस ऑब्जेक्टिव को और कहाँ तक हमें उसको करना चाहिए। होप सो आपको इन तीनों के बीच में डिफरेंस समझ आया होगा कि मापना, आकलन और मूल्यांकन हम किसे कहेंगे। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन यानी कि क्या क्या हमें इनकी विशेषताएं हैं, अब ये जानेंगे। इट इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। ये एक प्रोसेस कैसा है, एक प्रक्रिया चलेगी इसके अंदर, कॉम्प्रिहेंसिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है कि डायरेक्टली आपने सिलेक्ट किया कुछ भी हो गया और आपका टॉपिक कंप्लीट, ऐसा नहीं है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, एक लॉन्ग प्रोसेस है। इवैल्यूएशन इज़ ए कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, ये लगातार चलता रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि आप एक बार करेंगे टेस्ट, आपने क्लास में एक बार लिया और उसके बाद आप छोड़ देते हैं उसको और फिर आप सीधा लास्ट में टेस्ट ले रहे हैं, तो उसमें आप कोई अच्छे से एवल्यूट नहीं कर पाएंगे कि बच्चे की क्या एक्चुअल में पोजिशन है क्या नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ एवोल्यूशन एसेस अकेडमी एंड नॉन अकेडमी एस्पेक्ट्स, यानी कि इसके अंदर खाली जो हमारा एजुकेशन है, यानी कि जो पढ़ाई है वो नहीं आएगी, इसके अंदर अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड किया गया है, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया उसको हम देख सकते हैं या फिर कोई हमारे क्राफ्ट वगैरह का वर्क है उसके अंदर एवोल्यूट कर सकते हैं, कोई परफॉर्मेंस दी जा रही है उसके अंदर एवोल्यूट किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है इट शुड बी पर्पज़ ओरिएंटेड। एवोल्यूशन हम तभी कर पाएंगे जब कोई हमारा पर्पस हमने सेट किया होगा। अब आपने कोई टारगेट सेट नहीं किया और अपने आप को एवोल्यूट करे जा रहे हैं कि मैं कहाँ तक अचीव कर पाया कहाँ तक नहीं कर पाया, जबकि आपका कोई ऑब्जेक्टिव आपने सेट ही नहीं किया था, तो आप उसको अचीव कैसे करेंगे। नेक्स्ट आता है इट इज़ ए प्रोसीजर फॉर इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट। जैसे जैसे आप एवोल्यूट करेंगे अपने आप को, आप अपने आप को और बेहतर पाएंगे, यानी कि जैसे जैसे आप अपनी कमियों को दूर करते हुए चले जाएंगे वैसे वैसे आप इम्प्रूव भी करेंगे। अब सबसे पहले होता है कि कमी का ही पता लगाना कि कहाँ पर जो है हम गलत हैं, कहाँ पर हमारे जो स्टडी हैं उनमें कमियाँ आ रही हैं। जैसे जैसे आपको उनके बारे में पता चलेगा आप धीरे धीरे इम्प्रूव करोगे, और जैसे ही आप इम्प्रूव करोगे तो आप एक अच्छा प्रोडक्ट बनोगे, यानी कि अच्छे जो है लर्नर बनोगे, अच्छे टीचर बनोगे, या आपको जो भी गोल आपका है आप वो अचीव कर पाएंगे। ये हमारी एवोल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक आता है फंक्शंस ऑफ एवोल्यूशन, यानी कि कार्य, क्या कार्य हैं, क्या काम है। अब हम ये देखेंगे कि हम एवोल्यूट करते हैं तो उसका यूज़ क्या आ रहा है, क्या एक्चुअल में वो फंक्शन किस तरीके से करता है।
फर्स्ट वन इज़ एवोल्यूशन हेल्प इन क्लैरिफाइंग द ऑब्जेक्टिव, हमें क्लियरली बताएगा कि हमारा टारगेट क्या है। बाय चांस अगर हम अपने टारगेट से ही हट जाते हैं, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, हमें जो अचीव करना होता है, हम उसी के ऊपर वर्क नहीं करते हैं, तो इसका मतलब हमें जब हम एवोल्यूट करेंगे अपने आप को, तो हमें ये पता चलेगा कि हमारा एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव क्या था और हम वर्किंग किसके ऊपर कर रहे हैं। यानी कि ये हमें क्लैरिटी देगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और आपकी जो ऑब्जेक्टिव है वो आप कहाँ तक अचीव कर पाए हैं। नेक्स्ट आता है एवोल्यूशन हेल्प द क्वालिटी ऑफ द टीचर। अब जैसे ही आप एवोल्यूट करेंगे अपने बारे में, तो आप अपने आप को एक अच्छी लर्निंग दे पाएंगे। यानी कि आपने जैसे एवोल्यूट किया, आपने आपको मूल्यांकन किया, मूल्यांकन करते ही आपको ये पता चला कि मेरा इस टॉपिक में ये कमी है। अब आप जो है उस टॉपिक को इम्प्रूव करोगे। जैसे ही आप इम्प्रूव करोगे, आप अच्छे लर्नर बनोगे। अगर आप अच्छे लर्नर हो तो ऑटोमेटिकली जो है आप अच्छे टीचर भी बनोगे। इसीलिए जैसे ही एक टीचर क्लासरूम में जाता है, वो पहले ही करिकुलम को चेक करके जाता है कि मुझे एक्चुअल में कराना क्या है, और फिर वो सेट होके जाता है पूरी चीज़ें प्रॉपरली, उसके बाद वो पढ़ाता है। यानी कि एक ऑब्जेक्टिव पहले ही उसके माइंड में होता है कि उसको क्या अचीव करना है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट वन इज़ एवोल्यूशन मोटिवेट लर्नर। जो सीख रहा है उसको वो मोटिवेशन करने का भी काम करेगा, यानी कि मोटिवेट भी करता रहेगा। अब आपने 10 टॉपिक जो है अचीव करने हैं, मान लेते हैं 2 डेज़ का आपने टाइम लिया है, थर्ड डे आप उसका एवोल्यूट कर रहे हैं और आपने मान लेते हैं 9 टॉपिक को अचीव किया है, यानी कि एक टॉपिक आपका लेफ्ट रह गया। तो अब जो एवोल्यूशन आपने किया है वो आपको ये मोटिवेट करेगा कि आप इस 10th टॉपिक को भी कंप्लीट करो, जिससे वो लर्नर है जो उसको कंप्लीट करेगा और अच्छे से वो सीख पाएगा। नेक्स्ट आता है गाइडेंस कैन बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। जैसे ही आप किसी भी ऑब्जेक्टिव के बारे में एवोल्यूट कर रहे हैं, जो आपका टारगेट था आपने उसका एवोल्यूशन किया, अब जो आपने जब एवोल्यूशन किया तो कुछ कमी आई, तो उसके प्रति आपको एक गाइडेंस भी प्रोवाइड की जा रही है। साथ के साथ आपको खुद भी समझ आएगा वो चीज़ कि किस तरीके से मेरे को इस टॉपिक को कंप्लीट कर देना चाहिए, या मेरा ऑब्जेक्टिव है किस तरीके से कंप्लीट होगा। यानी कि एक गाइडेंस का भी काम करता है, गाइडलाइन भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है एवोल्यूशन कैन हेल्प इन ब्रिंगिंग चेंज इन द करिकुलम। हमारे जो एवोल्यूशन हम करते हैं वो करिकुलम के अंदर चेंजेस लाने में भी मदद करता है। करिकुलम यानी कि पाठ्यचर्या, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं जो पूरे साल के लिए सेट की जाती हैं। अब जैसे कि आपने क्लास में टेस्ट लिया, एक बच्चे का ज़्यादा अच्छा स्कोर आया, एक का बिलो एवरेज आया, तो आप जो है दोनों स्टूडेंट को आपको चलाना तो सेम करिकुलम पे है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट ला सकते हैं एवोल्यूशन की वजह से, कि भाई एक बच्चा थोड़ा बिलो एवरेज है, एक बच्चा अबव एवरेज है। मीन्स आप जो है उन दोनों बच्चों की कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग करिकुलम में थोड़ा बहुत चेंजेस करके उनको टारगेट अचीव करा सकते हैं। होप सो आज आपको एवोल्यूशन फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक मेजरमेंट असेसमेंट एंड एवोल्यूशन के बारे में समझ आया होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें। है कि ईवेल्यूएशन के अंदर नीड क्या है ईवेल्यूएशन की, या फिर पर्पज़ क्या है ईवेल्यूएशन का। फर्स्ट वन इज़ पर्पज़ ऑफ ईवेल्यूएशन, यानी कि हमें ईवेल्यूएशन करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। ये जो है हमें प्रोवाइड करता है मॉडिफिकेशन, यानी कि कुछ भी हम अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो ईवेल्यूएशन के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि किस चीज़ के अंदर हमें किस प्रकार का चेंजमेंट लाना होगा, चाहे हमारा करिकुलम हो या फिर हमारा कोर्स हो। इन दोनों चीज़ों में चेंजमेंट लाने के लिए हमें ईवेल्यूएशन ही हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है टू मेक प्रोविज़न फॉर गाइडिंग द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट। ईवेल्यूएशन जब भी हम करेंगे तो हमें इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के बारे में पता चलता रहेगा कि कौन बच्चा किस सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा है, किस में अच्छा नहीं कर रहा, और एक टीचर जो है अपने आप ही ध्यान रखने लग जाएगा कि इस बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है, जिससे वो जो है जिस सब्जेक्ट में वीक है उसमें भी वो जो है अच्छा हो सके। नेक्स्ट आता है टू डायग्नोज द इंडिविजुअल स्टूडेंट एजुकेशनल वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, यानी कि वही है कि वीकनेस पता करने में और स्ट्रेंथ क्या है, ताकतें क्या हैं उनके अंदर, मतलब किस चीज़ में वो बहुत अच्छा कर पा रहे हैं और किस चीज़ को वो अच्छा नहीं कर पा रहे, इसको बताने में मदद करता है। नेक्स्ट वन इज़ टू प्रिडिक्ट द एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, यानी कि जो भी हम एजुकेशन में आगे करना चाहते हैं कि क्या क्या चेंजमेंट आनी चाहिए जब हम पढ़ा रहे हों, किस चीज़ को फॉलो करें ताकि जो बच्चे हैं और ज़्यादा अच्छी लर्निंग कर पाएँ। नेक्स्ट वन इज़ टू अप्रेज द स्टेटस ऑफ द चेंजेस इन स्टूडेंट बिहेवियर, यानी कि उनके जो बिहेवियर है, उनका व्यवहार है, उसके अंदर परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे, चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे, जिससे वो और ज़्यादा बेटर हो सकें।
नेक्स्ट आता है टू असिस्ट द स्टूडेंट प्रोग्रेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड डिस्क्लोज स्टूडेंट्स नीड एंड पॉसिबिलिटीज़, यानी कि क्या क्या उनकी ज़रूरतें हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि किन किन चीज़ों की उनको आवश्यकता हो सकती है, बच्चों को टाइम टू टाइम उनकी प्रोग्रेस को चेक करना, ये सब जो है इवेल्यूएशन का मेन पर्पज़ है, इसीलिए हम इवेल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिंसिपल्स ऑफ इवेल्यूएशन, यानी कि क्या क्या सिद्धांत है इवेल्यूएशन के। इवेल्यूएशन टेक्निक को जब भी यूज़ किया जाएगा तो उसको उसके पर्पज़ के अकॉर्डिंग ही आप सिलेक्ट करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव, जब भी हम इवेल्यूएशन कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमें ओवरऑल बच्चे के बारे में जानकारी मिल सके। नेक्स्ट वन इज़ जो भी आप इवेल्यूएशन की टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में आपको उसकी लिमिटेशन और उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए कि जो भी आप टेक्निक को फॉलो करेंगे, रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट जो भी है, उसको आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ओरल टेस्ट ले रहे हैं तो इसमें क्या क्या लिमिटेशन आएंगी, रिटन टेस्ट लेके आप इवेल्यूएट कर रहे हैं तो क्या क्या लिमिटेशन है, तो उस चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इवेल्यूएशन इज़ ए मीन टू एन एंड नोट एंड एंड इट्सेल्फ, ये जो है हमें एंड तक लेकर जाता है लेकिन खुद एंड नहीं है, यानी कि जब भी आप अपने आप का इवेल्यूएशन करेंगे, आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, अब आप उसका टेस्ट दे रहे हैं अपने आप ही और अपने आप ही चेक कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ मैंने मिस्टेक की है, अब जो है वो आपको सुधारता है यानी कि आपको और इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करेगा, ना कि वो एंड हो जाएगा वहीं पर ही। ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स थे इवेल्यूएशन के। नेक्स्ट टॉपिक इज इवेल्यूएशन इज डन टू फुलफिल द फॉलोइंग नीड्स, ये हमारी नीड्स हैं इनको सेटिस्फाई करने के लिए हम इवेल्यूएशन करते हैं। ये जो नीड्स हैं हम पढ़ रहे हैं कि टीचर को क्या ज़रूरत है इवेल्यूएशन करने की, पेरेंट्स को क्या उसका बेनिफिट मिलेगा, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनको क्या बेनिफिट मिलेगा अगर आप इवेल्यूएशन कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। टीचर को पूरी नॉलेज होनी चाहिए पीपल के बारे में, यानी कि उसको हर चीज़ पता होनी चाहिए कि बच्चे की क्या वीकनेसेस हैं और क्या स्ट्रेंथ्स वगैरह हैं, उन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। एजुकेशन जो है आज के टाइम में चाइल्ड सेंटर्ड हो गई है, यानी कि बच्चों को ही ध्यान में रखकर ही हमें पॉलिसी बनाई जा रही है या फिर हमारा जो करिकुलम है वो सेट किया जा रहा है, क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि बच्चे का ही इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं, कितना क्या वो एटीट्यूड रखता है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा और तभी जो है हमारा करिकुलम सेट होता है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें इवेल्यूएशन करना ज़रूरी होगा कि बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा है, क्या उसकी एबिलिटीज़ हैं, किस चीज़ में वो कैपेबल है और किस में नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में जब ही नॉलेज मिलेगी जब टीचर क्या करेगा इवेल्यूएट करेगा बच्चों के बारे में। इट हेल्प्स द टीचर टू डिटरमाइन इवेल्यूएट एंड रिफाइन द हिज इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स, यानी कि जब भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ओरली इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, अब कुछ बच्चे क्या है कि उनको आदत होती है कि रिटर्न जब तक वो काम ना करें वो कुछ सीख नहीं पाएंगे, तो आपने ये नोटिस किया कि आधी से ज़्यादा क्लास इस टाइप की है कि वो रिटर्न जब तक आप उनको नहीं देंगे वो नहीं कर सकते, तो इसका मतलब आपको इंस्ट्रक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा और वो चेंज करनी होगी आपको अपनी, यानी कि उसको ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करके उनको बताना होगा कि किस तरीके से हम जो भी हमारी एक्टिविटी कराना चाह रहे हैं वो कंप्लीट करा पाएंगे। तो ये हमें कहाँ से पता चलेगा, जब हम इवेल्यूएशन करेंगे बच्चों का, यानी कि उनके बारे में पता लगाएंगे कि एक्चुअल में बच्चे कैसे हैं, किस टाइप के हैं, किस तरीके से उनको पढ़ाना चाहिए। ये हेल्प करता है ऑब्जेक्टिव को क्लैरिफाई करने में, उसको सेट करने में कि कौन कौन, उसको दोबारा से रिफाइन करने में, इन चीज़ों में हेल्प करेगा टीचर की, साथ के साथ हेल्प करेगा कि क्या उनका एंट्री बिहेवियर है स्टूडेंट्स का, ये जानने में भी हमारा इवेल्यूएशन जो है टीचर को मदद करेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि इट हेल्प्स एन एडमिनिस्ट्रेटर, एक एडमिनिस्ट्रेटर है उनको किस तरीके से ये हेल्प करेगा एजुकेशनल प्लानिंग बनाने में। जब भी हम एजुकेशन के अंदर कोई भी पॉलिसी या प्लानिंग कुछ भी करेंगे स्कूल के अंदर या फिर हमारी कोई पॉलिसी बन रही है उसके अंदर, तो उस चीज़ में हेल्प करेगा। अगर इवेल्यूएशन आप कर लेंगे आपको पता चल जाएगा कि क्या इंटरेस्ट है, क्या एक्टिविटीज़ वो करना चाह रहे हैं, तो उन चीज़ों से आपको मदद मिलेगी और आप अच्छे से जो है एक अपना जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ये एडमिनिस्ट्रेटर को हेल्प करेगा एजुकेशनल डिसीजन लेने में, सिलेक्शन करने में, क्लासिफिकेशन में, प्लेसमेंट में, कि किस कैटेगरी में किस तरीके से उसको बांटा जाए और किस तरीके से प्लेस किया जाए, इन सब में एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प करेगा इवेल्यूएशन। अगर वो इवेल्यूएशन आपने किया होगा तो आप प्रॉपरली जो है एडमिनिस्ट्रेटर जो है अपने डिसीजन अच्छे से ले पाएगा।
नेक्स्ट वन इज़ एजुकेशन इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। फ्लेक्सिबल प्रोसेस हमारा क्या होगा, जिसके अंदर हम इजीली जो है चेंजेस कर पाएँ, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्या है, उसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते, यानी कि जो एक बार आप फिक्स कर देते हैं उसके अंदर आप ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर पाते। दस देर इज़ ए ग्रेट नीड ऑफ कॉन्टीन्यूअस इवेल्यूएशन ऑफ इट्स प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, इट हेल्प टू डिज़ाइन बेटर एजुकेशन प्रोग्राम। इसीलिए हमें इवेल्यूएशन की टाइम टू टाइम ज़रूरत है, ताकि हम जब भी नेक्स्ट टाइम कुछ भी अपनी पॉलिसी वगैरह बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें वो मदद कर सके। नेक्स्ट वन है कि पेरेंट्स जो है अपने जो बच्चा है उसके बारे में ज़्यादा जानने की इच्छा रखते हैं कि वो क्या प्रोग्रेस कर रहा है स्टडीज़ में या नहीं कर रहा, तो उसका आंसर टीचर तभी दे पाएगा जब टीचर ने बच्चे का इवेल्यूएशन किया होगा, उसकी पूरी प्रॉपर उसको नॉलेज होगी। नेक्स्ट आता है, इस साउंड चॉइस ऑफ ऑब्जेक्टिव डिपेंड ऑन एन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पीपल एबिलिटी एंड इंटरेस्ट। मीन्स अगर हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी कि बच्चों का किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या उनकी एबिलिटीज़ हैं, कैसा उनका एटीट्यूड है, कैसा बिहेवियर है, तभी जो है हम, अगर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है तभी हम अच्छी तरीके से ऑब्जेक्टिव हमारा सेट कर पाएंगे। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अप्रोप्रिएट गाइडेंस सर्विसेज, यानी कि जो भी हमें सर्विस प्रोवाइड करनी है स्टूडेंट्स को, उसके बारे में हमें अप्रोप्रिएट जानकारी देगा। Evaluation help us to know whether the instructional objective have been achieved or not. As such, evaluation help planning for of better strategy for education. Evaluation हमें मदद करेगा कि actual में हमारा जो objective हमने set किया था वो achieve हुआ भी है या नहीं, अगर नहीं हुआ होगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ guidance भी provide करेगा, साथ के साथ next time जब भी हम planning करेंगे उसमें भी मदद करेगा। Evaluation जो है help करता है clarify करने में कि क्या हमारा educational aim है, ये साथ के साथ इसमें भी मदद करता है कि एक्चुअल में जो हम एम अपना सेट कर रहे हैं या ऑब्जेक्टिव जो हमने सेट किया है वो अटेनेबल भी है या नहीं। मींस जो आपने टारगेट अपने लिए सेट किया है क्या आप उसको अचीव भी कर सकते हैं या नहीं, ये चीज़ भी इवेल्यूएशन हमें मदद करता है जानने में। इट हेल्प इन रीफॉर्मुलेशन ऑफ एम एंड ऑब्जेक्टिव, अगर हम अपना एम या ऑब्जेक्टिव चेंज करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी ये हमारी मदद करेगा। इवेल्यूएशन का एक्चुअल जो यूज़ होता है स्टडीज़ के अंदर, कि बच्चे के बारे में प्रॉपरली जानकारी लेना कि क्या उसकी स्ट्रेंथ है और क्या उसकी वीकनेसेस हैं। अगर उसकी कोई स्ट्रेंथ है तो उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, अगर उसके अंदर कोई वीकनेसेस हैं तो उसके लिए रेमेडियल क्लासेस का इस्तेमाल किया जाएगा, प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे ताकि वो जो है उसको अचीव कर पाए। नेक्स्ट वन इज़ इवेल्यूएशन मदद करेगा, एंकरेज करेगा कि जो बच्चा है वो अच्छी हैबिट डेवलप कर पाए, वो इंक्रीज़ करेगा मोटिवेशन। स्टूडेंट जब अपना पुराना रिजल्ट देखेगा तो और मोटिवेट होता चला जाएगा कि मैं और ज़्यादा अचीव कर सकता हूँ, और ज़्यादा अचीव कर सकता हूँ, इससे क्या है उसको मोटिवेशन मिलता रहेगा, साथ के साथ उसके अंदर स्किल्स की भी डेवलपमेंट होती जाएगी। इन नोइंग द रिज़ल्ट ऑफ द प्रोग्रेस एंड इन गेटिंग अप्रोप्रिएट फीडबैक, उसको अपना रिजल्ट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा और एक अप्रोप्रिएट उसको फीडबैक भी मिलता रहेगा जब भी वो अपने बारे में इवेल्यूएट करेगा या टीचर पूरी क्लास के स्टूडेंट के बारे में इवेल्यूएट करेगी। इवेल्यूएशन की डिवाइसेस, इवेल्यूएशन की डिवाइसेस के कुछ इस प्रकार से नाम हैं, रिटन एग्जामिनेशन, ओरल एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्ड्स, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, क्वेश्चनरी एंड इंटरव्यू। ये सब जो हैं अब हम इन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट यानी कि पेपर पे लिए जाएंगे या फिर कंप्यूटर की हेल्प से लिए जाएंगे। अब पेपर पे हम टेस्ट जो है नॉर्मली स्कूल या कॉलेजेस में दे रहे हैं, कंप्यूटर पे टेस्ट कैसे लिया जा सकता है कि आपको जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है और एक स्पेस दिया गया है उसमें आप टाइपिंग करके लिख रहे हैं, तो इस प्रकार के टेस्ट जो है हमारे अकेडमी के सेशन में पूरा साल चलते रहते हैं। रिटन टेस्ट आर टेस्ट एडमिनिस्टर्ड ऑन पेपर और ऑन ए कंप्यूटर, या तो वो पेपर पे लिए जाएंगे या फिर वो कंप्यूटर पे लिए जाएंगे। यहाँ पे जो है स्टूडेंट को अपीयरिंग फॉर द टेस्ट हैविंग टू प्रोवाइड आंसर बाय राइटिंग टाइपिंग इन द स्पेस गिवन और ऑन ए सेपरेट शीट, यानी कि या तो टाइपिंग करके आंसर दिया जाएगा उसका या फिर जो सेपरेट शीट दी जाएगी उस पर आंसर दिया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट जो है तीन प्रकार के हैं, एक है एसे टाइप टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट एंड शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट। मीन्स अगर हम नॉर्मल भाषा में देखें कि रिटन टेस्ट कौन से होंगे, जो कि पेन पेपर की मदद से दिए जाते हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ इसके बारे में नहीं सोचना। ये हमारे अलग अलग तीन प्रकार के हो सकते हैं, या तो आप जो है उसको ऐसे लिखवा के ले सकते हैं। अब हम जैसे फोर्थ क्लास के बच्चे फिफ्थ को इस तरीके से हम ऐसे सिखाते हैं, उनको ऐसे राइटिंग करना सिखा रहे हैं, तो इसी तरीके से ऐसे टेस्ट भी ले सकते हैं हम उसका। ऑब्जेक्टिव टाइप भी ले सकते हैं टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप आप ये सोच रहे होंगे कि वो किस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ये हम जो डिस्कस
डिस्कस करेंगे। ये अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, ऐसे नहीं है कि आपको सिर्फ एमसीक्यू की तरह टिक करके आना है। नेक्स्ट आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि जो छोटे छोटे आंसर हम लिखवा सकते हैं कि दो लाइन का आंसर लिख दो। तो इस तरीके से जो है हमारे टेस्ट जो है पूरे एकेडमी ईयर में चलते भी रहेंगे और ये टेस्ट हमारे इंक्लूड किए जाएंगे रिटन टेस्ट में। नेक्स्ट आता है, अब इसके तीन पार्ट हैं, तो फर्स्ट पार्ट जो है आज हम कंप्लीट करेंगे, यानी कि एसे टाइप टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे टाइप टेस्ट के अंदर स्टूडेंट के रिस्पॉन्स को हम चेक करेंगे कि एक हम उन्हें ऐसे लिखने के लिए बोलेंगे, निबंध लिखने के लिए बोलेंगे, और उसको हम चेक करके देखेंगे कि क्या बच्चा सही ढंग से लिख पा रहा है, क्या उसको सारी चीज़ें याद हैं, क्या वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहा है, ये सब चीज़ें हम उसके अंदर चेक करेंगे। इसके अंदर क्या होता है, दिस टाइप ऑफ टेस्ट इज कॉमनली एम्प्लॉयड टू चेक द पावर ऑफ मेमोराइजेशन एक्सप्रेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन एक्सेट्रा, यानी कि मेमोराइजेशन कि बच्चा एक्चुअल में कितना याद कर पा रहा है, कितना उसको याद है ऑलरेडी। सो दीज टेस्ट आर यूज टू मेजर द लेवल ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ द स्टूडेंट। इसके अंदर हम यही मापते हैं, मेज़र करते हैं कि क्या वो व्याख्या कर पा रहा है, किस लेवल तक मतलब वो अपनी चीज़ को डिफ़ाइन कर पा रहा है स्टूडेंट, या किस प्रकार से जो है वो लर्न कर चुका है चीज़ों को, इन चीज़ों को हम टेस्ट करेंगे। दिस टेस्ट कैंट बी एलिमिनेटेड इवन इन द प्रेजेंस ऑफ मैनी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ऐसे टाइप टेस्ट के अंदर चाहे मेरिट्स हों या डीमेरिट्स हों, चाहे लिमिटेशंस हों या फिर कोई कमी है या फिर कोई फ़ायदे भी हैं, तो भी हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, यानी कि ये टेस्ट जो है हमें करने ज़रूरी ही होते हैं। साथ के साथ कुछ ऑथर्स कहते हैं अगर आपको इन टेस्ट से ये पता लगाना है कि आप मेमोराइजेशन लेवल चेक कर रहे हैं बच्चों का, एक्सप्रेशन चेक कर रहे हैं, रिकॉग्नाइजेशन लेवल चेक कर रहे हैं, तो इन चीज़ों के अंदर पहले इम्प्रूवमेंट लाएँ, उसके बाद ही जो है आपका ऐसे टाइप टेस्ट जो है अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। वो तीन चीज़ें क्या हैं हमारी, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट पेपर, इन द एग्जामिनेशन सिस्टम, इन द इवेल्युएशन ऑफ स्क्रिप्ट्स। अब हम तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये तीनों चीज़ें हैं क्या। इम्प्रूवमेंट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट पेपर, यानी कि जो हम पेपर बना रहे हैं, जो हमारा एग्ज़ाम हम लेना चाह रहे हैं स्टूडेंट का, उसके अंदर जो है कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आपको करनी चाहिए। फर्स्ट है अचीवमेंट ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जो आप टेस्ट ले रहे हैं वो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव कराता हो। अब जैसे कि आपने कोई टॉपिक है होली से रिलेटेड, आपने ऐसे कराया है, और आप जो है टेस्ट दिवाली पे ले रहे हैं स्टूडेंट का, यानी कि उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो क्वेश्चन हमारे किस तरीके से होने चाहिए, वही होने चाहिए सेट जो कि हमारा जो है अचीवमेंट कराएं, जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसको कम्प्लीट कराएं। फुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ करिकुलम, जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा वो पूरे के पूरे हमारे करिकुलम को डिफ़ाइन करता हो, यानी कि उसके अंदर हर टॉपिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाए, तभी हम जो है ये मान सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन पेपर जो है बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ क्वेश्चन, जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो ईजी होने चाहिए, स्ट्रेट होने चाहिए, डायरेक्ट होने चाहिए। अब आप जो है बड़ी क्लासेस का तो एग्ज़ाम ले नहीं रहे, अगर आप छोटी क्लासेस का ले रहे मान लेते हैं फिफ्थ क्लास में, अगर आप उनको इनडायरेक्ट क्वेश्चन देंगे तो वो उसका आंसर ही नहीं लिख पाएंगे। तो इसीलिए हमारा क्वेश्चन पेपर कैसा होना चाहिए, आसान सा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, और डायरेक्टली उसके अंदर क्वेश्चंस जो है पूछे जाने चाहिए। नेक्स्ट वन इज एम्फेसाइज ऑन डिफ़िकल्टी लेवल, जब भी हम क्वेश्चन पेपर को सेट करें तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी क्लास के अंदर सिर्फ जो है इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं है, या फिर सिर्फ जो है हमारे स्टूडेंट बिलो एवरेज नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन पेपर भी इसी प्रकार का होना चाहिए जो कि स्लो, एवरेज और इंटेलिजेंट पीपल तीनों के लिए सही हो। नेक्स्ट वन इज़ नो इम्पोर्टेंस टू अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, अगर आप जो है अपने करिकुलम के अकॉर्डिंग ही सेट कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर को, तो उसके अंदर अल्टरनेटिव देने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी आप देते हैं तो साथ के साथ दो क्वेश्चंस इकट्ठे पूछ लेने चाहिए अगर आप अल्टरनेट क्वेश्चन भी इंक्लूड कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे ना तो वो ज़्यादा होने चाहिए और ना ही वो कम होने चाहिए, यानी कि जो एवरेज अगर हम देखें तो जैसे कि 9-10 क्वेश्चंस अगर हमारे कॉलेज लेवल पे आ रहे हैं, तो इसी तरीके से हमारे जो छोटे स्टूडेंट हैं 5th, 6th, 7th इन क्लासेस के हैं, तो उनके क्वेश्चन भी जो है फिक्स होने चाहिए, ना होने चाहिए और ना ही ज़्यादा होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, यानी कि क्वेश्चन को जो है
आप कितने नंबर देंगे। अगर एक ही पार्ट है क्वेश्चन का, यानी कि सिर्फ क्वेश्चन ही अगर एक है, तो उसका जो मार्क्स है वो तो इक्वली फिक्स है ऑलरेडी। लेकिन अगर फिर भी किसी क्वेश्चन के अंदर आप सब पार्ट दे रहे हैं, तो उन पार्ट्स के भी मार्क्स को जो है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए उनकी डिफ़िकल्टी लेवल्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन इज़ प्रोविज़न ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन पेपर के अंदर सिर्फ ऐसे टाइप क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं होने चाहिए, साथ के साथ हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, जिससे हम जो है डायरेक्टली ये भी पता कर सकते हैं कि कितना जो हमारा रिजल्ट है वो वैलिड है और कितना रिलायबल है। नेक्स्ट वन इज़ इम्प्रूवमेंट इन द एग्जामिनेशन सिस्टम, यानी कि जो हम एग्ज़ाम्स ले रहे हैं तो उस सिस्टम के अंदर भी हमें कुछ ना कुछ सुधार लाने चाहिए। वो क्या है? चेंज इन द मेथड ऑफ प्रमोशन, यानी कि हम जब भी किसी स्टूडेंट को प्रमोट कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे फाइनल रिजल्ट के ऊपर बेस ना हो। मींस जो कि हमारे वीकली मंथली क्लास के अंदर टेस्ट हो रहे हैं उनको हम जो है जो मिड टर्म एग्जामिनेशन है उनके अंदर ऐड करें उनके मार्क्स को, और उसके बाद जो टोटल हो उसका रिजल्ट देखकर ही बच्चे को आगे प्रमोट किया जाए, जिससे हमें ये पता चलता रहेगा कि उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या थी पूरे साल। नेक्स्ट आता है प्रोविज़न ऑफ वर्बल टेस्ट। हमें जो है रिटन टेस्ट के साथ साथ वर्बल यानी कि ओरल टेस्ट भी लेना चाहिए, जिससे हमें जैसे कि वाइवा वगैरह ले लिया हमने, उससे हमें ये पता चलेगा कि बच्चे की क्या एबिलिटीज़ हैं, उसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या उसके अंदर कैपेसिटी हैं, क्या कहां तक कुछ चीज़ें वो अचीव कर सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में अगर हम वर्बली उसको बुलवाएंगे तो ही हमें पता चलेगा। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट टू एग्जामिनर। अगर आप वर्बल टेस्ट ही ले रहे हैं तो कम से कम दो एग्जामिनर्स को प्रेजेंट होना चाहिए, इससे क्या होगा सब्जेक्टिविटी कम होगी एंड विल इम्प्रूव मेजरमेंट, और जिससे हमें जो मापना है जो हमें एक्चुअल में पता लगाना है बच्चे के बारे में हम वो एक्चुअल रिजल्ट जो है पता लगा पाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ इम्प्रूवमेंट इन द इवेल्यूएशन ऑफ स्क्रिप्ट्स, यानी कि जो भी हमारा ऑलरेडी इवेल्यूएशन जिस प्रकार से होता आ रहा है उसके अंदर भी हमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाने चाहिए। उसके लिए कुछ सजेशन इस प्रकार से हैं, नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वेश्चंस, मींस जो टीचर है और स्टूडेंट है उसको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है, यानी कि होली का अगर आप ऐसे लिखवा रहे हैं तो होली का ऐसे लिखवाने का आपका मोटिव क्या है आपको भी पता होना चाहिए, साथ के साथ स्टूडेंट को भी पता होना चाहिए कि ये हमसे क्यों लिखवाया जा रहा है। अब होली का ऐसे आप लिखवा रहे हैं ताकि बच्चे जो है होली के बारे में जान पाए, स्टूडेंट जो है इसलिए लिख रहे हैं ताकि उनको जो है पूरी स्टोरी पता चल जाए कि किस तरीके से होली जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज़ प्रिपरेशन ऑफ डेफिनेट रूल्स फॉर इवेल्यूएशन ऑफ द क्वेश्चंस, मींस पहले से ही सेट किए जाने चाहिए जो भी हमारे रूल्स हैं जो भी रेगुलेशंस हैं वो पहले से ही हर किसी को पता होनी चाहिए, निश्चित जो रूल हैं हमारे वो पहले ही बन जाने चाहिए कि किस तरीके से हमें इवेल्यूएशन करना है। नेक्स्ट वन इज़ प्रोविज़न ऑफ सेंट्रल इवेल्यूएशन, हमारी जो क्वेश्चन शीट आंसर शीट वगैरह है वो डायरेक्टली किसी भी एग्जामिनर के पास सेंड ना करके उनको जो है इकट्ठा बैठकर ही चेक किया जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ प्रिपेयरिंग आइडल आंसर्स ऑफ ऑल क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन का आपके पास एक सटीक जो हम कह सकते हैं जो एकदम अच्छा आंसर हो वो अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चंस, जो हमारा इवेल्यूएशन है द क्वेश्चन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द एग्जामिनर इंस्टेड ऑफ स्क्रिप्ट्स, उनको जो है एग्जामिनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ना कि स्क्रिप्ट्स के अंदर। दिस विल कंट्रोल द वेरिएशन इन स्कोर, जिससे जो है स्कोर जो है बच्चों के वो ऊपर नीचे नहीं होंगे। यूज़ ऑफ द ग्रेडिंग और रेटिंग सिस्टम, इसके अंदर अगर आप यूज़ कर रहे हैं इवेल्यूएशन कर रहे हैं तो आपको ग्रेडिंग या फिर रेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि ग्रेड दे दें फर्स्ट सेकेंड थर्ड, या फिर रेट दे दें कि भाई किसकी 10% से ऊपर है 20% से ऊपर 30, इस तरीके से ग्रेड भी आप दे सकते हैं, जैसे कि 10% से ऊपर वालों को हम डी ग्रेड दे रहे हैं, फिर 20, फिर 30, इस तरीके से अलग अलग हम ग्रेड भी दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इवेल्यूएशन ऑफ ओनली वन क्वेश्चन एट ए टाइम, ओनली वन क्वेश्चन एट ए टाइम, यानी कि एक ही टाइम पे एक ही क्वेश्चन को आप जो है इवेल्यूएट करेंगे, एक से ज़्यादा नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेरिट्स, ऐसे टाइप टेस्ट जो है हर सब्जेक्ट का हम इजीली ले सकते हैं, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, एसएस हो, या होम साइंस, या जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनका हम सबका ऐसे टाइप टेस्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़
ऐसे टाइप जो होंगे टेस्ट वो ओरिजिनल आइडिया को डिफाइन करेंगे, यानी कि स्टूडेंट के माइंड में किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग क्या आइडिया चल रहा है उसका हम इजीली पता कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ ये सिंपल होते हैं, इसके अंदर सिंपली इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि इस प्रकार का आपका टेस्ट होगा, क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, इसको कंडक्ट करना बहुत ही ईजी है और इसके ऑपरेशन भी बहुत ही ईजी है, मतलब चेकिंग वगैरह जो भी हम सिस्टम बना रहे हैं वो सारी चीज़ें एकदम से ईजी हैं। द मेंटल एबिलिटीज लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, एक्सप्रेशन एंड क्रिटिसिज्म एक्सेट्रा कैन ओनली बी मेजर बाय द ऐसे टाइप टेस्ट। हम ऐसे टाइप टेस्ट से किसी भी स्टूडेंट की रीजनिंग पावर के बारे में पता कर सकते हैं, उसके एक्सप्रेशंस के बारे में पता कर सकते हैं, या किस किस चीज़ को वो क्रिटिसाइज कर रहा है उन चीज़ों के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है। जैसे कि कोई बच्चा जो है मैथ्स नहीं पढ़ना चाह रहा, तो उससे हम ऐसे टाइप टेस्ट से ईजिली पता कर सकते हैं कि ये बच्चा जो है मैथ्स में वीक है। नेक्स्ट वन इज़ थ्रू ऐसे टाइप टेस्ट द राइटिंग स्टाइल ऑफ द स्टूडेंट कैन बी डेवलप्ड। जैसे जैसे ऐसे टाइप टेस्ट चलते जाएंगे उसी तरीके से जो है बच्चा ईजिली किसी भी टॉपिक के बारे में एक्सप्रेस करना सीख जाएगा, जिससे जो है उनके राइटिंग स्किल्स भी जो है इंक्रीज होंगे। ये हमारे कुछ मेरिट्स थे। अब जो हम डीमेरिट्स करते हैं, द स्कोर ऑफ द दिस टेस्ट शो वेरिएशन एज अ रिजल्ट आर ऑल्सो नॉट कंसिस्टेंट। इनके जो स्कोर होंगे टेस्ट के वो वेरिएबल करते रहेंगे, यानी कि किसी बच्चे को आप 10 में से 10 भी दे रहे हैं सेम टॉपिक के बारे में, और किसी को आप 10 में से 1 भी दे रहे हैं, यानी कि आपके स्कोर जो हैं वो हमेशा ही वेरिएट होंगे। या फिर एक ही स्टूडेंट को एक टाइम में आपने 10 में से 9 दिए हैं, एक बार में आपने उसी सेम उसने आंसर लिखा है, एक में आपने उसको 10 में से 7 दिए हैं, तो ये वेरिएट होंगे, यानी कि कोई जो है एक्यूरेट रिजल्ट हमें नहीं पता चलेगा इससे। द पर्सनल व्यू, ओपिनियन, आइडिया एक्सेट्रा ऑफ द एग्जामिनर एंड द एग्जामिनर अफेक्ट द रिस्पॉन्स ऑफ ए पर्टिकुलर आंसर एज वेल एज द इवेल्युएशन। जब भी टीचर जो है क्वेश्चन मतलब आंसर चेक करेगा, या फिर जो स्टूडेंट है वो आंसर लिख रहा है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू जो है उनका थिंकिंग स्टाइल वगैरह सब कुछ अलग होगा किसी भी एक सेम टॉपिक के बारे में, तो हम प्रॉपरली एवेल्यूएट नहीं कर पाएंगे कि कौन से का पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा अच्छा है और कौन से का नहीं। सम टाइम दिस टेस्ट बिकम टाइम कंज्यूमिंग। अब आपने जैसे कि 40 मिनट्स एक स्टूडेंट को दिए हैं उस आंसर को लिखने के लिए, लेकिन वो एक्चुअल में अच्छा रिजल्ट ही नहीं दिखा पा रहा है उसके अंदर, यानी कि ये क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है, साथ में एक हम कह सकते हैं कि हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है अगर बच्चे को जो है अच्छे से समझ नहीं आ रहा। प्रॉपर एवोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, प्रॉपरली हम एवोल्यूट नहीं कर सकते कि क्या इसका रिजल्ट है, क्या कितनी इंप्रूवमेंट है, हम इसमें कुछ भी पता नहीं लगा सकते। कैंडिडेट विद गुड हैंड राइटिंग समटाइम गेट मोर मार्क्स then the one who give an exact and accurate answer in bad handwriting। इनकी कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चों की राइटिंग अच्छी होती है तो इसलिए उनका बुरा ऐसे भी हम उसको अच्छे मार्क्स दे देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जिस बच्चे की राइटिंग गंदी है उसका अच्छा लिखा हुआ भी हम उसको मार्क्स नहीं दे पाते, तो ये भी इसका एक बहुत ही बड़ा डिमेरिट है। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के अंदर हमें क्या इंक्लूड करना है और क्या नहीं करना, ये हमारे रिटन डिवाइसेस का नेक्स्ट पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते क्या हैं? ये वो टेक्निक्स हैं और टेस्ट हैं जो कि हमारे जो ऐसे टाइप टेस्ट है उसके अंदर कुछ भी डिफेक्ट थे उनको एलिमिनेट करने में मदद करेंगे। यानी कि ये कौन से टेस्ट होंगे जो हमारे लिमिटेशन थी ना ऐसे टाइप टेस्ट की, उनको ये कवर करें। ये उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे जो कि डिफेक्ट को ख़त्म कर देंगे, यानी कि जो भी हमारी लिमिटेशन थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट द अचीवमेंट ऑफ द सब्जेक्टिव नॉलेज ऑफ प्यूपिल, देयर एटीट्यूड, देयर एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा आर मेजर्ड। ये इंटेलिजेंस लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या है कि उनके एटीट्यूड कैसा है, उनका एप्टीट्यूड क्या है, वो कहाँ तक पढ़ सकते हैं, कितना पढ़ सकते हैं, कितनी उनकी लिमिटेशंस है, इन सब के बारे में, क्या किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट ज़्यादा है और वो कितने इंटेलिजेंट हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो है मेज़र किया जाता है। दीज टेस्ट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 150 टू 200 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड पॉइंटेड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एंटायर करिकुलम इन ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो है 150 टू 200 क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे जो कि हमारे पूरे सिलेबस से लिए जाएंगे। ये बिल्कुल एक शॉर्ट ड्यूरेशन का टेस्ट होता है, यानी कि बिल्कुल ही छोटे समय के लिए टेस्ट होता है। दीज टेस्ट आर ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिविटी होती है इनके अंदर, एंड देयर मेजरमेंट विल नॉट अफेक्ट स्कोरेबिलिटी ऑफ द पीपल, यानी कि इनके जो मेज़रमेंट हम कर रहे हैं, जो मार्क्स वगैरह देंगे, वो एक्चुअल स्कोर्स को अफेक्ट ज़्यादा नहीं करेगी।
यानी कि ये टेस्ट कौन से हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हैं। ऑब्जेक्टिव यानी कि जिसके अंदर ऑप्शंस ऑलरेडी गिवन है, आपको उन्हीं में से चुनना होगा, या फिर ट्रू फॉल्स पूछे जाएंगे, या फिर मैच द फॉलोइंग पूछा जाएगा, यानी कि आंसर आपको ऑलरेडी दिए होंगे, आपको अपने आप से कोई आंसर नहीं लिखना। वही अगर हम सब्जेक्टिव टेस्ट की बात करें तो सब्जेक्टिव के अंदर क्या होगा कि बच्चा जो है अपने थॉट, अपना जो भी उसका माइंड के अंदर चल रहा है वो एक्सप्रेस कर सकता है इजीली। तो ये हमारे कौन से टेस्ट हैं? ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यानी कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट कितने प्रकार के हैं। ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, कंप्लीशन टेस्ट हो सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टेस्ट हो सकते हैं, मैच द फॉलोइंग टेस्ट हो सकते हैं। ये सब कुछ जो हमारे टाइप ऑफ टेस्ट के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। अब हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं और इनको किस तरीके से जो है हमारे करिकुलम से जोड़ा गया है। फर्स्ट टाइप ऑफ टेस्ट इज ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन टाइप टेस्ट। इसके अंदर क्या होगा, आपको ऑफर किया जाएगा क्वेश्चन जिसके अंदर आपको आंसर देना होगा कि ये सही है या गलत है, येस है या नो है, ट्रू फॉल्स, या फिर हाई है इसका आंसर या फिर लो है, आप इससे एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, और इस तरीके से आपको कोई कोई ऑप्शन दिया जाएगा, उनमें से आपको बस एक ही करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ट्रू फॉल्स के लिए क्या है, राइट ट्रू इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड राइट एफ इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। फर्स्ट एग्जांपल जो है मैंने इसमें लिया है शार्क्स आर मैमल्स, तो ये हमारा ऑप्शन जो है फॉल्स है क्योंकि फिश है। नेक्स्ट आता है द ह्यूमन बॉडी हैज़ टू लंग्स, कि ह्यूमन बॉडी के अंदर दो फेफड़े हैं, तो ये बात जो है सही है यानी कि ट्रू है। अब हम इन दोनों का आंसर फॉल्स या ट्रू इस तरीके से दे सकते हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन का आंसर हम दोनों ऑप्शन क्या है नहीं दे सकते कि ये ट्रू भी है ये फॉल्स भी है, तो वो जो हमारा क्वेश्चन होगा उसको क्या है डिलीट कर दिया जाएगा, यानी कि आपका कोई भी रिस्पॉन्स काउंट नहीं किया जाएगा अगर आप ऐसे करके आएंगे। तो ये हमारे जो है फर्स्ट टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का पार्ट है कि ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस इसके अंदर दिए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इज कंप्लीशन टेस्ट, यानी कि इसके अंदर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिए जाएंगे, एक जो गैप दिया जाएगा उसके अंदर आपको इसका आंसर जो है लिखना होगा। ये हम क्या है दो टाइप से चूज कर सकते हैं, इसके भी दो वर्जन हम बना सकते हैं। एक क्या होगा कि जैसे कि पांच क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं और उनके जो ऑप्शन है सबके नीचे इकट्ठे कंबाइन करके दिए गए हैं, यानी कि आपको हर फाइव का क्या है उनमें से ही चूज करके लिखना होगा। या फिर हम ईजिएस्ट फॉर्म उसका क्या दे सकते हैं कि आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे और उन दो में से ही एक जो है उसके अंदर आपको भरना है, तो ये भी दो तरीके के हम दे सकते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे कि फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर स्पाइडर हैव डैश लेग्स, यानी कि अब इसके अंदर क्या है आपको ऑप्शन पहले ही दे दिए हैं कि सिक्स आएगा या फिर एट आएगा, तो इसके अंदर क्या आएगा हमारा एट आएगा। डैश इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन, यानी कि जो हमारा कौन सा प्लैनेट ऐसा है जो कि सन के बिल्कुल पास है, तो मरकरी हमारा जो है बिल्कुल सन के पास है। अभी इसके अंदर क्या होगा अगर स्पाइडर वाला ऑप्शन जो है एट जो है और ये हमारा मर्क्यूरी वाला है, या फिर हम जो लास्ट हमने जो ऑप्शन लिए हैं ट्रू फॉल्स वाले उनको भी शार्क मान लेते हैं कि उसके अंदर गैप दिया गया है, तो फिश एक ऑप्शन ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको इकट्ठे ऑप्शन दिए गए हैं बहुत सारे क्वेश्चन के तो उसको हम हार्ड मानेंगे, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स हमारे कैसे हैं हार्ड हैं, लेकिन अगर ऐसे ऑप्शन दिया जाएगा तो इसका मतलब वो ईजी हैं और बच्चे जो है कर सकते हैं ईजी वे से। तो इसकी डेफिनेशन के अंदर यही है, ए फिलिंग द ब्लैंक्स आइटम प्रोवाइड ए टेस्ट टेकर टू विद आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक एंड रिक्वायर द टेस्ट टेकर टू रिकॉल द करेक्ट टर्म। देर आर टू टाइप ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स इन द टेस्ट, जो भी है द ईजी वर्जन क्या है उसको साथ के साथ ब्रैकेट में दे दो, और दूसरा क्या है या तो उसको आप दो ही मत या फिर इकट्ठे बहुत सारे क्वेश्चन के इकट्ठे ऑप्शन दो। तो ये हमारे जो है कंप्लीशन टेस्ट बोलता है, ये हमारे सेकेंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। नेक्स्ट टाइप ऑफ टेस्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि हमारा थर्ड टाइप ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। इसके अंदर क्या होगा मल्टीपल चॉइस दी जाएंगे और उनमें से बस आपको रिस्पॉन्ड करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसके लिए करेक्ट माना गया है। अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के अंदर गैस लगा के आएंगे, यानी कि हम जैसे ही अपनी मर्जी से आपको आंसर नहीं बता और आप फिर भी उसके ऊपर टिक करके आ रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा कि ओनली 25% ही ऐसे चांसेस हैं
कि आपका ऑप्शन जो है सही हो सकता है, अदरवाइज 75% ऐसे चांस है कि आपका ऑप्शन गलत ही होगा। तो इसलिए अगर कोई पढ़ के नहीं गया होगा तो उसका आंसर जो है हमेशा गलत ही होगा। अब जैसे कि एग्जांपल क्या है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन विलेज, जो विलेज के क्षेत्र में रहते हैं उनकी मेन जो ऑक्यूपेशन है, उनका काम है वो क्या है, तो वो फार्मिंग करते हैं, तो फार्मिंग इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि सबसे ऊंची चोटी क्या है, कौन सी है माउंटेन की, वो क्या है हमारी, माउंट एवरेस्ट है। ये इसका ऑप्शन क्या है, ये वाला करेक्ट होगा। इसी तरीके से अगर आप इसको पढ़ के नहीं गए होंगे तो आप जो है चार ऑप्शन में से क्या पता आप स्टीचिंग को चूज़ कर दें मेन ऑक्यूपेशन के लिए, या फिर हाईएस्ट पीक आप तो वर्ल्ड की क्या है नंदा देवी को बना दें आप। तो इसलिए इनमें जो है बहुत कम चांसेस होते हैं कि अगर आप जो गैस मार्क आएंगे और वो आपका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको हमेशा ही MCQ वाले पेपर्स के अंदर अच्छी तरीके से पढ़ कर जाना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ टेस्ट है वो है मैचिंग टेस्ट। मैचिंग टेस्ट के अंदर क्या है, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, एक साइड आपका क्वेश्चन है, दूसरी साइड भी उसके कुछ ऑप्शंस है उसी से रिलेटेड होंगे। द आंसर्स आर नॉट रिटन एग्जैक्ट इन फ्रंट ऑफ द क्वेश्चन बट दे आर रिटन अनसिक्वेंसली, यानी कि वो आंसर जो होगा एकदम सामने नहीं लिखा जाएगा। कई बार क्या है जैसे कि पाँच ऑप्शन हैं, पाँच क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक दो का ऑप्शन जो है डायरेक्टली सामने भी डाल दिया जाता है, लेकिन उनकी सीक्वेंस जो है एग्जैक्टली मैच नहीं होगी कि जो पांच ऑप्शन है उनके सामने ही पांचों आंसर हैं, ऐसा नहीं होगा। स्टूडेंट हैव टू मेक ए पेयर बाय मेंशनिंग द राइट सीक्वेंस ऑफ द आंसर इन फ्रंट ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि उसका जो क्वेश्चन है उसी के आगे जो है उनको सीक्वेंस मेंशन करनी होगी कि इसका जो सीक्वेंस है वो कौन सा होगा। अब जैसे कि मैच द फॉलोइंग के अंदर ये मैंने लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड इनटू ए सिंपल फॉर्म विच द बॉडी कैन यूज़, जो हमारा खाना है उसको तोड़ना छोटे छोटे टुकड़ों में ताकि हमारी जो बॉडी है उसको सिंपली यूज़ कर सके, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को च्युइंगिंग कहेंगे, यानी कि चबाना कहेंगे कि हम च्युइंग कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या है हमारा खाना जो है टुकड़ों में टूट रहा है और उसके बाद हमारी बॉडी जो है उसको अंदर ले रही है। नेक्स्ट आता है डांडी मार्च स्टार्टेड फ्रॉम गुजरात टू डांडी बाई, यानी कि किसने शुरू की थी डांडी मार्च, तो महात्मा गांधी इसका जो है राइट ऑप्शन होगा। इस प्रकार से जो है आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। नेक्स्ट हमारा था मेरिट्स, यानी कि क्या क्या है ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है उसके क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं। अब हम इनके बारे में जानेंगे कि क्या गुण हैं और क्या अवगुण हैं। फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिविटी, जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है वो कैसा है, ऑब्जेक्टिव है, उसके ऊपर क्या है यानी कि ऑप्शन ऑलरेडी दिए गए हैं, सब्जेक्टिव नहीं है कि आपको खुद से अपने मन से लिखने पड़ेंगे, तो ऑब्जेक्टिविटी है इन टेस्ट के अंदर, यानी कि ऑप्शन जो दिए गए हैं उन्हीं में से आपको चूज़ करने होता है। नेक्स्ट आता है वैलिडिटी, यानी कि ये टेस्ट ज़्यादा वैलिड है एज कम्पेयर टू हमारे ऐसे टाइप टेस्ट। अब ऐसे टाइप टेस्ट के अंदर तो बच्चा अपनी मर्जी से आंसर लिख कर आता है, अंदर क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है वो एकदम एग्जैक्ट वे में ही दिया जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ रिलायबिलिटी, इनके जो आंसर होते हैं या फिर ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनके ऊपर हम इजीली रिलाय कर सकते हैं, इजीली इनको मान सकते हैं, विश्वसनीयता है ये, यानी कि इनके ऊपर इजीली विश्वास हम कर सकते हैं क्योंकि हमें ऑलरेडी करेक्ट ऑप्शंस दिए गए होते हैं, उन्हीं में से हमें एक ऑप्शन को चूज़ करना होता है। नेक्स्ट वन इज़ डिस्क्रिमिनेशन, इन टेस्ट के अकॉर्डिंग हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। एक बच्चा अगर जो बिलो एवरेज था और उसके स्कोर अच्छे आ जाते हैं तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि इस बच्चे ने क्या है चीटिंग वगैरह ज़्यादा की है या इसको कुछ समझ नहीं थी इसने तुक्के लगा दिए, यानी कि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी को भी, जिसके आंसर जितने ऑप्शंस करेक्ट वो कर रहा है उसको उतने ही मार्क्स जो है दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्रैक्टिकेबिलिटी, यानी कि इनको ईजिली जो है हम प्रैक्टिस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और जो ईजिली इनको क्या है हम ऑप्शन भी बना सकते हैं, इनके आसानी से हम चेकिंग भी कर सकते हैं, यानी कि ईजी प्रोसेस है। एडमिनिस्ट्रेटिबिलिटी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा उसको ईजी हो जाएगा, उसको खुद ही ऑप्शन देने होंगे, वो ईजिली चेक कर पाएगा एग्ज़ाम वगैरह को, तो उसमें भी इसको क्या है बेनिफिट दिया गया है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को। ईजी स्कोरेबिलिटी, यानी कि ईजिली आप इसके अंदर मार्क्स जो हैं ले सकते हैं, अगर आपको पता है कि चार ऑप्शन में से ही एक करेक्ट ऑप्शन है तो आप जो है अगर पढ़कर जाएंगे तो ईजिली आप इसके अंदर स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ डीमेरिट्स, यानी कि अवगुण क्या है, डिफ़िकल्ट
कंस्ट्रक्शन, इनको बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको करेक्ट ऑप्शन भी खुद ही चूज़ करके देने होते हैं और साथ के साथ आपको रॉन्ग ऑप्शन भी चूज़ करने होंगे, क्वेश्चन को भी सेट करना होगा। तो इसलिए जो है ये प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है जब आप इसको बना रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ पार्शियल इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर पूरी की पूरी जानकारी आपको नहीं दी जाती है, तो इसलिए आपको जस्ट एक करेक्ट ऑप्शन को ही चूज़ करना होता है, जो कि इसके अंदर जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए टॉपिक की वो नहीं दी जाएगी। गैसिंग एंड चीटिंग, इसके अंदर ईजिली कोई भी गैस करके जो है टिक करके आ सकता है और उसका ऑप्शन कई बार क्या है सही भी हो सकता है, और चीटिंग भी इजीली हम कर सकते हैं अगर जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हैं तो किसी से भी हम आंसर इजीली पूछ लेते हैं कि फर्स्ट का आंसर क्या है, फोर्थ का क्या है, तो इस तरीके से जो है इजीली इनके आंसर भी पूछे जा सकते हैं जो कि चीटिंग भी कहलाएगी। नेक्स्ट वन इज़ वेरी कॉस्टली, यानी कि ये मेथड जो है बहुत ही कॉस्टली है। अब जैसे कि पेपर पे अगर हम इनके टेस्ट ले रहे हैं, अब मैच द फॉलोइंग वगैरह ऑप्शन दे जा रहे हैं हम, टाइपिंग वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा, एक जो हमारा इजी सा क्वेश्चन अगर हम ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जिसे डिफाइन इन्वायरमेंट, और इसके अंदर हम जो है अलग से दिखा रहे हैं कि चार ऑप्शन में से चूज़ करो, तो ये पेपर वेस्टिंग भी है और कॉस्टली भी मेथड है। नेक्स्ट आता है डिफ़िकल्टी ऑफ मेजरिंग मेंटल एबिलिटीज़, अब इसके अंदर जो है हमारी मानसिक शक्तियाँ हैं उनको हम मापने में क्या है सक्षम नहीं है, क्योंकि कई बार जो है बच्चा टिक करके आ जाता है और उसका आंसर भी सही हो जाता है और उसको सब कुछ जो है अच्छे मार्क्स भी मिल जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस बच्चे को टॉपिक की पूरी समझ आ चुकी है, तो इसलिए हम इनकी मेंटल एबिलिटीज़ को नहीं माप सकते। अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे कि ये क्या चीज़ है, साथ के साथ हम ये देखेंगे कि क्या इसके मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं। अगर हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की जो डिस्कशन में ये देखें कि किस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि वन वर्ड टू वर्ड का आंसर या फिर वन और टू लाइन का आंसर, उसी को हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कहेंगे, तो उनकी जो है क्या क्या फ़ायदे होंगे अब हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और क्या क्या इनके जो है डीमेरिट्स हैं यानी कि नुकसान क्या क्या हैं, ये किस किस चीज़ में फेवरेबल नहीं है अगर हम इनको यूज़ करें, तो उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैसे होंगे, ये हमारे ओपन एंडेड होंगे, जैसे कि हमने ऐसे टाइप क्वेश्चन कहा वो भी हमारा ओपन एंडेड होता है, आपको एक ऐसे लिखना होता है। इसी तरीके से जब हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया तो उसके अंदर क्या था कि आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, या तो आप येस कहेंगे या नो कहेंगे या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए जाएंगे, उनमें आपको जो है फिल करना होगा, ऑलरेडी आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे उन्हीं में से आपको चूज़ करना होगा, या फिर MCQ क्वेश्चंस होते हैं हमारे, मैच द फॉलोइंग होते हैं, इनमें आप खुद से नहीं लिखते, यानी कि इनका आंसर जो है हमारे सामने ऑलरेडी होता है, हमें जस्ट चूज़ करना होता है कि ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन जो हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इसके अंदर हमें क्या करना होगा कि खुद से ये आंसर को क्रिएट करना होगा, जिससे कि हम ऐसे टाइप क्वेश्चंस में करेंगे खुद का आंसर क्रिएट करेंगे, इसी तरीके से हम इसमें भी खुद का आंसर क्रिएट करेंगे। इन क्वेश्चंस का आंसर जो होगा यूजुअली वन वर्ड या फिर कुछ लाइंस ही होंगी, यानी कि बस एक या दो लाइन हम या तीन लाइन मैक्सिमम हम कह सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लिखते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो हमारे अगर स्कूल लेवल की हम बात कर रहे हैं तो ये वन वर्ड या फिर वन और टू लाइन के हो सकते हैं, लेकिन अगर हम कॉलेज लेवल की बात करें तो उसके अंदर हमारा 4 मार्क्स का या 2 मार्क्स का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें हम 1 पेज या हाफ पेज जो है कंप्लीट कर आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं ये हेल्प करते हैं टेस्ट हायर थिंकिंग स्किल्स, यानी कि हमारी जो थिंकिंग स्किल्स हैं उनको चेक करने में हेल्प करेंगे ये, साथ के साथ एनालाइज और एवोल्यूशन में भी हेल्प करेंगे। अगर हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारे फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट के अंदर भी हम इंक्लूड करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस मान लेते हैं अगर हम 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो उसमें 20 क्वेश्चंस शॉर्ट टाइप हैं, उसके बाद 4 मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स के हैं, जो भी है, तो ये नॉर्मली 1 मार्क्स के होते हैं अगर हम स्कूल लेवल की बात करें तो। अगर हम नॉर्मली बात करें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं, तो वो ओपन एंडेड होते हैं, 1 और 2 लाइन में उनका आंसर आ सकता है या 1 वर्ड का भी आंसर हो सकता है, ये हमारे हायर थिंकिंग स्किल्स को चेक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आपको बस 3 ये मेन पॉइंट हैं, उसके बाद जो है आप अपनी डिस्क्रिप्शन अलग से भी दे सकते हैं जो जो आप डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मेरिट्स, यानी कि गुण, क्या क्या गुण हैं हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के अगर हम इनको यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट है पॉसिबिलिटी टू सेट क्वेश्चंस ऑन द होल करिकुलम, ये पॉसिबिलिटी बढ़ा देते हैं कि हम पूरे करिकुलम में से कुछ ना कुछ पॉइंट उठाएं और जो हमारे क्वेश्चन बनाकर पुट करें बच्चों के सामने, जिससे हमें ये पता चलेगा कि उनको ओवरऑल नॉलेज क्या है। नेक्स्ट आता है मोर वैलिड देन एसे टाइप टेस्ट,
ये वैलिड होते हैं, क्योंकि अगर आपको कहा जाए कि वन वर्ड में इसका आंसर दीजिए किसी भी क्वेश्चन का, तो आपको अगर आप उसके अंदर सेम आंसर लिख के आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आप करेक्ट हैं। लेकिन ऐसे टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि मान लेते हैं आपको ऐसे लिखने के लिए बोल दिया गया, तो उसके अंदर क्या होगा कि कुछ पॉइंट ऐसे भी होंगे जो कि इनरेलेवेंट आप लिख कर आओगे, यानी कि ये हमारे कौन से हैं जिसके अंदर वैलिडिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऐसे टाइप टेस्ट। नेक्स्ट वन इज़ मोर रिलायबल देन ऐसे टाइप टेस्ट। ये हमारे टेस्ट जो है हम इनके ऊपर विश्वास दिखा सकते हैं, मोर रिलायबल हैं ये, इनके ऊपर विश्वास हम दिखा सकते हैं, इनका जो रिज़ल्ट आएगा उसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं कि क्या एग्जैक्ट हमारा रिज़ल्ट आया है, स्टूडेंट कितना पढ़ चुके हैं और कितना उनको नहीं आ रहा। तो ये जो है ऐसे टाइप टेस्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा रिलायबल रहेंगे, क्योंकि ऐसे टाइप में हम मान लेते हैं ऐसे 10 मार्क्स का दिया है, तो नॉर्मली अगर कोई बच्चा लिख कर आ रहा है उसको 7 भी मिल रहे हैं, 4 भी मिल रहे हैं, तो इसमें हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा पॉइंट बच्चे का ज़्यादा सही था और किस बच्चे का कितना सही था। तो यानी कि ये हमारे जो ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे इनमें हम रिलायबिलिटी नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा एक्यूरेट आंसर लिखा गया है। अगर आप उसको 10 में से 10 भी दे रहे हैं, क्या पता वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से उसने 10/10 का काम किया, लेकिन अगर दूसरा टीचर कहे कि इसको 8 या 7 मार्क्स आएंगे, तो उसमें हम रिलायबिलिटी नहीं दिखा सकते ऐसे टाइप टेस्ट में। लेकिन हमारा अगर शॉर्ट टाइप आंसर होगा, अगर वो उस बच्चे ने आंसर सही लिखा है, तो कोई भी टीचर उसको गलत नहीं बता सकता, यानी कि वो रिलायबल आंसर है। नेक्स्ट वन इज़ मोर ऑब्जेक्टिव देन ऐसे टाइप टेस्ट। ऐसे टाइप टेस्ट के अंदर हमारी ऑब्जेक्टिविटी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उसके अंदर आपको आंसर अपने अकॉर्डिंग लिख के आना है। सब्जेक्टिविटी है, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा और वो अपने अपने अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव, ये जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है, ये ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी इसके अंदर ज़्यादा है। जैसे कि आपको अगर वन वर्ड में आंसर बोला है, तो यानी कि सबका आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। अगर बच्चे को आता होगा तो वो आंसर जो है सेम ही लिखेगा। नेक्स्ट वन इज़ मोर डिस्क्रिमिनेटरी, यानी कि इसके अंदर जो है भेदभाव वाली भावना जो है ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारे ऐसे टाइप टेस्ट में, क्योंकि ऐसे टाइप टेस्ट क्या है, हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग लिखता है, लेकिन इसके अंदर आंसर जो है सेम होगा, इसीलिए जो है इसके अंदर डिस्क्रिमिनेटरी पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऐसे टाइप टेस्ट। अगर एक बच्चे का आंसर गलत है तो आप उसको गलत ही कहेंगे, डिस्क्रिमिनेट हम उसको ईजिली कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आता है सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन, इसको जो है अगर हम शॉर्ट टाइप टेस्ट ले रहे हैं तो उसको सेट करना बहुत ही आसान होता है, इसीलिए इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी क्या है, सिंपली वर्क होता है, उनको क्वेश्चन बनाना होता है और बच्चों को स्पेस दिया जाता है, उसमें उनको आंसर फिल करना होता है, और फिर चेकिंग वगैरह का प्रोसेस भी इसके लिए ईजी है ऐसे टाइप टेस्ट के कंपेरिजन में। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिमेरिट्स, इनएबिलिटी टू मेजर द स्किल्स एंड एटीट्यूड। इसके अंदर जो है एबिलिटी नहीं है कि बच्चे का कोई भी स्किल पता कर सके या उसका किस प्रकार का एटीट्यूड है। अब ऐसे टाइप अगर टेस्ट आप लिखेंगे तो आप अपने भाव को प्रकट करेंगे उनके सामने, यानी कि अपनी भावनाएं ही लिख कर आते हैं आप अगर किसी भी टॉपिक के बारे में, तो उससे क्या है टीचर को पता चलेगा कि बच्चे के अंदर राइटिंग स्किल्स कैसे हैं, उनको मतलब कि उनकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो किस प्रकार का है, उनका एटीट्यूड कैसा है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या एक्चुअल लाइफ से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है इनएबिलिटी टू मेजर लिंग्विस्टिक स्किल्स एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन। सेम वही चीज़ें हैं कि वो जो है भाषाई कौशल के अंदर या फिर लिंग्विस्टिक स्किल, हमारे जो लैंग्वेज के स्किल हैं उनके अंदर या फिर उनकी एक्सप्रेशन पावर है, उनको हम मेज़र नहीं कर पाएंगे। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस का टेस्ट ले रहे हैं तो उसमें आप वन वर्ड या वन लाइन मैक्सिमम आप लिखने के लिए कहेंगे, तो उसके अंदर हम बच्चे का एक्सप्रेशन लेवल किस तरीके से चेक होगा वो नहीं हो पाएगा, या फिर उसकी किस तरीके की लैंग्वेज स्किल हैं, जैसे कि इंग्लिश का आप चेक करें, इंग्लिश में वो किस तरीके का है, हिंदी में राइटिंग में वो किस तरीके के हैं, तो वो चीज़ें हम जो है चेक नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक इसका क्या है, डीमेरिट है। नेक्स्ट वन इज़ इनएबिलिटी टू मेज़र हायर मेंटल फैसिलिटी सच एज लॉजिक। इसके अंदर हम लॉजिक का एक्चुअल मतलब कि आंसर यही क्यों आया, तो ये हम जो है अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक इसका डीमेरिट है। नेक्स्ट वन इज़ इनएबिलिटी टू मेज़र इनसाइट एंड फोरसाइट। इन टेस्ट के अंदर हम ये नहीं बता पाएंगे कि एक्चुअल में क्या एक्सप्रेशन है या फिर क्या आगे की कोई सोच रहा है। अगर आप एक ही वर्ड में आंसर मांग रहे हैं तो उससे एक बच्चा क्या एक्सप्लेन कर पाएगा, क्या एक्सप्रेस कर पाएगा, यानी कि ये भी एक क्या है, डीमेरिट है। नेक्स्ट वन इज़ लेस हेल्पफुल टू मेज़र पर्सनैलिटी। इन टेस्ट की वजह से हम पर्सनैलिटी को मेज़र नहीं कर सकते किसी भी बच्चे की, यानी कि ये वन वर्ड के होते हैं। अगर कोई बच्चा 10 में से 10 आंसर सही कर देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओवरऑल बहुत ही परफेक्ट है, या फिर किसी का एक भी आंसर सही नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता।
इसीलिए हम कह सकते हैं कि इससे हम पर्सनैलिटी को मेज़र नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एम्फेसिस ऑन रोट लर्निंग। इसमें रटाफिकेशन का ज़्यादा ही काम किया जा रहा है, क्योंकि आपको आंसर्स को रटवाना होता है कि इसका आंसर यही होगा। वो बच्चा जो है आगे एग्ज़ाम आते हैं तो उसमें वो सेम ही आंसर लिख कर आएगा, तो इसलिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के अंदर हम रोट लर्निंग का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं एक कि रोट लर्निंग किस तरीके से शॉर्ट टाइप आंसर्स में फॉलो किया जा रहा है। अब आप वन वर्ड का ही आंसर बच्चे से पूछ रहे हैं तो वो वन वर्ड ही याद कर कर आ रहा है, उसी का सेम आंसर ही वो लर्न करके आएगा। तो इस तरीके से जो है बच्चा रोट लर्निंग तो फॉलो कर रहा है। अब जैसे कि आपने महात्मा गांधी जी के बारे में उनको पढ़ाया है क्लास के अंदर, अब आपने क्वेश्चन में पूछा है कि महात्मा गांधी जयंती कब होती है, तो बच्चे जो है आंसर 2 अक्टूबर ही लिखेगा, क्योंकि उसने क्या है उस चीज़ को याद किया है, उसका रट्टा लगाया है, इसीलिए उसको पता है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में हम क्या है रोट लर्निंग को भी फॉलो करते हैं। हम ओवर इवेल्युएशन डिवाइस के बारे में बात करेंगे कि ओवरऑल इवेल्युएशन डिवाइसेस क्या होती हैं, इनका हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर, ये किस तरीके से ये हमें जो है बच्चे के बारे में जानने में मदद करेंगी। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन आता है हमारा इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हम ओरल एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ओरल एग्ज़ाम क्या होते हैं, यानी कि ओरल टेस्ट क्या होते हैं, वाइवा वॉइस वगैरह क्या होती हैं, हमारा वाइवा लेना क्या होता है, ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। यानी कि ओरली आप जब बच्चे से क्वेश्चन आंसरिंग कर रहे हैं, उनका टेस्ट ओरली ले रहे हैं, जैसे कि हमारे वाइवा होता है जिसके अंदर क्या है बच्चे से ओरली पूछा जा रहा है हर क्वेश्चन, जो भी उसने प्रैक्टिकल प्रिपेयर किया है, कुछ भी वो काम कर रहा है उसको आप ओरली उसको टेस्ट कर रहे हैं। ओरल एग्जाम इज अ प्रैक्टिस इन मैनी स्कूल्स एंड डिसिप्लिन्स वेयर एन एग्जामिनर पोज क्वेश्चन टू द स्टूडेंट। यानी कि ओरल एग्जाम क्या होते हैं हमारे, वो प्रैक्टिस जो कि स्कूल में की जाती है या डिसिप्लिन्स के रिगार्डिंग की जा रही है, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग की जा रही है, जिसके अंदर क्या होगा कि जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पूछता है किन से, स्टूडेंट से, यानी कि जो टीचर होगा वो बच्चों से क्वेश्चन पूछेगा, उसको हम ओरल एग्जाम कहेंगे, और स्टूडेंट जो है उसको रिस्पॉन्ड करेगा। स्कूल्स में ओरल एग्ज़ाम जो है सिर्फ नॉलेज को टेस्ट करने के लिए नहीं लिया जाता, जबकि ये हमारी एबिलिटी भी देखता है कि हम किस तरीके से रिस्पोंड कर रहे हैं ऑन द स्पॉट। यानी कि इसके अंदर हम सिर्फ बच्चे की नॉलेज को टेस्ट नहीं करेंगे, उनके रिस्पॉन्स को भी टेस्ट करेंगे कि वो ऑन द स्पॉट किस तरीके का आंसर आपको दे रहा है उस क्वेश्चन से रिलेटेड। Sometimes the oral exam is offered in schools as an alternative to the written exam for the student with the a learning disability. यानी कि जिस बच्चे को लर्निंग में कोई डिसेबिलिटी है, वो लिख नहीं पा रहा है ढंग से, या उसको कोई भी मतलब कि प्रॉब्लम है, या फिर उसको कह सकते हैं वो हैंडीकैप वगैरह है, उनके हाथ ही नहीं है, तो वो किस तरीके से लिखेंगे, तो उन बच्चों को जो है टेस्ट करने के लिए हम एक ऑल्टरनेट के तौर पर ओरल एग्ज़ाम को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई डिसेबिलिटी है, बच्चे को डिसग्राफिया है, उसकी राइटिंग वो ऐसी लिख रहा है किसी को भी समझ नहीं आ रही, इवन उस बच्चे को भी समझ नहीं आ रही, तो इस तरीके की हम राइटिंग चेक करने के बजाय उन बच्चों का क्या है ओरल एग्ज़ाम भी ले सकते हैं एक अल्टरनेट के तौर पर। डेवलप करेंगे कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, यानी कि कोई भी जिनके अंदर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वगैरह हैं, या फिर किसी बच्चे को नॉन वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर है, यानी कि वो बच्चा सुनकर ही सीख सकता है, बोलकर ही सीख सकता है, लेकिन वो लिखा हुआ नहीं सीख पा रहा है। अब जैसे कि ब्लाइंड चाइल्ड होते हैं, उनको पढ़ा हुआ मतलब लिखा हुआ नहीं दिख सकता इजीली, वो बस ब्रेल वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हीं बच्चों को ऑडियो वॉइस से या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह से बच्चों को सिखाया जाए तो वो ईजिली जो है सीख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ देर आर 4 बेसिक फॉर्मेट ऑफ ओरल एग्जामिनेशन। यानी कि ओरली अगर हम टेस्ट ले रहे हैं तो 4 बेसिकली हम फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट आता है हमारा इंटरव्यू स्टाइल, नेक्स्ट इज क्लिनिकल स्टाइल, थर्ड वन इज कॉग्निटिव स्टाइल, एंड फोर्थ वन इज रोल प्लेइंग स्टाइल। फर्स्ट वन हमारा आता है इंटरव्यू स्टाइल। इंटरव्यू स्टाइल के अंदर जो है क्विज वगैरह कराई जा सकती हैं किसी भी जर्नल टॉपिक के रिगार्डिंग, या फिर जो है टीचर क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंटरव्यू के तौर पर, या फिर जैसे कि कोई ऑलरेडी हम प्लान करके आ सकते हैं इंटरव्यू को, या फिर डायरेक्टली हम एकदम से बच्चे से क्वेश्चनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है इंटरव्यू स्टाइल के अंदर इंक्लूड होंगी। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल स्टाइल।
यानी कि कुछ स्पेसिफिक जो भी हमें डायग्नोज करना है किसी भी चीज़ के बारे में, या फिर हम कोई ट्रीटमेंट वगैरह प्लान कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पेशेंट वगैरह का, तो उस टाइम पर जो हम टेस्ट ले रहे हैं, जो उनसे पूछ रहे हैं, अब जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो है अगर आपको फीवर है या फिर और कोई सिम्टम है तो डॉक्टर जो है उसके अकॉर्डिंग ही आपको मेडिसिन देता है। तो यानी कि ये क्लिनिकल स्टाइल भी हो सकता है किसी को भी ओरली डायग्नोज करने का। नेक्स्ट आता है कोग्निटिव स्टाइल। कोग्निटिव स्टाइल के अंदर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग दी जाएगी अराउंड अ स्पेसिफिक केस, यानी कि एक प्रॉब्लम दी जाएगी और आपको क्या है उसके रिगार्डिंग जो भी है आपको सॉल्यूशन वगैरह निकालने हैं, या फिर आपको जो है आंसर देना है उसी के रिगार्डिंग कि ये प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट आता है रोल प्लेइंग स्टाइल, यानी कि इसमें बच्चों को जो है अलग अलग रोल्स दिए जाएंगे, जैसे कि कैरेक्टर वगैरह दिए जाएंगे किसी भी स्टोरी के या प्ले के, उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चों को आप एग्जामिन कर रहे हैं, उनका पता लगा रहे हैं कि किस तरीके से बच्चा बोल पा रहा है, क्या क्या उसके अंदर एबिलिटीज़ वगैरह, किस तरीके से वो रिस्पोंड कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम इन चार स्टाइल से ओरल एग्जामिनेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एप्रोप्रिएट यूज़ क्या है किसी भी ओरल एग्ज़ाम का, यानी कि हम किस तरीके से उसको सही मान सकते हैं कि जो हम यूज़ कर रहे हैं ओरल एग्जामिनेशन का वो एकदम से करेक्ट है। यानी कि कोई ऐसे टेस्ट होते हैं जिनके अंदर रिटन टेस्ट अगर कंपलसरी है तो वहाँ पर आप ओरल एग्ज़ाम नहीं लगा सकते, यानी कि कहाँ कहाँ पर जो है ओरल एग्ज़ाम का यूज़ जो है एप्रोप्रिएट माना गया है, अब ये देखते हैं। फर्स्ट आता है इंटरपर्सनल स्किल्स वगैरह को अगर हमें चेक करना है किसी भी बच्चे की, तो उसके अंदर अगर हम क्या लगा रहे हैं ओरल एग्जामिनेशन से ही हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे के अंदर किस तरीके के स्किल हैं, वो किस तरीके से बातचीत कर पा रहा है। नेक्स्ट आता है कि एबिलिटी टू थिंक ऑन हिज फीट, यानी कि वो अपने आप के हिसाब से क्या सोच पा रहा है, अगर कोई उसको प्रॉब्लम दी जा रही है तो उसका वो किस तरीके से सॉल्यूशन वगैरह निकाल पा रहा है। तो इस केस के अंदर हम जो है बच्चों से जनरली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ओरल टेस्ट उनका लेकर चेक किया जा सकता है। एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन द सिचुएशन, चेंजेस इन द सिचुएशन, यानी कि अगर कोई सिचुएशन चेंज हो रही है तो बच्चा किस प्रकार का रिस्पॉन्ड देगा, आप ये देखने के लिए भी क्या है ओरल एग्जामिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। एबिलिटी टू एज्यूम एन अप्रोप्रिएट रोल एंड परफॉर्म विद इन दिस रोल, यानी कि ये देखने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं कि कौन सा रोल जो है बच्चा ज़्यादा अच्छा कर पा रहा है और उसके अंदर क्या क्या जो प्रेफरेंस परफॉर्म वो कर रहा है उसके रोल के अंदर, वो किस तरीके से जो है अपने आप को अच्छी तरीके से शो कर पा रहा है उस रोल के रिगार्डिंग, तो इन सब चीज़ों को हम ईजिली चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टू असेस द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, बच्चे की अगर हमें पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता लगाना है तो उस केस में हमारे ओरल एग्जामिनेशन अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आता है कैंडिडेट एंड द एग्जामिनी, इसके अंदर जो है हम कैंडिडेट और एग्जामिनी दोनों का ही यूज़ करेंगे। अब एग्जामिनर जो होगा वो क्या करेगा, गुड वर्बल एबिलिटीज़ टू एक्सप्रेस देम सेल्फ, यानी कि जो एग्जामिनर होगा उसके अंदर खुद भी वर्बल एबिलिटीज़ वगैरह होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है एबिलिटी टू कंट्रोल बायसनेस एंड सब्जेक्टिविटी, अगर वो जो है एक के ही प्रति सब्जेक्टिविटी दिखा रहा है, मतलब कि अपने ओपिनियन उसके अंदर रख रहा है, अपना ही सब कुछ है, तो उस चीज़ में जो है वो कैद कर रहा है, मतलब कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, वो सब्जेक्टिविटी कर रहा है या फिर बायसनेस कर रहा है, एक बच्चे को फेवरेबली रिजल्ट दे रहा है दूसरे का नहीं दे रहा, तो ये इस तरीके की चीज़ों में टीचर का क्या है कंट्रोल वगैरह होना चाहिए। कैंडिडेट और एग्जामिनी का यहाँ पर मतलब है कि कैंडिडेट यानी कि जो जैसे कि स्टूडेंट है और एग्जामिनी भी हमारे क्या है स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट के बारे में अगर हमें कुछ भी पता लगाना है तो ओरल एग्जामिनेशन के थ्रू हम इजीली पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्यू इन नंबर हु कैन बी टेस्टेड इंडिविजुअली, अगर बहुत कम बच्चे हैं तो उस जगह पर हम क्या ओरल एग्जामिनेशन ले सकते हैं, यानी कि बस अगर 10 ही बच्चे हैं तो उनका हम ओरल एग्ज़ाम लेके उनके बारे में पता लगा सकते हैं, उनको असेसमेंट वगैरह दे सकते हैं। तो इन केस के अंदर जो है अगर ओरल एग्जामिनेशन आप यूज़ कर रहे हैं तो वो वैलिड माना जाएगा, अप्रोप्रिएट माना जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है नीड ऑफ ओरल एग्जामिनेशन, कि हमें ओरल एग्जामिनेशन लेने की ज़रूरत क्या है, अब उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट आता है इट इज़ द बेस्ट वे टू असेस द पर्टिकुलर लर्निंग आउटकम और द एबिलिटीज, यानी कि इसके अंदर हम पर्टिकुलरली लर्निंग अगर कुछ भी आउटकम हमें चेक करने हैं बच्चे के रिगार्डिंग तो हम वो कर सकते हैं, यानी कि जब आपने टॉपिक कराया उसके बाद आप एक टेस्ट लेकर देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे को कितना लेवल तक समझ आया है या फिर क्या टॉपिक जो है वो समझ नहीं पाया, क्या डिफ़िकल्टी वगैरह रही है, उन चीज़ों को हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग,
अगर आप ओरल एग्जामिनेशन टाइम टू टाइम लेते रहेंगे तो इससे जो है बच्चों की क्वालिटी भी जो है अच्छी होती जाएगी, यानी कि बच्चे भी और ज़्यादा लर्निंग अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट आएगा इट गारंटी द वर्क द स्टूडेंट ओन, यानी कि ये हमें ये बता रहा है कि क्या बच्चे काम कर रहे हैं, यानी कि ये आपको ये दिखाएगा कि गारंटी आपको एक तरीके से प्रोवाइड करेगा अगर आप ओरल एग्जामिनेशन के थ्रू जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका टेस्ट ले रहे हैं, तो बच्चे जो हैं आसानी से काम कर पाएंगे जब उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है इट सूट्स सम स्टूडेंट, यानी कि ये कुछ बच्चों के लिए सूटेबल है, कुछ के लिए ये सूटेबल नहीं होता। अब इसके अंदर क्या आएगा कि सूट्स सम स्टूडेंट, यानी कि ये कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जैसे कि जिनको राइटिंग वगैरह करने में या एक्सप्रेस वो नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, तो उस जगह पर अगर बच्चे का ओरल टेस्ट लिया जाए तो वो बच्चा जो है अच्छा दिखा पाएगा, रिजल्ट अपना शो कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज़ इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग, यानी कि बच्चे की सीखने की क्वालिटी को ओरल असेसमेंट जो है हमारा ओरल जो टेस्ट लेंगे वो एक तरीके से इंक्रीज़ करेगा, उनकी क्वालिटी अच्छी करेगा। आप टाइम टू टाइम टेस्ट ले रहे हैं तो जैसे कि इंटरनल एग्जामिनेशन अगर आप ओरली ले रहे हैं और एक्सटर्नली भी बच्चों का एग्ज़ाम होना है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जैसे 11th 12th क्लास में होते हैं, हमारे 10th क्लास में होते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो बच्चा होगा अगर आप रेगुलरली उनका ओरल एग्जामिनेशन ले रहे हैं तो जब वो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन आएंगे तो उस टाइम पर जो है वो अच्छे से परफॉर्म करेगा एक्सटर्नल जो भी टीचर्स वगैरह आएंगे उनके सामने। नेक्स्ट आता है अनक्लियर एंड एम्बिगुअस क्वेश्चंस कैन बी री एक्सप्रेस्ड और इमीडिएटली क्लैरिफाइड, यानी कि जो क्वेश्चन बच्चे को समझ ही नहीं आ रहे हैं या फिर जो भी अनक्लियर हैं या एम्बिगुअस हैं, यानी कि अस्पष्ट वगैरह क्वेश्चन है कि बच्चों को समझ ही नहीं आ रहे, तो उनको क्लैरिफाई किया जा सकता है टाइम टू टाइम और उसी तरीके से, और उसको री एक्सप्रेस भी किया जा सकता है, यानी कि दोबारा से शो भी कर दिखाया जा सकता है सेम टाइम पर। यानी कि ये इस तरीके से भी हम जो है ओरल एग्ज़ामिनेशन का यूज़ ले सकते हैं कि आप जो है बच्चों को जैसे कि 12th के एग्ज़ाम होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, उससे पहले आप क्वेश्चन ले रहे हैं, एक डेमो टाइप बच्चों को दिखा रहे हैं, मॉक इंटरव्यू लेकर दिखा रहे हैं, तो उस टाइम पर जो है वो बच्चा अगर किसी चीज़ में उसको डाउट है तो वो उसके वहीं की वहीं क्लियर हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट वन इज़ एडवांटेजेस ऑफ ओरल एग्जामिनेशन। फर्स्ट वन इज़ टू प्रोवाइड डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द कैंडिडेट, यानी कि जो टीचर होगा वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आएगा बच्चे के, यानी कि वो फेस टू फेस जो है बच्चे का वाइवा ले रहा है, तो वो बच्चे की एबिलिटीज़ और उनका रिस्पॉन्ड करने का तरीका, उनकी नॉलेज वगैरह सब कुछ वो अच्छे से टेस्ट कर पाएगा। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू टेक मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसिस इंटू अकाउंट, यानी कि जो भी काम करने वाली जो भी हमारी वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह हैं उनका भी ध्यान रखेगा कि क्या क्या अवसर वगैरह बच्चों के सामने हैं, तो उनके ऊपर भी ध्यान रखने का काम होगा इसमें। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन मूविंग फ्रॉम कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग पॉइंट टू द वीक एरिया, यानी कि इस अगर जो आप ओरल टेस्ट ले रहे हैं तो हम बच्चे का जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी पता कर सकते हैं और वीक पॉइंट क्या है वो भी पता कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट आता है रिक्वायर द कैंडिडेट टू फॉर्मुलेट हिज ओन रिप्लाई विदाउट क्ल्यूज, यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि कैंडिडेट को क्या है अपने आप ही जो है आंसर देना होगा, हम कोई क्ल्यू वगैरह उसको नहीं देंगे। नेक्स्ट वन इज़ प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू क्वेश्चन द कैंडिडेट अबाउट हाउ ही अराइव्ड एट एन आंसर, यानी कि इसके अंदर जो है बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो बच्चा जो है आंसर दे पाए कि मैं इस सॉल्यूशन पर किस तरीके से पहुंचा हूं, उससे ये क्वेश्चनिंग वगैरह की जा सकती है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टिमुलेट असेसमेंट बाय टू एग्जामिनर, इसके अंदर जो है इजीली दो एग्जामिनर तीन एग्जामिनर को बिठा दिया जाता है और वो इजीली जो है एग्जामिन कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट के बारे में। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ ओरल एग्जामिनेशन, यानी कि ओरल एग्जामिनेशन की क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या क्या इसकी जो है लिमिटेशन है, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि कोई स्टैंडर्ड वगैरह फिक्स नहीं है, तो ये इस चीज़ में क्या है पीछे है हमारा मेथड, इसके अंदर कोई भी आपको प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं दिया जाएगा या प्रोसीजर नहीं दिया जाएगा जो कि आपको फॉलो करना हो। नेक्स्ट वन इज़ लैक ऑब्जेक्टिविटी एंड रिप्रोडक्टिविटी ऑफ द रिजल्ट, यानी कि इसके अंदर जो है ऑब्जेक्टिविटी भी बहुत कम है और रिप्रोडक्टिविटी भी रिजल्ट की बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी कि हम जो रिजल्ट है एक बार बच्चा दे चुका है ओरल एग्ज़ाम उसके बाद
बाद बार बार जो है हम बच्चे का रिजल्ट नहीं बता सकते कि उसने इस तरीके से आंसर दिए हैं। अब जैसे आपने 50 स्टूडेंट का वाइवा लिया तो आप हर बच्चे का वाइवा वगैरह याद नहीं रख सकते, तो ये भी क्या है, एक इसकी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आता है परमिट फेवरलिज्म एंड पॉसिबल अब्यूज़ ऑफ द पर्सनल कॉन्टैक्ट, यानी कि इसके अंदर क्या हो सकता है कि बच्चा जो टीचर होगा वो किसी एक के प्रति जो है बायस हो सकता है, यानी कि अगर कोई उसका फैमिली मेंबर है या फिर जान पहचान का है तो उसके केस में क्या होगा, वो बच्चे के क्या है ज़्यादा मार्क्स लगाएगा, जो कि उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होंगी फिर भी उसको मार्क्स वगैरह मिल जाएंगे दूसरे बच्चों के कंपेरिजन में, तो ये भी एक क्या है डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट वन इज़ सफ़र फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंसेस ऑफ इनरेलेवेंट फैक्टर्स, यानी कि जो फैक्टर्स जो इम्पोर्टेंट भी नहीं थे उनकी वजह से जो है हमारा इंटरव्यू जो हो रहा है या ओरल टेस्ट हम ले रहे हैं वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। नेक्स्ट आता है सफ़र फ्रॉम स्टोरेज ऑफ ट्रेंड एग्जामिनर टू एडमिनिस्टर द एग्जामिन, यानी कि ये ड्रॉबैक ये भी है स्कूल के अंदर इस तरीके के टीचर नहीं हैं कि जो एक परफेक्ट तरीके से बच्चों का क्या है ओरल एग्जामिनेशन ले सकें। नेक्स्ट वन इज़ आर एक्सेसिवली कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल टाइम इन रिलेशन टू द लिमिटेड वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन यील्ड, यानी कि इसके अंदर क्या है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली मेथड है, साथ के साथ ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। कॉस्टली क्यों है, क्योंकि आपको दो दो एग्जामिनर हर बच्चे के लिए बिठाने पड़ रहे हैं, तीन एग्जामिनर चार एग्जामिनर, साथ के साथ उनका टाइम भी जो वो कहीं और यूटिलाइज कर सकते थे उनको एक ही जगह पर देना पड़ रहा है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। और थर्ड वन इज़ कि ये क्या है, इससे हमें एक लिमिटेड ही इंफॉर्मेशन मिल पा रही है एज़ कम्पेयर टू अगर हम रिटर्न एग्जामिनेशन ले या फिर किसी और तरीके का अगर हम टेस्ट लेकर देख रहे हैं तो उनमें हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन बच्चे के बारे में पता लगा सकते हैं, तो ये एक इसके डिसएडवांटेज है। हमारा ऑब्जर्वेशन इवेल्युएशन डिवाइसेस, फर्स्ट वन इज ऑब्जर्वेशन क्या होता है, सबसे पहले ऑब्जर्व करना किसी को, टीचर ने आपको कोई होमवर्क दिया है, अब टीचर जो है जब वो चेक कर रही हैं तो वो ऑब्जर्व कर रही हैं कहीं आपके पेरेंट्स ने तो नहीं लिख के दिया है, ये आपकी राइटिंग है या नहीं है, जो आपने लिखा है वो खुद से लिखा है या फिर पेरेंट्स ने लिखवाया है सब कुछ, तो इस तरीके से वो ऑब्जर्व कर रही है जब वो रीडिंग कर रही है उस चीज़ का। तो इसी तरीके से हमारे जो रिसर्चर्स होते हैं वो क्या करेंगे, जो उन्होंने खुद का प्रोजेक्ट बनाया है वो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी एबिलिटीज़ हैं, हमारा बिहेवियर है, हमारा इमोशन वगैरह व्यवहार कैसा है या फिर हमारा जो इंटरेक्शन है एक दूसरे के साथ ये वो किस प्रकार का है, हमारी थीम वगैरह कैसी है, जो जिस थीम के ऊपर हमने काम किया है वो सही भी है या नहीं है, वो ऑब्जर्व क्यों करते हैं अपने खुद के प्रोजेक्ट को, ये देखने के लिए कि लोग किस नज़रिए से इसको देखेंगे, यानी कि किस तरीके से लोग इस रिसर्च के बारे में सोचेंगे देखेंगे, इसलिए वो क्या है अपने आप को ही अपना खुद का ही ऑब्जर्वेशन एवोल्यूशन कर रहे हैं कि लोग किस तरीके से हमें देखेंगे। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट टूल है, किसी भी किसी के बारे में भी अगर हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो हम उसकी ऑब्जर्वेशन करके हम इजीली उसके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट ओनली यूजफुल इन द स्टडिंग एज ए पर्सन इंडिविजुअली ओनली बट इट इज़ यूजफुल इन स्टडिंग ए ग्रुप ऑफ पर्सन टू, इसके अंदर सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि किसी इंडिविजुअल के बारे में ही हम पता लगा सकते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू, हम क्या है ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में भी पता लगा सकते हैं। अब जैसे कि क्लासरूम के अंदर हर टाइप के स्टूडेंट होते हैं, नोटी भी होते हैं, इनोसेंट भी होते हैं, चुपचाप बैठने वाले, सब कुछ अलग अलग टाइप के हैं, उनके अलग अलग ग्रुप भी होते हैं। अब जो है आप उस ग्रुप को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा कैसा है, तो उसके थ्रू भी हम इसका मतलब क्या है, हम ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक इंडिविजुअल की नहीं करेंगे, हम क्या एक ग्रुप की भी इजीली कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि सबका नेचर कैसा है। आजकल जो है ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ किया जा रहा है हमारी साइकोलॉजी या फिर एजुकेशन फील्ड के अंदर, यानी कि जो हमारा शिक्षा है या फिर हमारा मनोविज्ञान है इस फील्ड के अंदर भी क्या है ऑब्जर्वेशन इवेल्यूएशन का ज़्यादा यूज़ होने लगा है। उसके थ्रू ही जो है टीचर इजीली पता लगा सकता है कि किस तरीके का बच्चे का बिहेवियर है, उसको किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, तो ये सब चीज़ें जो हैं एक टीचर को भी हेल्प करती हैं, ऑब्जर्वेशन ही हेल्प करती है बच्चे के बारे में पता लगाने में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट वन इज़ फ्री ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट वन इज़ कैजुअल, थर्ड वन इज़ कंट्रोल्ड, फोर्थ वन इज़ अनरिकॉर्डेड, फिफ्थ वन इज़ रिकॉर्डेड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, सिक्स्थ इज, सेवन्थ इज़ इनडायरेक्ट, एट्थ इज़ स्टैंडर्डाइज एंड नेचुरल ऑब्जर्वेशन एंड नाइन्थ इज़ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑब्जर्वेशन। अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि फ्री ऑब्जर्वेशन क्या होता है।
फ्री ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या होगा, जो पर्सन होगा उसको बिल्कुल फ्री रखा जाएगा, उसके ऊपर कोई सिचुएशन वगैरह नहीं दी जाएगी उसको, और उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है, इसी का नेक्स्ट पार्ट आता है, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। क्या होता है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन? वो होता है जिसके अंदर आपको एक सिचुएशन क्रिएट करके दी जाएगी और फिर उसके ऊपर आप अगर काम वगैरह कर रहे हैं तो तब उसको आप मतलब कि वो जो टीचर होंगे या कोई भी ऑब्जर्वर है वो आपको ऑब्जर्व करेगा उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है हमारा पार्शली कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, भी हम एक पार्ट है हमारा। इसके अंदर क्या होगा कि आपको जो है जो फ्री ऑब्जर्वेशन है और कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है, इन दोनों का मिक्सचर दिया जाएगा। यानी कि कुछ सिचुएशन में आपको फ्रीली जो है ऑब्जर्व किया जाएगा और कुछ में क्या है आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व किया जाएगा, तो उसको हम पार्शली कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कैजुअल ऑब्जर्वेशन, मीन्स इसमें भी आपको जो है और फ्रीली ऑब्जर्व किया जाएगा, जैसे कि हमारी फ्री ऑब्जर्वेशन में ज़्यादा कोई आपके ऊपर ये नहीं दिखाया जाएगा कि आपको यही स्टैंडर्ड अचीव करना है, यानी कि आपको कैजुअली छोड़ दिया जाएगा, लीनियंटली ही आपकी ऑब्जर्वेशन की जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है अनरिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन। अनरिकॉर्डेड यानी कि जिसका हमने कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं बनाया है फिर भी हम जो है ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, मतलब हमने कुछ सेट वगैरह नहीं किया था। नेक्स्ट वन इज़ रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन, यानी कि हमने पहले रिकॉर्ड किया है उसके अकॉर्डिंग हम जो है अब ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। इनडायरेक्टली यानी कि हम इनडायरेक्ट वे से, आपको बताया नहीं गया है कि आपके ऑब्जर्वेशन की जा रही है तो आपको जो है इनडायरेक्टली वे से जो है ऑब्जर्व किया जाएगा, आपको कोई सिचुएशन वगैरह नहीं दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है क्या किया जा रहा है ऑब्जर्वेशन आपकी की जा रही है। नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्ट। डायरेक्ट के अंदर जो है इंडिविजुअल को एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हम रियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरीके का जो है पर्सन है, उसकी जो जो इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करेंगे फिर उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसको समझने के लिए कि किस टाइप का जो है पर्सन है या बच्चा किस टाइप का है। नेक्स्ट हमारा आता है स्टैंडर्डाइज एंड नेचुरल ऑब्जर्वेशन। स्टैंडर्डाइज और नेचुरल के अंदर क्या होगा, ए पर्सन इज स्टडीड बाय द स्टैंडर्डाइज ऑब्जर्वेशन व्हेन नीडेड एट अ टाइम ऑफ स्टडी रिएक्शन मेड बाय द पर्सन क्लैरिफाई मैनी क्वालिटीज़। जब भी बच्चे का जो है रिएक्शन हम देखेंगे तो हम उससे क्या है उसकी क्वालिटीज़ के बारे में ज़्यादा पता लगा पाएंगे, जबकि जो हमारा नेचुरल ऑब्जर्वेशन होता है इसके अंदर क्या होता है, ए पर्सन ऑब्जर्व थ्रू हिज डे टू डे एक्टिविटी इन ए नेचुरल वे। यानी कि आपको कोई सिचुएशन वगैरह अलग से नहीं दी जाएगी, आपको कोई ये नहीं कहा जाएगा कि आपको आपकी ऑब्जर्वेशन की जा रही है, टीचर नॉर्मली क्लास में जाकर बच्चों को डे टू डे एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग ही ऑब्जर्व कर रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सटर्नल और इंटरनल ऑब्जर्वेशन। एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन जो होगी वो डिपेंड ऑन सम अदर पर्सन, वन पर्सन वेराइटीज द क्वालिटीज ऑफ अदर पर्सन एंड प्रिपेयर द रिकॉर्ड। यानी कि एक पर्सन जो है ये पता लगाएगा कि बच्चे के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिकॉर्ड कर तैयार करेगा कि उस बच्चे की ऑब्जर्वेशन किस तरीके की है। वेयर इज इंटरनल ऑब्जर्वेशन क्या होगी, ए पर्सन सब्जेक्ट टू सेल्फ मोटिवेटेड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्रेस हिमसेल्फ। मीन्स इसके अंदर क्या होगा, इंटरनल ऑब्जर्वेशन यानी कि आप अपने आप की ही ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, एक्सटर्नल में तो कोई पर्सन आपकी कर रहा है यानी कि जैसे कि स्टूडेंट की टीचर कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन इसी तरीके से, लेकिन इंटरनल में क्या होगा, आप खुद की ही ऑब्जर्वेशन करेंगे, आप खुद का ही पता लगाएंगे कि आपकी क्या वीकनेस हैं और क्या आपकी क्वालिटीज़ वगैरह हैं, उसको हम इंटरनल ऑब्जर्वेशन कहेंगे। ये हमारे कुछ टाइप थे ऑब्जर्वेशन के। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि अवलोकन के सिद्धांत क्या हैं, अब हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज़ ऑब्जर्वेशन ऑफ वन स्टूडेंट एट ए टाइम, यानी कि एक ही टाइम पर हमें एक ही बच्चे की ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए, हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल यही कहता है। अगर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं मोर देन वन स्टूडेंट तो आपकी जो रिलायबिलिटी होगी यानी कि हम उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आपने जो ऑब्जर्वेशन की है वो एकदम से एक्यूरेट की है। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट इन देयर रेगुलर क्लासेस। आप जो है बच्चे को ऑब्जर्व करें उनकी जो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, जो डे टू डे क्लासेस चल रहे हैं उनके अंदर जो है आप उसको ऑब्जर्व करें, जैसे कि हमारे क्लासरूम के अंदर वो किस तरीके का बिहेव कर रहा है, या फिर कोई आर्ट वगैरह एक्टिविटीज़ वगैरह आप करा रहे हैं तो उनमें वो किस तरीके का, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में किस तरीके का है, उसको जो है रेगुलर बेसिस पे रेगुलर एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग क्या है आप उसको ऑब्जर्व करें। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड। अब जो है ऑब्जर्वेशन जो है हमारी एक छोटे से टाइम के लिए नहीं की जा सकती, ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, ये जो है
अगर आप छोटे समय के लिए करेंगे तो हम उसके ऊपर रिलायबल नहीं रहेंगे। आप जैसे कि एक महीना किसी पर्सन के साथ रह रहे हैं और आप उसके बारे में पता लगा रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको, तो उसके अकॉर्डिंग या आपके अकॉर्डिंग जो आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सारी चीज़ें, क्वालिटीज़ वगैरह गलत दिखेंगी। इसलिए जो है हम उस ऑब्जर्वेशन के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। हमारा जो ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस है वो लंबा होना चाहिए। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल सिचुएशन। आप सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फोकस मत कीजिए कि किसी पर्सन के अंदर, मतलब कि आप स्टूडेंट को अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो सिर्फ उसके मार्क्स को ऑब्जर्व मत कीजिए, उसके हर एक्टिविटी को आपको ऑब्जर्वेशन देनी होगी, हर चीज़ को आपको इंक्लूड करना होगा जब भी आप किसी बच्चे के बारे में कुछ भी पता लगाना चाह रहे हैं। ये हमारे 4 बेसिक प्रिंसिपल्स थे। अगर हम ऑब्जर्वेशन करना चाह रहे हैं किसी स्टूडेंट के बारे में या किसी भी पर्सन के बारे में, तो आपको ये सारे प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स ऑफ ए सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। अगर आप सिस्टमेटिक वे से ऑब्जर्वेशन करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने होंगे। सबसे पहला स्टेप आएगा सिलेक्शन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर ऑफ फॉर ऑब्जर्वेशन। अगर आप जो है ऑब्जर्वेशन करना चाह रहे हैं तो आप अलग अलग चीज़ों को सबसे पहले देखें। आप जिस प्रॉब्लम के ऊपर ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं उसके ऊपर मेन फोकस कीजिए, उसके अकॉर्डिंग जो जो सिचुएशन है, जो जो एक्टिविटीज़ वगैरह आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं उन सबको जो है सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट आता है मेक क्लियर द मीनिंग ऑफ सिलेक्टेड बिहेवियर, यानी कि जो आपने सिलेक्ट किया है उनके मीनिंग आपको क्लियर होने चाहिए। सबसे फर्स्ट यही चीज़ है, अगर आपको मीनिंग ही क्लियर नहीं होगा तो आप जो ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे किसी भी पर्सन की तो वो क्या है, अलग होगी उसके अकॉर्डिंग। देन द ऑब्जर्वेशन मेड बाय द 2 पर्सन मे डिफर, और जो अलग अलग अगर 2 पर्सन सेम इंसान की अगर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो वो भी हमारा रिजल्ट क्या है, दोनों के अकॉर्डिंग अलग अलग आएगा। तो इसलिए आपको जो है सबसे पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आप किस सिलेक्टेड बिहेवियर के बारे में ऑब्जर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ ट्रेनिंग ऑफ ऑब्जर्वर। अब जो है हमारा नेक्स्ट आता है कि हम ट्रेनिंग किस तरीके से देंगे। इफ़ ट्रेनिंग इज़ नॉट प्रोवाइडेड द स्कोरिंग में शो द डिफरेंस और डेविएशन। अगर आप ट्रेनिंग वगैरह नहीं देंगे तो आपका जो है जो डिफरेंस वगैरह दिखेंगे। ट्रेनिंग क्या है, वर्कर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि कोई पर्सन फैक्ट्री में काम कर रहा है, अगर उसको बिना ट्रेनिंग दिए ही लगा दिया जाएगा काम पे तो वो क्या है, सारे काम को अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इसी प्रकार से अगर आप ऑब्जर्वेशन के लिए किसी को भी हायर कर रहे हैं, किसी को भी बोल रहे हैं, तो उनको सबसे पहले ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। नहीं तो हमारा जो हम जिस वे से स्कोर वगैरह देखना चाह रहे हैं, अलग अलग टीचर्स के मैच होने चाहिए किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट के रिगार्डिंग, तो वो हमारे मैच नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट आता है क्वांटिफाइंग ऑब्जर्वेशन। इसके अंदर जो है हम क्वांटिटी देखेंगे कि सेम बिहेवियर कितनी बार रिपीट किया जा रहा है पर्सन के द्वारा, यानी कि आप नंबर काउंट करेंगे और उनको नोटिफाई करेंगे। यानी कि आप जो है एक बच्चे की, जैसे कि आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं इंटरव्यू के अंदर, आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उस टाइम पर, तो आप जो है बच्चे की क्वालिटीज़ को मेज़र करेंगे किस तरीके से। आप उनको बार बार उनकी क्वांटिटीज़ देखेंगे कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है, वो इमोशनल तो नहीं है, वो क्यों है एंग्री ज़्यादा तो नहीं होता, जल्दी से उसको गुस्सा तो नहीं आ रहा है। तो इस तरीके का बिहेवियर जो है हम उसको देखेंगे और ये देखेंगे कि कितनी बार वो पर्सन जो है उस टाइम पर उसी सेम बिहेवियर को रिपीट किए जा रहा है। नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग और राइटिंग रिपोर्ट। हमारा लास्ट स्टेप होता है, इसके अंदर हम जो है रिकॉर्ड करेंगे, नोट डाउन करेंगे जो जो हमने फैक्ट वगैरह किसी के भी बारे में ऑब्जर्व किए हैं। ऑब्जर्व अगर हम कर रहे हैं तो क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या उनकी, मतलब कि किस तरीके का उनका बिहेवियर है, इन सारी चीज़ों को हम नोट डाउन करेंगे। क्योंकि अगर आप 50 स्टूडेंट 100 स्टूडेंट का अगर वाइवा वगैरह ले रहे हैं तो आपको नहीं पता चलेगा कि किस बच्चे ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, किस में क्या क्वालिटीज़ थी, किस में नहीं थी, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है इनको टाइम टू टाइम जो है नोट डाउन करते रहेंगे। ये हमारा जो प्रोसेस है किसी भी सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन को करने का। होप सो आपको जो है स्टेप्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एडवांटेजेस क्या क्या है ऑब्जर्वेशन मेथड की। अब हम ऑब्जर्वेशन मेथड में एडवांटेज क्या है कि किस क्या क्या इसके फ़ायदे हैं हमें अगर हम कर रहे हैं, तो अब इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है ये मेथड जो है यूज़फुल है दोनों ही सिचुएशन के लिए, चाहे इंडिविजुअल को आप ऑब्जर्व कर रहे हो चाहे आप ग्रुप को कर रहे हो, तो आप दोनों के बारे में एक्टिविटी, उनकी क्वालिटीज़ वगैरह के बारे में ईजिली पता लगा सकते हैं कि उनका बिहेवियर कैसा है।
नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन मेथड कैन बी यूज्ड बाय ऑल द पर्सन. हर पर्सन जो है ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज़ कर सकता है. अब जैसे कि नॉर्मली अगर हम देखें हमारे आसपास के एरिया को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अगर हम इंडिविजुअली कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है हमें कोई अलग से स्टडी वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी. नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन मेथड इज़ यूजफुल इन स्टडिंग द यंगर चिल्ड्रन. हम छोटे बच्चों के बारे में ईजिली पता कर सकते हैं अगर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं. ऑब्जर्वेशन मेथड इज़ वेरी सिंपल एंड हाईली नॉन टेक्निकल. इट कैन बी ए कम्प्लीट मेथड विथ सम प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग. अगर हम थोड़ी बहुत इसमें ट्रेनिंग दी जाए, यानी कि टीचर्स को जो है ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, अगर हम डे टू डे एक्टिविटीज़ में किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारे आसपास के नेबर्स वगैरह को कर रहे हैं या फिर हमारे क्लासमेट्स को कर रहे हैं, तो हमें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है. लेकिन अगर आप किसी पर्सन को किसी जॉब पर हायर करना चाह रहे हैं, तो जो ऑब्जर्वर होगा उसको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की नीड है, और इसके अंदर कोई टेक्निक वगैरह का यूज़ नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट आता है डाटा कलेक्शन बाय ऑब्जर्वेशन मेथड सीम्स टू बी मोर रियलिस्टिक. अगर आप लॉन्ग पीरियड के लिए किसी का भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको वो ज़्यादा ही रियल माना जाएगा, उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है. नेक्स्ट आता है ए टीचर कैन यूज़ द ऑब्जर्वेशन मेथड इन अकेडमिक सिचुएशन प्रॉपरली. अगर जो टीचर जो है अगर किसी भी बच्चे के बारे में ऑब्जर्व करना चाह रहा है, तो वो उसको अकेडमिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रॉपरली फिट कर सकता है और उसके थ्रू ऑब्जर्व करके देख सकता है. नेक्स्ट आता है ए कॉन्टीन्यूअस ऑब्जर्वेशन बाय ए टीचर एंड द ऑब्जर्वर मेक देयर सेंस ऑर्गन मोर स्किल्ड. अगर कोई कंटिन्यूसली किसी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो उस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा जान पाएगा और वो खुद के अंदर भी जो है स्किल्स वगैरह डेवलप कर पाएगा. नेक्स्ट आता है फॉर कोचिंग द स्पोर्ट्स स्किल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड. जैसे कि हम कोचिंग दे रहे हैं, तो उस टाइम पर हम स्पोर्ट्स स्किल्स वगैरह को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चा अच्छा दौड़ता है, अच्छा खेल रहा है या नहीं खेल रहा है, तो ये चीज़ें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है दिस मेथड इज़ फ्लेक्सिबल एंड इट कैन बी यूज्ड इन मैनी सिचुएशन. ये जो है बहुत सारी सिचुएशन के अंदर यूज़ किया जा सकता है. ये मेथड फ्लेक्सिबल है, इसके अंदर कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है कि वो चेंज हो ही नहीं सकती. नेक्स्ट आता है ए पर्सन और द पीपल कैन बी ऑब्जर्व बाई नेचुरल सिचुएशन. नेचुरल सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी किसी पर्सन को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन इज द रिकॉर्ड ऑफ पीपल रियल एंड एक्चुअल बिहेवियर. ऑब्जर्वेशन के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं, बच्चे का एक्चुअल बिहेवियर कैसा है, एक्चुअल में वो बच्चा किस तरीके का है, हम उन चीज़ों को देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या है ऑब्जर्वेशन करते हैं. होप सो ये जो है आपको एडवांटेजेस अच्छी तरीके से समझ आई होंगी कि ऑब्जर्वेशन प्रोसेस की क्या क्या हमारी एडवांटेजेस हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं हमारे ऑब्जर्वेशन मेथड की. आइए अब हम उन्हें स्टडी करते हैं. फर्स्ट वन इज़ इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो अबाउट द अनकॉन्शियस माइंड अबाउट द ऑब्जर्वेशन. हम जो है किसी के भी अनकॉन्शियस माइंड के बारे में नहीं जान सकते. कॉन्शियस माइंड यानी कि जो आपको पता है, जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं, वो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, यानी कि हम उसके अंदर प्रॉपरली इन्वॉल्व हैं. अनकॉन्शियस माइंड यानी कि जो चीज़ें हमारा माइंड जो इन्वॉल्व ही नहीं कर रहा, तो उसके बारे में हम पता नहीं लगा सकते किसी के बारे में भी ऑब्जर्वेशन करके. नेक्स्ट आ सकता है सम टाइम फॉर ऑब्जर्वेशन रिपीटेशन ऑफ द इवेंट कीप अस वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम. कई बार जब भी हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, तो बच्चे जो है बार बार रिपीट किए जा रहा है सेम बिहेवियर, तो वो एक क्या है हमारे लिए लॉन्ग प्रोसेस हो सकता है. उसके बिहेवियर का हम चेंज होने का वेट करेंगे, अदरवाइज वो जो है बार बार सेम ही क्वांटिटी जो हम नोट कर रहे हैं उसी में ही उसी चीज़ में हमारे बार बार जो है हम रैंक दिए जाएंगे. तो ये भी एक इसके डिसएडवांटेज है. बाय दिस मेथड सम टाइम पर्सनल प्रॉब्लम एंड एक्सपीरियंस कैन नॉट बी ऑब्जर्व. कई बार क्या होता है, हम ऑब्जर्वेशन तो कर रहे हैं, अब जैसे बच्चा है कोई चुपचाप बैठा है क्लास में, लेकिन हम उनके बारे में पर्सनली क्या है नहीं जान पाएंगे कि वो किस वजह से क्या उसके कारण है कि वो चुप बैठा है, पूरा दिन बोल ही नहीं रहा है, कि घर में कोई फाइट वगैरह है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है बच्चे की, वो हम इस ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू नहीं पता लगा सकते. नेक्स्ट आता है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो द इनर बिहेवियर ऑफ ए पर्सन थ्रू ऑब्जर्वेशन. वही सेम बात है कि अंदर जो बच्चे का बिहेवियर है, हम एक्चुअल बिहेवियर के बारे में ऑब्जर्वेशन के थ्रू पता लगा सकते हैं. अब नेक्स्ट हमारा आता है इट इज़ सब्जेक्टिव मेथड. सम टाइम द ऑब्जर्वर अडॉप्ट मच मोर लीनियंट एटीट्यूड टुवर्ड द पर्सन हु इज़ टू बी ऑब्जर्व्ड. यानी कि जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसके बारे में हमें जानना है, कई बार क्या होता है हमारे जो टीचर ही होता है वो बहुत लीनियंट हो जाता है उस बच्चे के लिए, वो क्या है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान वगैरह नहीं देता, तो ये जो है एक इसका डीमेरिट है. नेक्स्ट आता है सम टाइम मेंटल एंड फिजिकल फैटिक ऑल्सो इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब मेंटल फैटिक और मेंटल और फिजिकल फैटिक, यानी कि फैटिक का मतलब होता है थकावट. अब बच्चा थका हुआ है, उसकी मेंटल एक्टिविटी वगैरह वो अच्छे से नहीं कर पा रहा, तो ये भी हम ऑब्जर्वेशन के अंदर, हमारी ऑब्जर्वेशन जब हम कर रहे हैं, ये इन्फ्लुएंस करेगी.
नेक्स्ट हमारा आता है कि ऑब्जर्वेशन कंज्यूम मच टाइम. इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है क्योंकि ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है. अगर आप शॉर्ट प्रोसेस में ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसका रिजल्ट बताएंगे तो उसके ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते. तो ये क्या है, लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन फॉर ए शॉर्ट टाइम इज़ नॉट रिलायबल. वही सेम चीज़ है कि अगर आप छोटे टाइम के लिए करेंगे तो उसके ऊपर हमारा रिजल्ट जो होगा हम रिलाई नहीं कर सकते. द डिस्क्रिप्शन रिटन आफ्टर ऑब्जर्वेशन ऑल्सो डिफर. अब जो है दो एक्सपर्ट आपने बिठाए थे ऑब्जर्वेशन के लिए, सेम स्टूडेंट के आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग अलग पाएगा. वो जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी है उस बच्चे के बारे में वो अलग अलग पाएगी. तो ये भी क्या है कि इसका डीमेरिट होता है कि टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ इवेल्यूएशन इन एजुकेशन क्या क्या हैं. इसको हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है. फर्स्ट होता है बेस्ड ऑन डोमेन और सेकेंड है बेस्ड ऑन मेथड. अगर बेस्ड ऑन डोमेन देखें तो इवेल्यूएशन के टाइप जो है कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन के अकॉर्डिंग ही डिवाइड किए गए हैं. अगर हम बेस्ड ऑन मेथड्स देखें तो उसके अंदर हमने फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन और सम्मेटिव और डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन को इंक्लूड किया है. आइए अब हम इनको डिटेल में स्टडी करते हैं. अगर हम इवेल्यूएशन देखें कॉग्निटिव डोमेन के अकॉर्डिंग, तो इवेल्यूएशन के अंदर जो है हम मेज़र करते हैं अचीवमेंट को, जो कि हमारी कॉग्निटिव एजुकेशन गोल से रिलेटेड होंगी. यानी कि हमारी मेमोराइजेशन, हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, रीजनिंग वगैरह कैसी है किसी कंसेप्ट के बारे में, उसके रिगार्डिंग अगर हम जो भी इवेल्यूएशन कर रहे हैं वो हमारा क्या होगा, कॉग्निटिव डोमेन के नेचर का माना जाएगा. नेक्स्ट आता है इवेल्यूएशन ऑफ अफेक्टिव डोमेन. अफेक्टिव डोमेन के अंदर क्या आएगा कि किस तरीके से जो है चेंजेस आ रहे हैं या फिर हम किस तरीके से इम्प्रूवमेंट किए जा रहे हैं हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, मेरिट्स के अकॉर्डिंग, कॉन्फिडेंस वगैरह, एटीट्यूड वगैरह, कैरेक्टरिस्टिक वगैरह के बेस पे हम जो है किस तरीके से चेंजेस कर रहे हैं इवेल्यूएशन में, वो हमारा क्या है अफेक्टिव डोमेन के अकॉर्डिंग ही क्या है हम चेक कर पाएंगे. नेक्स्ट वन इज़ इवेल्यूएशन ऑफ साइकोमोटर डोमेन. साइकोमोटर डोमेन के अंदर क्या आएगा कि हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, हमारी बॉडी का जो यूज़ हो रहा है, हमारे हैंड्स, लेग, फीट वगैरह, शोल्डर वगैरह, इनका यूज़ किस तरीके से और हम उसके बारे में इवेल्यूएट करते हैं, तो ये हमारे क्या आएगा साइकोमोटर डोमेन में आएगा. अब सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं, जो कॉग्निटिव डोमेन होगा वो हमारे किससे रिलेटेड है. कॉग्निटिव यानी कि हमारे मेंटल एबिलिटीज़ वगैरह से रिलेटेड होगा, हमें कितने अच्छे तरीके से कंसेप्ट वगैरह आते हैं. अफेक्टिव डोमेन जो होगा यानी कि हमारे इमोशंस को शो करेगा कि हमारे इंटरेस्ट किस चीज़ में है, हमें क्या चीज़ें पसंद हैं, किस चीज़ को हम नापसंद कर रहे हैं, तो इनके अकॉर्डिंग हम इवेल्यूएशन कर रहे हैं. और थर्ड जो हमारा होगा साइकोमोटर यानी कि हमारी मोटर एक्टिविटी, हमारी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बेस पर हम इवेल्यूएशन करेंगे. तो इस तरीके से जो है इवेल्यूएशन के टाइप जो है हम डोमेन के अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर सकते हों, और ये हमारे तीन टाइप के हैं. नेक्स्ट हमारा आता है इवेल्यूएशन टाइप्स बेस्ड ऑन मेथड्स. मेथड्स के अकॉर्डिंग अब हमारे इवेल्यूएशन के कितने टाइप हैं. फर्स्ट वन इज़ फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन. फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन यानी कि ये हमारा मेन पर्पज़ इसके अंदर क्या होगा, ये पता लगाना कि लर्निंग के बाद का एक्सपीरियंस क्या है बच्चों का. स्टूडेंट आर एबल टू डू व्हाट दे वर प्रीवियसली अनएबल टू डू. यानी कि हम इसमें ये देखेंगे कि जब हमने इंस्ट्रक्शन वगैरह दी बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद जो है बच्चे क्या सीख पाए हैं, जो वो पहले नहीं कर पा रहे थे क्या वो कर पा रहे हैं अब, यानी कि हम टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे. फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन के अंदर क्या होगा, इट प्रोवाइड द इवेल्यूएटर विद यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट विद इन द इंस्ट्रक्शनल कंटेंट. यानी कि आपको जो है क्लासरूम के अंदर ही टीचर जो है आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस वगैरह का पता लगा लेगा. जो हमारे एफ ए टेस्ट होते हैं यानी कि जो हमारे यूनिट टेस्ट जिसे हम कह सकते हैं, वो जो टेस्ट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जैसे आपका रिजल्ट आएगा यानी कि अब वो टीचर ये पता लगा सकता है कि बच्चा मैथ्स में वीक है, साइंस में अच्छा है, हिंदी में अच्छा है, इंग्लिश में वीक है. तो इस तरीके से जो है टीचर पता लगा सकता है फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन के थ्रू. नेक्स्ट आता है फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोग्राम और लर्निंग एक्टिविटी. याद रखना है आपको कि फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन कब होगा, जब हमारी एक्टिविटी चल रही होगी या फिर जो हमारा उसी टाइम पर हम इवेल्यूएशन लेंगे. जो हमारा सबमिटिव इवेल्यूएशन होता है वो एंड ऑफ द ईयर होगा, यानी कि जब हमारा सेमेस्टर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि एक सेमेस्टर ख़त्म होगा उसके एंड में जाके अगर हमारे कोई टेस्ट वगैरह हो रहे हैं तो उसको हम सबमिटिव इवेल्यूएशन कहेंगे. लेकिन फॉर्मेटिव क्या होगा कि ये टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द क्लास चलता ही रहेगा.
फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन जो होता है वो हमारा इनफॉर्मल इवेल्यूएशन होता है। इसके अंदर जो है ज़्यादा फॉर्मल वे से जो है इवेल्यूएशन वगैरह नहीं किया जा रहा है, जैसे हमारे सबमिटिव असेसमेंट होते हैं उसकी तरह ये नहीं होता है। फॉर्मेटिव यानी कि एक इनफॉर्मल वे में जो है आप इजीली इवेल्यूएट कर पा रहे हैं बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में। नेक्स्ट वन आता है हमारा सबमिटिव इवेल्यूएशन। ये जो है एट द एंड ऑफ द कोर्स जो है कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि जैसे आपकी पूरी जो सेमेस्टर सिस्टम है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जैसे दिसंबर में टेस्ट होते हैं, फिर हमारे अप्रैल या मई में टेस्ट होते हैं, तो उन टेस्ट को हम क्या है सबमिटिव इवेल्यूएशन कहेंगे कि ये हमारे सबमिटिव टेस्ट हैं। इनसे हमारे बारे में पता चलेगा जब हमारा कोर्स एंड हो जाता है कि बच्चे को कितना समझ आया और कितना नहीं। जो फॉर्मेटिव होते हैं वो टाइम टू टाइम चलते रहेंगे, ड्यूरिंग द क्लास रहेंगे, लेकिन सबमिटिव जो होंगे वो हमारे एट द एंड ऑफ द कोर्स होंगे। जो सबमिटिव इवेल्यूएशन होंगे ये इनका पर्पस क्या होता है, टू फॉर्म इज जजमेंट अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि बच्चे के बारे में पता लगाना, उनके ऊपर जजमेंट देना कि बच्चे ने क्या है अच्छा किया है या फिर वो अच्छा स्कोर वगैरह नहीं कर पा रहा है, तो इन चीज़ों के बारे में बच्चों के बारे में पता लगाना, उनको जजमेंट देना। इफ़ेक्टिवनेस ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द कोर्स एंड इट्स रेगुलरिटी शेड्यूल एट द एंड ऑफ द एकेडमिक टर्म, यानी कि इसके अंदर क्या देखा जाएगा, इफ़ेक्टिवनेस देखी जाएगी, इंस्ट्रक्टर की इफ़ेक्टिवनेस देखी जाएगी, कोर्स की इफ़ेक्टिवनेस देखी जाएगी और रेगुलरली जो हमारा शेड्यूल था उसकी इफ़ेक्टिवनेस देखी जाएगी एट द एंड ऑफ द टर्म एग्जामिनेशन, कि पूरे साल आपने क्या सिखाया इसके बारे में देखा जाएगा। इट इज़ अ जजमेंटल इन नेचर, ये जो हमारा मेथड होगा इसके अंदर हम जजमेंट देंगे, यानी कि जो रिज़ल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या है एक ओवरऑल बताएंगे कि बच्चे ने अच्छा किया है बुरा किया है या किस तरीके से जो है उसको आगे प्रमोट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में एक जजमेंट पास की जाएगी। साथ के साथ जो हमारा सबमिटिव असेसमेंट होता है, ये इवेल्यूएशन होता है, ये हमें डराता भी है, यानी कि बच्चों को डरा भी रहा है कि किस तरीके की नॉलेज पूछी जा रही है, किस तरीके की चेक की जाएगी, क्या हम फेल तो नहीं हो जाएंगे, ये सब जो है डर बच्चे के अंदर रहता है। नेक्स्ट हमारा जो मेथड आता है वो है डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन यानी कि इन्वॉल्व करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट हुज लर्निंग और क्लासरूम बिहेवियर इज़ बीइंग एडवर्सली अफेक्टेड बाय द फैक्टर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस, यानी कि हमारे इंस्ट्रक्शन से कोई भी डायरेक्टली रिलेटेड नहीं थी चीज़, लेकिन जो वो फैक्टर है वो बच्चे को फिर भी अफेक्ट कर रहा है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इस मेथड के थ्रू जो है हम रियल कोज को फाइंड आउट करेंगे कि बच्चे को लर्निंग में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम रिमेडियल एक्शंस वगैरह लेंगे, यानी कि डायग्नोज करना किसी बच्चे के बारे में, ओवरऑल पता लगाना कि वो किस तरीके का है, कौन सी एक्टिविटी उसको ज़्यादा अच्छी लग रही है, किस में वो ज़्यादा वीक है, अगर वीक है तो वो क्यों वीक है, उसके कारण क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पता लगाते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन के थ्रू। ये हमारा जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इसके अंदर हमने ये जाना है कि फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन क्या होता है, सबमिटिव इवेल्यूएशन क्या होता है और डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन क्या होता है। अब जो है हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे इस वीडियो के अंदर, अब जो हम फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन के बारे में कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसके अंदर जो है हम सबमिटिव और डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन के बारे में स्टडी करेंगे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कि फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन के अंदर और क्या क्या चीज़ें आएंगी। ये हमारे जो हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं कि ये हमारे क्लास के टाइम पर ही जो है देखा जाएगा, नोटिस किया जाएगा, बच्चे के बारे में इवेल्यूएट किया जाएगा। फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन जो होते हैं वो एक प्रोसेस है, यानी कि फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन क्या है, एक प्रोसेस है, जबकि जो सबमिटिव इवेल्यूएशन होंगे वो प्रोडक्ट होगा, यानी कि हमारा एंड रिजल्ट जो आएगा वो हमारा सबमिटिव इवेल्यूएशन दिखाएंगे, ना कि फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन दिखाएंगे। इसीलिए फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन तो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू अगर कोई बच्चे को प्रॉब्लम वगैरह आ रही तो हम उसको सही कर सकते हैं, लेकिन जो सबमिटिव इवेल्यूएशन होगा वो उसका एंड रिजल्ट शो करेगा। इट इज नॉट एन एक्टिविटी टू प्रूव और वैलिड द इफेक्टिवनेस ऑफ योर इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, इट इज अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन इटसेल्फ। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि हमने जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया वो बहुत अच्छी थी, ये है वो है, वो इसके अंदर कुछ भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये खुद ही एक इंस्ट्रक्शन का पार्ट रहेगा, यानी कि फॉर्मेटिव इवोल्यूशन भी हमारा जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन होगा उसका पार्ट रहेगा। मैनी ऑर्गेनाइजेशन सी फॉर्मेटिव इवेल्यूशन एज ए वेस्ट ऑफ रिसोर्स और एज ए साइन ऑफ इनसिक्योरिटी अबाउट द क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट एफर्ट।
कई ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको वेस्ट ऑफ टाइम कह रही है, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज कह रही है। उसका रीज़न ये है कि ये क्या दिखा रहा है, ये ऐसे दिखा रहा है कि इनसिक्योरिटी दिखा रहा है कि जो आप इंस्ट्रक्शनल प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आप इंस्ट्रक्शनल के थ्रू जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उनके थ्रू जो आप चेंजेस लाना चाहते हैं, आपको खुद में ही वो जो है क्या है डाउट दिखा रहा है कि जो हम टीचर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट वगैरह नहीं है। अब जैसे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट करने इवेल्यूएशन करने के बाद टीचर अपनी इंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ में भी चेंज कर रहा है, तो ये क्या है, एक तरीके का डाउट शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हाउ फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन हेल्प्स द टीचर, किस तरीके से फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन मदद कर रहा है टीचर को। पहला आता है कि ये जो है मोर रिलायबल इन्फेरेंस दिखाएगा अबाउट द स्टूडेंट एंड द एक्सटर्नल असेसर्स, यानी कि जो हमारे एक्सटर्नल असेसर वगैरह हैं जो असेसमेंट ले रहे हैं उनके बीच में और जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके बीच में मोर रिलायबल रिजल्ट शो करेगा, मोर रिलायबल इन्फेरेंसेस दिखाएगा। इट अनेबल द टीचर टू आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट, इससे जो है अगर टीचर टाइम टू टाइम फॉर्मेटिव असेसमेंट करता रहेगा इवेल्यूएशन करता रहेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि टीचर जो है टाइम टू टाइम पता लगाता रहेगा कि बच्चे की कॉग्निटिव लेवल, कॉग्निटिव प्रोसेस यानी कि मेंटल एबिलिटीज वगैरह किस तरीके की हैं। इट अनेबल्स द टीचर टू डिटरमाइन द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम विद इन द क्लासरूम सेटिंग, मीन्स ये जो है हमें डिटरमाइन कराने में हेल्प करेगा कि किस तरीके से हमें जो है क्लासरूम के अंदर प्रोग्राम को हैंडल करना है, किस तरीके से हमें बच्चों को स्टडी वगैरह कराना है। नेक्स्ट आता है इट एनेबल्स द टीचर टू चूज़ द मोस्ट सुटेबल टीचिंग टेक्निक एंड मटेरियल, कौन सा मटेरियल हमें यूज़ करना है, कौन सी टेक्निक से हमें बच्चों को पढ़ाना है, ये भी हमें हेल्प करेगा। इट हेल्प्स द टीचर्स टू डिटरमाइन टू ए ग्रेट एक्सटेंट द आउटकम ऑफ सबमिटिव एवोल्यूशन, यानी कि ये हेल्प करेगा कि टीचर जो है ये पता लगा सकते हैं कि सबमिटिव असेसमेंट का भी इनका रिजल्ट किस तरीके का होगा, जो हम सबमिटिव इवेल्यूएशन कर रहे हैं उसका रिजल्ट किस प्रकार का आएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट ही हमें थोड़ा थोड़ा हिंट दे देते हैं, यानी कि टीचर्स को बता देते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट पॉइंट्स टू बी फोकस इन फॉर्मेटिव असेसमेंट, अगर आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं तो किस किस चीज़ के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। फर्स्ट आता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है लेसन के लिए, हमें वो देखना होगा, साथ के साथ हमें मटेरियल भी देखना होगा कि हमें जब हम टीच कर रहे हैं तो कौन कौन से मटेरियल का हमें यूज़ करना है। नेक्स्ट आता है हैज़ द ऑब्जेक्टिव बीन अचीव्ड, हम अब जब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं इवेल्यूएशन कर रहे हैं तो उस टाइम पर हम ये देखेंगे कि क्या हमने जो है अचीव किया है ऑब्जेक्टिव या नहीं। नेक्स्ट आता है व्हाट असाइनमेंट और द प्रोजेक्ट शुड बी गिवन एज ए पार्ट और ए पार्ट ऑफ क्लास वर्क, यानी कि क्लास वर्क के लिए कोई अगर जो आपने होमवर्क के लिए अगर कुछ काम दिया है तो वो क्या देना है आपको जो कि क्लास का ही प्रोजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट आता है व्हाट एडिशनल फैसिलिटीज और द रिसोर्स वुड एनहेंस द नॉलेज और स्किल्स गेंड बाय द टीचर बाय द स्टूडेंट, किस तरीके से जो है स्टूडेंट जो है और स्किल्स वगैरह को गेन कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ों की उनको रिक्वायरमेंट है, इन सब के बारे में जो है फॉर्मेटिव एवोल्यूशन हमें हम जब भी कर रहे हैं हमारा फोकस इन्हीं सब चीज़ों पर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मेन फीचर्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, अगर आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे हैं तो इसके मेन फीचर क्या क्या होंगे। इट इज़ डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल, यानी कि इसके अंदर जो है हम बच्चे के बारे में ओवरऑल स्टडी कर सकते हैं, साथ के साथ हम जो है उसके अगर किसी चीज़ में जो है मतलब कि वो वीक वगैरह है तो उसमें हम रेमेडियल भी प्रोवाइड कर सकते हैं, रेमेडीज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह दे सकते हैं बच्चे को इम्प्रूव करने के लिए। इट मेक्स द प्रोविज़न ऑफ इफेक्टिव फीडबैक, ये जो है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट है इससे हमें इफेक्टिव फीडबैक मिलता है। नेक्स्ट आता है इट प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट इन देयर ओन लर्निंग प्रोग्राम, इसके थ्रू जो है बच्चा अपने आप में ही जो है एक्टिवली इन्वॉल्व रहेगा। अब आप टाइम टू टाइम बच्चों को अगर टेस्ट ले रहे हैं, आप जो भी स्टडी करा रहे हैं, तो बच्चा घर पर जाके उस होमवर्क को कर भी रहा है और फिर जो है टेस्ट में अपीयर भी हो रहा है, इससे क्या है बच्चा ओवरऑल अपने आप में भी एक्टिव रहेगा। नेक्स्ट आता है इट अनेबल्स अ टीचर टू एडजस्ट टीचिंग टू टेक अकाउंट ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द असेसमेंट एंड इनकॉर्पोरेट वेरिड लर्निंग स्टाइल्स इन डिसाइडिंग व्हाट एंड हाउ टू टीच, ये जो है हेल्प करेगा टीचर को कि किस तरीके से जो है असेसमेंट होगी, किस तरीके से जो है हमारा लर्निंग स्टाइल होगा या फिर हम किस तरीके से बच्चे को पढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें डिसाइड करने में जो है हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस पोस्ट एंड द फीडबैक इज गिवन, यानी कि ये ऑफर करेगा कि अपॉर्चुनिटी देगा स्टूडेंट को कि वो अपने आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाएँ और अच्छा फीडबैक भी दे पाएँ। अगर जो है बच्चे के फॉर्मेटिव असेसमेंट टाइम टू टाइम होता रहेगा तो वो जानकारी ले सकता है कि किस तरीके से जो हमारी इम्प्रूवमेंट हमें किस सब्जेक्ट में करने की ज़रूरत है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट हम क्यों करते हैं? मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग एंड प्रोवाइड फीडबैक टू द स्टूडेंट एंड द पेरेंट्स। यानी कि हम जो है टाइम टू टाइम पेरेंट्स वगैरह को फीडबैक देते रहें, स्टूडेंट को फीडबैक देते रहें कि वो अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट में वो वीक है, किसके अंदर वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इन सब के बारे में बच्चों को और पेरेंट्स को बताते रहने के लिए हमें ज़रूरी है फॉर्मेटिव असेसमेंट करना। आइडेंटिफाई एरिया ऑफ द ग्रोथ, यानी कि किस एरिया के अंदर ग्रोथ होनी हो रही है उसको फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट हमें रिक्वायर है फॉर्मेटिव असेसमेंट की। एनकरेज गोल सेटिंग एंड मॉनिटर अचीवमेंट ऑफ द गोल्स। ये जो है गोल सेट करने में हेल्प करता है कि अपने टारगेट हम सेट कर पाते हैं और फिर जो है हम उनको मॉनिटर करते हैं कि कहाँ तक हम जो है उसको अचीव कर पाए हैं। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्ट द प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड इफेक्टिवनेस, मॉडिफाई और एडजस्ट टीचिंग एज नेसेसरी। ये जो है प्रोग्राम को रिफ्लेक्ट करता है कि जो उनका स्ट्रक्चर है उसको इफेक्टिव वे से जो है हेल्प करता है कि वो एस्टेब्लिश किया जाए, अकम्प्लिश किया जाए, साथ के साथ जो है मॉडिफाई करता है और एडजस्ट करता है टीचिंग को, जो जो नेसेसरी चीज़ें वगैरह होंगी, टाइम टू टाइम चेंजेस भी होते रहेंगे और एडजस्टमेंट भी की जाएगी। नेक्स्ट होता है हेल्प फोकस अटेंशन एंड एफर्ट, यानी कि ये जो है फोकस रखेगा, हमारी अटेंशन रखेगा और एफर्ट्स भी जो है फुली जो हम जहाँ लगाना चाह रहे हैं वो हम इजीली लगा पाएंगे। और ये बहुत ही अच्छा है एक फॉर्मेटिव असेसमेंट करना कि हमें टाइम टू टाइम जो है बच्चे के बारे में पता लगता रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूटिलिटी ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन फॉर स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए किस तरीके से जो हमारा फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन है वो हेल्पफुल है। मास्टरी ऑफ लर्निंग, जो है सीखने में महारत हासिल करने में ये जो है हेल्प करेगा, यानी कि आप अच्छी तरीके से किसी भी टॉपिक के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है उसको सीख पाएंगे। नेक्स्ट आता है लर्निंग इज सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जो हमारा लर्निंग होगा वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लर्न करेंगे। सीक्वेंस ऑफ लर्निंग, जो लर्निंग होगी वो हम सीक्वेंस में कर पाएंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकेंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा। जैसे अब हम जो कर रहे हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम स्टेप वाइज कर रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा, सेकेंड में क्या आएगा, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है पर्पज़ ऑफ लर्निंग, कि हम जो सीख रहे हैं उसका पर्पज़ क्या है। फॉर्मेटिव असेसमेंट हमें इवेल्यूएशन जो है बच्चे को पता लगाने में मदद करेगा। इफेक्टिव रीइन्फोर्समेंट, यानी कि आप जो रीइन्फोर्समेंट क्या होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, यानी कि बच्चे को बढ़ावा देना कि वो अच्छा कर रहा है और अच्छे तरीके से वो कर सकता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना। नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक वैल्यूज़, यानी कि उसके अंदर जो है हम उसकी डायग्नोस्टिक, यानी कि हर किस तरीके का बच्चा है उसके बारे में हम इजीली पता लगा सकते हैं। बच्चा अपने आप के बारे में इस चीज़ से पता लगा सकता है कि वो मैथ्स में वीक है या साइंस में अच्छा है, इंग्लिश में अच्छा है, हिंदी में वीक है। तो इस तरीके से जो बच्चा है फॉर्मेटिव असेसमेंट के इवेल्यूएशन के थ्रू जो है बच्चा पता लगा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम्पल क्या है इसका। इस सिंपल बट इफेक्टिव फॉर्मेटिव असेसमेंट इज द एग्जिट टिकट। एग्जिट टिकट क्या होता है, एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर होता है या कार्ड दिया जाता है स्टूडेंट को और उनको कहा जाता है कि आप क्लासरूम छोड़ने से पहले इसको सबमिट करके जाएं। जो स्टूडेंट होंगे उसके ऊपर वो राइट जो भी उन्होंने क्लासरूम के अंदर सीखा होगा वो अपने बारे में लिखेंगे, एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन देंगे ऑफ़ द मेन आइडिया बिहाइंड द लेसन टॉट दैट डे, यानी कि अब उनको क्या समझ आया और उस लेसन के बारे में वो अच्छी तरीके से जानकारी देंगे। नेक्स्ट दे प्रोवाइड मोर डिटेल अबाउट द टॉपिक, और फिर जो है अगला उसके अंदर क्या करेंगे वो उस टॉपिक के बारे में और अच्छी डिटेल्स के बारे में बताएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन का। अब इन टिकट्स के थ्रू जो है टीचर पता लगा सकता है बच्चे के बारे में कि बच्चे को लेसन कितना समझ आया है, किस चीज़ में वो क्या है कमी है, उसको किस तरीके से उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल था हमारा फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन का। नेक्स्ट वन इज़ एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन, यानी कि क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन के। ये अटैम्प्ट करता है टू आइडेंटिफाई द कंटेंट विच हैज़ नॉट बीन मास्टर्ड बाय द स्टूडेंट, यानी कि जिसके अंदर बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना। इट एम्फेसाइज द पार्ट इंस्टेड ऑफ द एंटिटी, यानी कि ये जो है एम्फेसाइज करता है पार्ट्स के ऊपर, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में बच्चों को पढ़ाने में ज़्यादा ध्यान रखता है, ना कि पूरा का पूरा एक ही बार में। नेक्स्ट वन इज इनफॉर्मेटिव इवेल्यूएशन, द इवेंट आर रीसेंट दस द मार्किंग एक्यूरेसी एंड प्रिवेंटिंग डिस्टोरेशन बाय द टाइम, यानी कि ये क्या है इसके अंदर एक्यूरेट रिजल्ट होगा और टाइम टू टाइम हम जो है बच्चे के बारे में पता लगा सकते हैं क्योंकि ये रीसेंट इवेंट के अकॉर्डिंग ही किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है इट अटेम्प्ट्स टू अप्रेज द लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज सच एज मेमोराइजेशन, क्लासिफिकेशन, एनालाइजिंग, एक्सप्लेनेशन वगैरह बच्चा कैसे दे रहा है, इन सब जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी है, हमारी मेमोराइजेशन लेवल कैसा है, इसके बारे में पता
पता लगाने में मदद करेगा। नेक्स्ट रहता है द रिजल्ट कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव द स्टूडेंट परफॉर्मेंस, जो रिजल्ट आएगा उसके थ्रू जो है बच्चे की परफॉर्मेंस को जो है हम इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन और लर्निंग आउटकम बिफोर द प्रोग्राम और द कोर्स हैज़ कंक्लूडेड, यानी कि जब हमारा सबमिटिव असेसमेंट हो रहा है, इवेल्यूएशन किया जा रहा है, तो उसके टाइम से पहले ही हम बच्चे के अंदर क्या है इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर कोई उसको प्रॉब्लम आ रही थी तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन क्या है, हमारे टाइम कंज्यूमिंग है ये और ज़्यादा रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर रहा है। जब भी हम इस फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन कर रहे हैं इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज लग रहे हैं। टायरिंग प्रोसेस है, यानी कि ये जो है टीचर को पूरा साल एंगेज रहना पड़ रहा है स्टूडेंट की फॉर्मेटिव असेसमेंट को जानने में, यानी कि वो किस तरीके का परफॉर्म कर रहे हैं, तो टीचर्स के लिए एक बहुत ज़्यादा ही ये टायरिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है ट्रेंड एंड क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, यानी कि इसके अंदर जो है हमारे टीचर्स होंगे वो ट्रेंड होने चाहिए कि उनको इवेल्यूएशन करना आता हो। नेक्स्ट आता है डेवलप चैलेंजेस, यानी कि इसके अंदर बार बार जो है चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं टीचरों के द्वारा, यानी कि चुनौती जो है उनको बार बार फेस करनी पड़ रही है। रिजल्ट मस्ट बी रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन, जो इसका परिणाम होगा वो जो है हमारे इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा। सबमिटिव इवेल्यूएशन होता क्या है, उसका मीनिंग जाना था, और ये हम कब करते हैं, ये हम एट द एंड ऑफ द कोर्स करते हैं, यानी कि जब अपना साल जो है कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम जो है इवेल्यूएशन करेंगे, उसको हम सबमिटिव इवेल्यूएशन कहते हैं। ये एक जजमेंटल है नेचर के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसके अंदर जो है बच्चे की नॉलेज के रिगार्डिंग क्या है जजमेंट पास की जाती है कि बच्चा पास है या फेल है, या फिर किस तरीके का बच्चा है, क्या पूरे की पूरी चीज़ वो अच्छी तरीके से सीख चुका है या नहीं सीख चुका, तो ये सब जो है हम सबमिटिव इवेल्यूएशन में देखेंगे। इस सबमिटिव इवेल्यूएशन सम टाइम रेफर्स टू एज एक्सटर्नल, कई बार जो है सबमिटिव असेसमेंट या इवेल्यूएशन को जो है हम कई बार क्या कहेंगे कि एक्सटर्नल भी कोई आके बाहर वाला भी ले सकता है। इज़ ए मेथड ऑफ जजिंग द वर्थ ऑफ द प्रोग्राम एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम एक्टिविटीज़, यानी कि ये जब एक्सटर्नल हमारे जैसे कि ट्वेल्थ के अंदर एग्जामिन जो वाइवा वगैरह होता है वो एक्सटर्नल वाले जब लेने आते हैं तो उस टाइम पे यही देखा जाएगा कि जो प्रोग्राम था उसकी एक्चुअल में बच्चों को उस प्रोग्राम ने क्या सिखाया है और क्या नहीं सिखाया, ये सारी चीज़ें जो है हम हमारे प्रोग्राम के एंड में देखेंगे। तो द फोकस इज़ ऑन द आउटकम, तो इसका डायरेक्टली फोकस इसका किस चीज़ पे होगा कि हमारी आउटकम क्या रही, हमारा रिजल्ट क्या रहा, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है अजम्पशंस ऑफ सबमिटिव इवेल्यूएशन की, सबमिटिव इवेल्यूएशन की क्या क्या अजम्पशंस हमने मानी है। फर्स्ट आता है द प्रोग्राम्स ऑब्जेक्टिव आर अचीवेबल, जो हमने सेट किया है हमारा गोल वो ऐसा होना चाहिए कि वो अचीव किया जा सकता है। अगर आप 11th और 12th का सिलेबस एक ही क्लास के अंदर एडजस्ट कर देंगे तो वो अचीव नहीं किया जाएगा, यानी कि हमारा प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, सबसे फर्स्ट चीज़ यही होनी चाहिए कि क्या उसके अंदर होना चाहिए कि वो अचीवेबल नेचर का हो, जिसको हम अचीव ईजीली कर सकें। नेक्स्ट वन इज़ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हैज़ बीन कंडक्टेड एफिशिएंटली, यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम सिखा रहे हैं, वो जो प्रोसेस होना चाहिए ना वो हमारा एकदम से अच्छी तरीके से होना चाहिए, एफिशिएंटली वे से करना चाहिए, यानी कि कुशलतापूर्वक हम इसको क्या है कंप्लीट करेंगे जो भी हमारा प्रोसेस है टीचिंग और लर्निंग का। नेक्स्ट आता है द टीचर स्टूडेंट मटेरियल इंटरेक्शन हैव बीन कंडक्टिव टू द लर्निंग, यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि हमें जो जो चीज़ें सीखने के लिए चाहिए हैं हर चीज़ की क्या है प्रॉपर अरेंजमेंट वगैरह होनी चाहिए जो हमें रिक्वायरमेंट है। अब जैसे कि मैथ्स की क्लास है तो बच्चों को जब हम स्टार्टिंग में रेक्टेंगल ट्रायंगल वगैरह शो करते हैं तो उनको क्या है एक्चुअल फिगर के थ्रू समझा रहे हैं हम दिखा करके कि ये इस तरीके का ट्रायंगल होता है, ये रेक्टेंगल बॉक्स है, तो उनको क्या है एक्चुअल में मटेरियल्स के साथ इंटरेक्ट किया जा रहा है। तो टीचर स्टूडेंट और मटेरियल हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है देयर इज़ यूनिफॉर्मिटी इन क्लासरूम कंडीशन फॉर ऑल लर्नर, यानी कि हर बच्चे को बराबर माना जाना चाहिए। अगर आप जो है एक बच्चे और दूसरे बच्चे के अंदर क्या है डिसिमिलैरिटीज़ देखेंगे उनकी, या फिर आप उनके अकॉर्डिंग ही आप उनको क्या कर रहे हैं कि एक बच्चे को आप अच्छा ट्रीट कर रहे हैं दूसरे को अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप जो गोल है आपका एजुकेशन का, जो लर्निंग का गोल है हमारा, वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे मेन चीज़ यही होनी चाहिए कि आप क्या है यूनिफॉर्मिटी लेके आएँ क्लास के अंदर, यानी कि हर बच्चे को इक्वली ट्रीट किया जाए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि एडवांटेजेस क्या क्या हैं सबमिटिव इवेल्यूएशन की। फर्स्ट आता है टू नो इफ़ द स्टूडेंट हैव अंडरस्टूड, सबसे पहले हम यही देखेंगे कि क्या बच्चे को समझ आया है जो हम पढ़ा रहे थे। दे डिटरमाइन अचीवमेंट,
क्या जो है वो अचीवमेंट जो हमने अचीव करनी है, क्या हम वो उसको डिटरमाइन कर चुके हैं, पता लगा चुके हैं। दे मेक अकेडमिक रिकॉर्ड्स। अब अगर हम समेटिव इवेल्यूएशन कर रहे हैं तो उसके थ्रू हम एक अकेडमिक रिकॉर्ड बच्चे का बनाएंगे, जैसे कि टेंथ का रिजल्ट है, फिर हमारा ट्वेल्थ का रिजल्ट आता है, फिर हम कोई ग्रेजुएशन वगैरह करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें, वो क्या है, एक हमारा एंड रिजल्ट शो कर रहा है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़। अलग अलग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, जिनके जैसे कि हाई स्कोर होते हैं उनको अलग से जो है अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, जो गेम वगैरह में अच्छे होंगे उनको अलग से अपॉर्चुनिटी वगैरह दी जाती हैं। तो इससे क्या होगा, समेटिव इवेल्यूएशन से हमें अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। नेक्स्ट वन इज बूस्ट इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल के अंदर और अच्छी तरीके से वो अपना काम कर पाए, उसको इस तरीके से मोटिवेशन वगैरह मिलता रहेगा। अब आपके टेंथ में रिजल्ट अच्छा है, आप चाहेंगे कि हमारा इलेवंथ में भी अच्छा है, ट्वेल्थ में भी अच्छा है, उसके बाद ग्रेजुएशन में भी अच्छा है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अच्छा है, यानी कि हमारा जो मोटिव है हम उसको अचीव करेंगे, हम अपनी चीज़ों को और अच्छी तरीके से सही कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है वीक एरिया कैन बी आइडेंटिफाइड। जिस एरिया में बच्चा वीक है उसके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं, जैसे कि किसी का रिजल्ट जो है ओवरऑल अच्छा है लेकिन मैथ्स वगैरह में खराब रिजल्ट है, तो हम पता कर सकते हैं कि ये बच्चा जो है मैथ्स में वीक है। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग सक्सेस कैन बी मेजर्ड। ट्रेनिंग पे जो सक्सेस हम कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग बच्चों को दे रहे हैं, उसकी सक्सेस भी हम मेज़र कर सकते हैं कि बच्चा कहाँ तक जो है अचीव कर चुका है ट्रेनिंग के गोल और कहाँ तक अभी उसको और अचीव करने हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ सबमिटिव इवेल्यूशन। फर्स्ट आता है स्टूडेंट कुड अंडर परफॉर्म ड्यू टू द पोअरली मेड असेसमेंट। जो है बच्चा कई बार क्या होता है कि बच्चे को कम नंबर दिए जा रहे हैं या उसको जो है असेसमेंट करते हुए उसको पुअरली नंबर दिए गए हैं, तो वो क्या है अपने जो उसकी एबिलिटी है उसके कंपैरिजन में वो कम परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट आता है इन मोस्ट स्कूल देयर इजंट द टाइम टू एड्रेस स्टूडेंट वीकनेस फाउंड बाय द असेसमेंट। यानी कि बहुत सारे स्कूलों में आपने देखा होगा जैसे कि समेटिव असेसमेंट हमारे फाइनल ईयर एग्जाम होते हैं, लेकिन उसके बाद कौन टीचर ध्यान देता है कि किस बच्चे को किस चीज़ के अंदर क्या है वो वीक रह गया है, उसको दोबारा से उस चीज़ की ज़रूरत है, कोई भी ध्यान नहीं देता। ऑलमोस्ट सभी स्कूलों में यही सिनेरियो है कि कोई भी ध्यान उसमें नहीं देगा, तो ये भी एक क्या है हमारी समेटिव इवेल्यूएशन की डिसएडवांटेज है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन। फर्स्ट हमारा था फॉर्मेटिव, सेकंड हमारा था सबमिटिव, अब थर्ड वन इज़ डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन क्या होता है, इसके अंदर जो है हम ये पता लगाते हैं कि बच्चे सीख क्यों नहीं पा रहा है, मतलब कि क्या रीज़न क्या है उसके ना सीखने के, तो हम ये चीज़ों का पता लगाएंगे किसके थ्रू, डायग्नोस के थ्रू। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपका फुली चेकअप करेगा, उसके बाद ये पता करेगा कि एक्चुअल में बीमारी क्या है, यानी कि हम एक्चुअल कोज फाइंड आउट करते हैं कि किस वजह से कोई बीमारी हमें हो रही है, यानी कि कारण पता करेंगे। तो वही सेम इसमें डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन में भी यही किया जाता है कि बच्चा लर्न क्यों नहीं कर पा रहा या फिर क्या क्या उसको अलग से चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं जिससे वो और अच्छा कर सकता है, तो इन सब चीज़ों को हम चेक करेंगे। डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन में इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट, स्टैंडर्डाइज डायग्नोस्टिक टेस्ट हो सकते हैं, टीचर मेड टेस्ट हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशन या चेकलिस्ट या स्कोरिंग वगैरह के थ्रू जो है हम चेक कर सकते हैं कि बच्चे का किस एरिया, कौन से एरिया में बच्चा वीक है और कौन से एरिया में बच्चा अच्छा है, यानी कि हम उसके थ्रू क्या है डायग्नोस कर सकते हैं। जो स्कोरिंग होगी या इंटरप्रिटेशन होगी वो नॉर्मेटिव या क्राइटेरिया के बेस पे हो सकती है। एक रिजल्ट जो हम जब भी शो करेंगे तो एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। जब भी हमारे जैसे कि कोई स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट वगैरह लिया जा रहा है तो हम उसमें पहले ही ऑलरेडी फिक्स कर देंगे कि बच्चे को अगर इतने स्कोर आया तो वो जो है इस कैटेगरी के अंदर आएगा, तो इस तरीके से ही हम पहले से ही स्कोरिंग वगैरह को डिवाइड कर देते हैं। रिजल्ट जो हुआ यूजुअली जो है इंडिविजुअल की प्रोफाइल से शो किया जाएगा, उसके जो सब स्किल्स होते हैं उनको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि हर चीज को इंक्लूड करके ओवरऑल हम जो है बच्चे की स्कोरिंग दिखाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन और असेसमेंट जो होते हैं वैसे तो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है इसको इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं। द टर्म डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिफाइन इज द असेसमेंट दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई ए स्टूडेंट्स नीड एंड एबिलिटीज एंड द स्टूडेंट रेडीनेस टू एक्वायर द नॉलेज एंड द स्किल आउटलाइन इन द करिकुलम एक्सपेक्टेशंस। यानी कि ये क्या होता है असेसमेंट करना, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना बच्चे की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या उसके अंदर एबिलिटीज़ वगैरह हैं,
और फिर ये देखना कि बच्चे कितने तैयार हैं उस चीज़ को सीखने के लिए जो कि हमारे करिकुलम के अंदर कहा गया है कि ये बच्चों को, इस एज के बच्चों को ये इतना सारा चीज़ें जो है लर्न करनी है, तो वो कहाँ तक तैयार हैं उस चीज़ को पढ़ने के लिए। डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो होगा वो प्रोवाइड करती है हमें इंफॉर्मेशन दैट इज़ यूज बाय टीचर एंड द स्टूडेंट टू डिटरमाइन व्हाट स्टूडेंट ऑलरेडी नो एंड कैन डू विद रिस्पेक्ट टू देयर नॉलेज एंड स्किल आइडेंटिफाई इन द ओवरऑल एंड स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशंस। यानी कि इसके अंदर अगर आप डायग्नोस्टिक असेसमेंट कर रहे हैं तो इससे ये टीचर को ये पता चलेगा कि बच्चा कहाँ तक क्या कर चुका है, उसको कितना आता है उस टॉपिक के रिगार्डिंग, और वो और आगे क्या अचीव कर सकते हैं, किस तरीके से उसको जो है और अच्छा जो है हम अचीव करा सकते हैं। दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स द टीचर टू प्लान डेली क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट एंड सेट अप्रोप्रिएट लर्निंग गोल्स विद देयर स्टूडेंट्स। यानी कि इसके अंदर अगर आप इस तरीके से डायग्नोस्टिक असेसमेंट के थ्रू अगर आप कुछ भी क्राइटेरिया वगैरह फिक्स कर रहे हैं तो आप डेली जो क्लास में करेंगे वो प्लान वगैरह करने में ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट इसके अंदर आता है एग्जाम्पल क्या है डायग्नोस्टिक असेसमेंट का। डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मोस्ट पावरफुल एग्जाम्पल हमारा दिया गया है। ये इसके अंदर क्या बताया गया है कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो होती है उसके अंदर हम यूनिट टेस्ट वगैरह ले सकते हैं, प्री टेस्ट ले सकते हैं। हर यूनिट का, यूनिट जैसे ही कंप्लीट होती है आप उसका टेस्ट ले रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट कर रहे हैं कि बच्चा कितना पर्टिकुलरली उस टॉपिक को समझ पाया है या नहीं समझ पाया। व्हेन गिवन ए यूनिट प्री टेस्ट बी श्योर टू फोकस ऑन द कोर कंसेप्ट एंड स्किल्स दैट यू एक्सपेक्ट स्टूडेंट टू नो एंड बी एबल टू डेमोस्ट्रेट एट द एंड ऑफ द यूनिट। यानी कि जब भी आप यूनिट टेस्ट वगैरह ले रहे हैं, यानी कि जो टेस्ट आप यूनिट का टेस्ट आप ले रहे हैं, यूनिट होती हैं जैसे कि चार यूनिट होती हैं हमारे अगर हम लेवल के अकॉर्डिंग करें। अब जैसे कि अपनी बुक के अंदर भी चार यूनिट दी गई है तो हर यूनिट का टेस्ट लिया जाएगा और ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि भाई बच्चे से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो क्या अचीव करना है। और साथ के साथ मैनी टेक्स्ट बुक और करिकुलम सेट हैव द प्री टेस्ट यू कैन यूज़ टू अडेप्ट। आपने देखा होगा कि हर चैप्टर के बाद क्या है एक्सरसाइज दी होती है, तो वो किस लिए दी होती है कि बच्चे के जो हमने अभी स्टडी कराया है उसको, जो चैप्टर पढ़ाया है उसको हम देख सकें कि बच्चा उससे कितना अंडरस्टूड कर चुका है, कितना उससे समझ चुका है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि आप इजीली प्री टेस्ट के यूनिट वाइज टेस्ट करके आप जो है डायग्नोस्टिक असेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग डायग्नोस्टिक असेसमेंट। क्राइटेरिया क्या होगा? सबसे पहले हमारा ये आएगा इज रिलेटेड अप्रोप्रिएटली टू द नॉलेज एंड द स्किल आइडेंटिफाइड इन द करिकुलम एक्सपेक्टेशन। क्या ये जो है रिलेट कर रही है एक्चुअल में जो हम चेक कर रहे हैं, जो हमारी नॉलेज स्किल्स वगैरह हैं, क्या हमारी करिकुलम की एक्सपेक्टेशन से ये मैच कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। इज डिजाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट असिस्ट इन आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट नीड एंड टारगेटिंग इम्प्रूवमेंट। यानी कि इसके अंदर डिज़ाइन किया जाता है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है कि क्या हमें जो है स्टूडेंट के नीड और टारगेट वगैरह को किस तरीके से हम इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई करना चाहिए स्ट्रेंथ एंड गैप इन द स्टूडेंट नॉलेज एंड द स्किल एंड प्रोवाइड सफिशियंट एविडेंस फ्रॉम विच इन्फेरेंस अबाउट स्टूडेंट लर्निंग कैन बी मेड। यानी कि आपको ये पता लगाना चाहिए कि क्या स्ट्रेंथ है बच्चे की, कहाँ वो क्या है गैप, गैप का मतलब क्या है कि कहाँ वो क्या है पीछे रह रहा है। ये आपको चीज़ें देखनी होंगी, स्टूडेंट की नॉलेज और स्किल्स वगैरह देखने होंगे। नेक्स्ट आता है इज अप्रोप्रिएट इन कंटेंट डिज़ाइन एंड मोड ऑफ डिलीवरी। जो आपने क्या असेसमेंट करने के लिए आपने जो मेथड चूज़ किया, क्या वो कंटेंट के अकॉर्डिंग या डिज़ाइन या फिर मोड ऑफ डिलीवरी के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है या नहीं, हम ये चीज़ें देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो आता है टॉपिक वो है एडवांटेजेस ऑफ डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन। क्या क्या एडवांटेज है? इंडिकेट स्टूडेंट प्रायर नॉलेज। सबसे पहले ये पता करने में ये मदद करता है कि बच्चे को पहले क्या नॉलेज है। सबसे मेन काम ही डायग्नोस्टिक टेस्ट का यही होता है कि हम पहले की नॉलेज जान पाएं। नेक्स्ट आता है असेस द लर्निंग दैट has occurs during a teaching learning session। यानी कि फिर हम इसको अंदर क्या करेंगे कि असेस करेंगे, देखेंगे कि क्या हमने जो टीचिंग लर्निंग सेशन हमारा हुआ है उसके अंदर बच्चा क्या लर्न कर पाया है और क्या चीज़ें जो है उसके अंदर वो जो है डेवलप नहीं कर पाया जो कि हमारे टीचिंग लेसन के अकॉर्डिंग जानी चाहिए थी। नेक्स्ट आता है कैन हेल्प इंस्ट्रक्टर एडजस्ट कंटेंट एंड एक्टिविटीज़ टू एंकरेज मोर इफेक्टिवली लर्निंग। जो डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन होता है ये हमें मदद कर रहा है किसके अंदर? कंटेंट और एक्टिविटीज़ वगैरह को सेट करने में, साथ के साथ एंकरेज करता है कि हम और अच्छी तरीके से लर्निंग कर सकें या करवा पाएं। नेक्स्ट आता है कैन हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ए लेसन मॉड्यूल और द एंटायर कोर्स। ये जो है हेल्प करेगा बच्चे की को ये जानने में कि लेसन किया है या मॉड्यूल वगैरह हमारे जो हैं वो किस बेस के ऊपर है और हमारा एंटायर कोर्स किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कैन पॉइंट आउट
टू स्टूडेंट द गैप्स इन स्टूडेंट रीजनिंग एंड मिस परसेप्शन अबाउट सब्जेक्ट मैटर, यानी कि बच्चे का कहाँ कहाँ पर गैप रह रहा है, वो क्या क्या चीज़ें जो है सही से सीख नहीं पा रहा है, उसकी रीजनिंग और जो उसकी परसेप्शन है, उसकी सोच वगैरह है, वो कैसे सब्जेक्ट मैटर वगैरह के रिगार्डिंग है, ये सब चीज़ें जानने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट रहता है मे मोटिवेट स्टूडेंट टू सीक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एंड प्रैक्टिस, ये जो है बच्चों को हेल्प करता है कि वो बच्चे क्या करें, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लें, यानी कि सही जानकारी प्राप्त करें और उसके ऊपर प्रैक्टिस वगैरह करते रहें। नेक्स्ट आता है डेमोस्ट्रेट टू द स्टूडेंट दैट देयर इंस्ट्रक्टर केयर अबाउट देम एज पीपल एंड अबाउट देयर सक्सेस एज लर्नर्स, यानी कि वो जो उनको इस तरीके से शो करना चाहिए कि जो उनके जो इंस्ट्रक्टर हैं, टीचर हैं, वो उनके बारे में केयर करते हैं और जो है एक तरीके से सेम तरीके से जो उनकी सक्सेस होगी उसको भी वो चाह रही हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिसएडवांटेजेस ऑफ डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। फर्स्ट वन इज इट कैन कॉज एंग्जाइटी फॉर द स्टूडेंट हु आर अनअवेयर ऑफ दिस किट, अगर किसी को डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के बारे में जानकारी नहीं है तो बच्चों के बीच में क्या है, एंग्जाइटी, चिंता वगैरह का कारण ये बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, जब भी आप एक बच्चे का डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग है। दीज मे नॉट बी ट्रू असेसमेंट, ये जो है ट्रू असेसमेंट हम इसको नहीं कह सकते कि आपने जैसे कि डॉक्टर को जाके सारी जो है आपकी बातें बताई तो डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि पर्टिकुलरली आपको यही प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब क्या है, ये कोई ट्रू असेसमेंट नहीं होती, ये जस्ट आपसे नॉर्मली पूछा जा रहा है। तो ये सारी जो है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की डिसएडवांटेजेस हैं। हमारे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टॉपिक हम कम्प्लीट करेंगे, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। ग्रेडिंग क्या है, ग्रेडिंग एक पावरफुल टूल है और ये क्या हेल्प करेगा, यानी कि जैसे कि आपको मार्क्स दिए गए हैं, आपको ग्रेड्स दिए गए हैं, तो वो किस पर्पज़ से दिए जाते हैं, यानी कि आप जैसे कि आप क्लास टेंथ का रिजल्ट है आपका, ट्वेल्थ का है, या फिर आपने कोई ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो उसका एक एंड रिज़ल्ट हमारे पास आता है और उसका क्या यूज़ है, यानी कि वो हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगा। हम कहीं पर भी कॉलेज वगैरह में जाएंगे, जैसे कि स्कूल का रिज़ल्ट कॉलेज में यूज़ आएगा, कॉलेज का रिज़ल्ट आगे हम जॉब वगैरह ले रहे हैं और हमारे स्कूल का भी जो रिज़ल्ट है वो भी सारा देखा जाएगा, यानी कि एक तरीके से कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगा, यानी कि हमारे बारे में बताने में हेल्प करेगा। ग्रेडिंग इन एन एजुकेशन इज़ एन अटेम्प्ट टू अप्लाई स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट ऑफ वेरिंग लेवल ऑफ अचीवमेंट इन ए कोर्स, यानी कि ग्रेडिंग क्या है, एजुकेशन सिस्टम के अंदर इसको इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि एक स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट है, यानी कि एक हमारा स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमें मार्क्स वगैरह दिए जा रहे हैं, कौन बच्चा बिलो एवरेज है, कौन अबव एवरेज है, कौन एवरेज स्टूडेंट है, कौन एक्सीलेंट स्टूडेंट है, तो इस तरीके से हमें जो है एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमारे जैसे मार्क्स आएंगे हमें उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फिक्स कर दिया जाएगा कि इस ये बच्चा कैसा है, वेरी गुड है, गुड है, तो इस तरीके से ये चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। नेक्स्ट आता है ग्रेड कैन बी असाइंड एज लेटर, ग्रेड जो है ए से लेके एफ तक जो है असाइन की जा सकती हैं, साथ के साथ ये क्या है रेंज के थ्रू भी कर सकते हैं, फर्स्ट टू सिक्स तक। नेक्स्ट आता है परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी हम ग्रेडिंग सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं, जैसे परसेंटेज बता देते हैं कि 80% है, 95 है, 99 है, इस तरीके से एज ए नंबर आउट ऑफ द पॉसिबल टोटल, हम जब भी परसेंटेज निकालेंगे यानी कि जो हमारे नंबर आए हैं और टोटल कितने नंबर आ सकते थे उनमें से जो हम निकाल रहे हैं और इनटू में 100 करेंगे तो हमारी परसेंटेज इसके अंदर निकल कर आती है। ग्रेडिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है टीचर असेस करेगा स्टूडेंट की लर्निंग को, यानी कि अब टीचर के लिए ग्रेडिंग का क्या यूज़ है, टीचर उसको इसलिए यूज़ कर रहा है ताकि बच्चे की जो है पता कर सके कि बच्चा किस टाइप का है, यानी कि वो बहुत अच्छा है किसी सब्जेक्ट में या बहुत पुअर है, ये सारी चीज़ें हम ग्रेडिंग की हेल्प से ही पता लगाएंगे। साथ के साथ जैसे कि हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि ये कम्युनिकेट करता है, अब हमारी ऑडियंस जो है अलग अलग टाइप की है, हमारे जो ग्रेड्स आएंगे जैसे कि पेरेंट्स को बताए जाएंगे या फिर आगे कलीग्स वगैरह हैं, हम कहीं पर जॉब ले रहे हैं तो उनसे जो है देखा जाएगा कि किस बच्चे के अच्छे स्कोर हैं, किसके कम हैं, तो यानी कि ये हमें ओवरऑल एक चीज़ बताता है, टीचर को भी एक चीज़ बताता है कि वो बच्चे को अच्छी तरीके से असेस कर पाते हैं उसके बेस पर, यानी कि एक बार जब आपको ग्रेड्स दिए जा रहे हैं तो हम ये बता सकते हैं कि ये क्लास के अंदर टॉप बच्चा है और ये क्लास के अंदर बिलो एवरेज है, यानी कि इस तरीके
तरीके से जो है हम बता सकते हैं इजीली। और जैसे कि अल्फ़ाबेट वगैरह मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अल्फ़ाबेट या फिर नंबर्स दिए जाएंगे 1 to 6 या फिर परसेंटेज के अंदर आपका रिजल्ट इसके अंदर आएगा। और अब तो क्या है, CGPA आ गया है, SGPA आ गया है, तो इनके थ्रू भी जो है हमारा रिजल्ट जो है अब आता है। तो यानी कि ग्रेड सिस्टम हमें यही चीज़ें समझा रहे हैं कि ग्रेडिंग सिस्टम से हम ये बता सकते हैं कि बच्चे की पोजीशन क्या है, वो किस तरीके का बच्चा है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है या फिर नहीं है। तो इन सब सवालों के जो भी हमारे आंसर होते हैं क्वेश्चंस के, वो जो है हमें ग्रेडिंग सिस्टम बता देते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ग्रेडिंग सर्व्स फॉर रोल। अब ग्रेडिंग के रोल क्या हैं, हम अब इनके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट रोल हमारा है इवैल्यूएशन करना, यानी कि बच्चे के बारे में पता लगाना, उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं उसके बारे में पता लगाना, यानी कि हम इवैल्यूएट करेंगे। ओवरऑल हमारा रिजल्ट आ रहा है उससे हम आकलन कर रहे हैं कि बच्चा कैसा है, बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया जा रहा है। तो यानी कि ये एक ओवरऑल हमें ये बताएगा कि ग्रेडिंग सिस्टम की बच्चे की एक्चुअल रैंक या फिर पोजीशन किस तरीके की है, बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है हमारे जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं उनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। अगर आप ग्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं तो एक तरीके से हम जब भी, जैसे कि 10th का रिजल्ट है, जब भी हम 11th में जाएंगे, किसी और स्कूल में हम जा रहे हैं, तो हमारे जो स्कोर होते हैं वही शो कर रहे हैं कि बच्चा किस तरीके का है, भाई इंटेलिजेंट है या फिर इसको कौन सी स्ट्रीम देनी चाहिए, कॉमर्स देनी चाहिए, आर्ट्स देनी चाहिए, साइंस देनी चाहिए, कौन सी स्ट्रीम बच्चे को देनी चाहिए। या फिर इसी तरीके से जब हम कहीं जॉब लेने जा रहे हैं तो एम्प्लॉयर को जो है हमारी ग्रेड के थ्रू ही पता चलेगा कि बच्चे ने स्कूल के अंदर किस तरीके से पढ़ाई की है, कॉलेज वगैरह में वो किस तरीके से पढ़ा है। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन, यानी कि जैसे ही हमारे ग्रेड अच्छा आएंगे, एक ग्रेड, जैसे कि ए ग्रेड आया है तो बच्चा और ज़्यादा मोटिवेट होता है, वो ए प्लस लाने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसका मेन रोल यही है कि बच्चों को मोटिवेट करके रखना। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइज करना, किस तरीके से जो है हमारा फोकस रहेगा, किस चीज़ पर रहेगा, किस तरीके से हमें जो स्टूडेंट और टीचर के जो एफर्ट्स हैं उनके ऊपर ध्यान देना है। तो ग्रेडिंग सिस्टम जो है हमें इन सब चीज़ों के बारे में हेल्प करता है जानने में। यानी कि ग्रेडिंग सिस्टम के चार ही रोल हैं। फर्स्ट है इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन करना, सेकंड है कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत वगैरह, यानी कि ट्रांसफ़र करना हमारी जो भी आगे चीज़ें, किसी को भी अगर हम ग्रेड दिखा रहे हैं तो वो समझ जाता है कि बच्चे का लेवल किस तरीके का है। मोटिवेशन करेगा ये हमें, जैसे ही हमारा ग्रेड बी है तो हम चाहेंगे बी प्लस आए, बी प्लस है तो हम चाहेंगे ए आए, तो इस तरीके से बच्चों को जो है बार बार ये मोटिवेट करने का भी काम करता है। और नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनाइज करना, इसको अच्छी तरीके से फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए, क्लोज़र क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजिंग ग्रेडिंग प्रोसेस, यानी कि क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या सिद्धांत हैं जो कि हमें जब भी हम ग्रेडिंग कर रहे हैं तो उसको करते हुए ध्यान रखने चाहिए। फर्स्ट आता है अप्रिशिएट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ग्रेडिंग, यानी कि जिस तरीके का ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यानी कि इसको हम बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं, एक बार हमारा फिक्स स्टैंडर्ड हो चुका है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। नेक्स्ट आता है सब्स्टिट्यूट जजमेंट फॉर ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि ये साथ के साथ हमें अलग अलग जो हमारे जो ऑब्जेक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग जो है जजमेंट भी देने में हेल्प करता है। सब्जेक्टिविटी क्या होता है, सब अपने अकॉर्डिंग जजमेंट देंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी क्या है, हमारा स्टैंडर्ड ऑलरेडी फिक्स है और उसके अकॉर्डिंग ही सबके लिए जजमेंट आ रही है। नेक्स्ट आता है बी ओपन टू चेंज, यानी कि जैसे ही हमारे ग्रेडिंग सिस्टम में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो उसको अडॉप्ट करना होगा हर स्कूल को, हर कॉलेज को, हर इंस्टीट्यूट को। यानी कि अब जैसे कि हमारा पहले क्या चीज़ें होती थी, परसेंटेज के अकॉर्डिंग मार्क्स आते थे, लेकिन फिर वो जो है चेंज किया गया, हमारा CGPA में किया गया, तो सबको ही वो जो है CGPA का रूल फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूट टाइम इफेक्टिवली, अगर हम देखें ग्रेडिंग सिस्टम की किस चीज़ के ऊपर बेस है, कि हमारा जो टाइम है वो इक्वली इफेक्टिवली जो है हम यूज़ कर पाएँ। नेक्स्ट आता है लिसन एंड ऑब्जर्व, यानी कि पहले आप जो है
सुने और फिर ध्यान दें। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम के प्रिंसिपल्स हैं, तो इन इन चीज़ों पे हमारा जो ग्रेडिंग सिस्टम का प्रोसेस है वो डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेट एंड कोलैबोरेट विद द स्टूडेंट, यानी कि कम्युनिकेट करें, बच्चों के साथ मिलजुल कर काम करें, तो ये भी हमारा जो ग्रेडिंग प्रोसेस है उसके अंदर आएगा। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेट ग्रेड विद अदर की प्रोसेसेस, यानी कि आप जो ग्रेड दे रहे हैं हर चीज़ को जो इम्पोर्टेंट है उसको भी ध्यान दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही ग्रेड दी जाएंगी। नेक्स्ट आता है मेकिंग स्टूडेंट लर्निंग बाय प्राइमरी गोल, यानी कि बच्चों को एक गोल दिया जाएगा, पहले से ही बता दिया जाएगा कि ये आपका गोल है और उसके हेल्प से आप बच्चों को क्या है पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं चीज़ें। नेक्स्ट आता है एंकरेज लर्निंग एंड सेंटर्ड मोटिवेशन, यानी कि इसके अंदर क्या दिखाया जा रहा है कि आपको लर्निंग करने के लिए बार बार आपको प्रेरित किया जा रहा है कि आप और अच्छा लर्न करें और अच्छा सीखें। नेक्स्ट आता है एम्फेसाइज स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, यानी कि इसके अंदर ये देखा गया है ज़्यादा फोकस चीज़ किस चीज़ पर किया गया है कि स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा इसके अंदर, यानी कि ये हमारे कुछ सिद्धांत हैं। जब भी हम अपना ग्रेडिंग सिस्टम प्रोसेस को जो है मैनेज करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना होगा। हम अप्रिशिएट करेंगे कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी है जो ग्रेडिंग सिस्टम में, हम साथ के साथ जजमेंट देंगे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, हमारी ऑब्जेक्टिविटी के अकॉर्डिंग ओपन रहेंगे अगर कोई भी चेंज आएगा, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारे टाइम को इफ़ेक्टिव वे से ताकि हम हर चीज़ को अच्छी तरीके से अचीव कर पाएँ। लिसन एंड ऑब्जर्व करेंगे, हम सुनेंगे भी और ऑब्जर्व भी, देखेंगे भी, समझेंगे भी। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेट करेंगे, कोलैबोरेट विद द स्टूडेंट, इकट्ठा मिलजुल कर भी काम करेंगे और हमारी बातचीत को एक दूसरे तक पहुँचाने का भी काम करेंगे। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेट ग्रेडिंग विद द अदर की प्रोसेस, यानी कि हम जोड़ कर रखेंगे जो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है उसको और जो प्रोसेस हो रहे हैं स्कूल के अंदर उन सब चीज़ों के साथ जोड़ कर रखेंगे। मेकिंग स्टूडेंट लर्निंग बाय प्राइमरी गोल, और हमारा गोल जो है हम पहले से सेट कर रखेंगे, बच्चों को एंकरेज करेंगे ताकि वो और अच्छे से स्टडी करें, और साथ के साथ जो है हम ध्यान रखेंगे कि स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट के ऊपर भी ध्यान रखा जाएगा। तो यही हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जब भी हम ग्रेडिंग प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं तो इन सब का ध्यान रखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों को मार्क्स वगैरह दिए जाएंगे। हम टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग स्कीम्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट वन इज़ परसेंटेज ग्रेडिंग, मास्टरी ग्रेडिंग, पास फेल ग्रेडिंग, स्टैंडर्ड ग्रेडिंग, नॉन रेफरेंस ग्रेडिंग, नरेटिव ग्रेडिंग, लेटर ग्रेडिंग, 4.0 ग्रेडिंग स्केल, मास्टरी ग्रेडिंग एंड लेटर ग्रेडिंग एंड वेरिएशन। ये सारी हमारी टाइप हैं जो भी ग्रेडिंग स्कीम्स हैं। अब हम इनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ लेटर ग्रेड। लेटर ग्रेड सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर स्टूडेंट को ग्रेड रिसीव होते हैं, इसके अंदर ए बी सी डी एंड एफ ये ग्रेड दिए जाते हैं, ई इसका पार्ट नहीं है लेटर ग्रेड्स का। लेटर ग्रेड्स जो है कैलकुलेट होती हैं हमारी 10-point रेंज स्केल या फिर 9-point रेंज स्केल होता है हमारे, उसके अकॉर्डिंग हम ग्रेड्स को डिसाइड करते हैं। ए जो है सबसे हाईएस्ट ग्रेड दी जाती है, ये ग्रेड उन बच्चों को दी जाएगी जिनकी 90% एक्यूरेसी या उससे हायर होगी, और एफ़ ग्रेड जो है उन बच्चों को दी जाएगी जिसकी परफॉर्मेंस 59% एक्यूरेसी और लेस होगी, उनको हम एफ़ ग्रेड देंगे। नेक्स्ट आता है 4.0 ग्रेडिंग स्केल। इस ग्रेडिंग स्केल के अंदर जो है ये कॉमन टाइप का ग्रेडिंग स्केल है, इसके अंदर भी आपको ग्रेड्स ही दिए जाएंगे, जैसे कि ए प्लस, ए ए नेगेटिव, बी प्लस, बी बी नेगेटिव, इस तरीके से आपको ग्रेड्स दिए जाएंगे। ये जो है हाई स्कूल के अंदर और कॉलेजेस वगैरह के अंदर जी पी ए यानी कि ग्रेड पॉइंट एवरेज काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको अब फिगर के अंदर दिखाया है, ये सारे ग्रेड पॉइंट हैं हमारे और इसके अकॉर्डिंग हमें जो है ग्रेड दी जाती हैं। इस ग्रेडिंग स्केल में हमने ए को बराबर माना है 4 के, ए माइनस को हमने बराबर माना है 3.67 के, ए बी प्लस को हमने इक्वल माना है 3.33, बी को हमने इक्वल माना है 3 से, बी माइनस को हमने इक्वल माना है 2.67 से, इसी प्रकार से हमने लास्ट एफ जो है उसको 0 माना है, और ये जो है जीपीए हमें शो करेगा ये स्केल। नेक्स्ट वन इज़ मास्टरी ग्रेडिंग। मास्टरी ग्रेडिंग जो है अब ये स्कीम जो है हमारी ट्रेंड में चली आ रही है, ये रिस्क एंड वॉर्मली ने अपनी बुक के अंदर लिखा है, फेयर इज़न्ट ऑलवेज इक्वल। फेयर का मतलब हमेशा यही नहीं होता कि वो बराबर हैं। कुछ स्कूल्स के अंदर जो है किंडरगार्टन एंड ट्वेल्थ ग्रेड भी होती हैं और ये क्या है इस सिस्टम को अपना रही हैं। इस सिस्टम के अंदर क्या किया जाता है,
जितने जिसके मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग ही उसको ग्रेड मिलेगा। और ये जो हमारा सिस्टम है मास्टर ग्रेडिंग स्कीम जो है, ये अब जो है ट्रेंड में है और हर स्कूल जो है इसको ही फॉलो कर रहा है, चाहे किंडरगार्टन हो, चाहे हमारी क्लास ट्वेल्थ का कोई, मतलब कि कोई क्लास ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में है या फिर चाहे किंडरगार्टन में, सब में यही ग्रेडिंग सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारी ग्रेडिंग स्कीम है नॉर्म्स रेफरेंस ग्रेडिंग। इसके अंदर जो है स्टूडेंट को कंपेयर किया जाता है एक दूसरे के साथ क्लास के अंदर ही, और उनको जो है ग्रेड असाइन किए जाते हैं। यानी कि एक क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट हैं, उनको ही एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाएगा पहले, और उसके अकॉर्डिंग किसी को फर्स्ट, किसी को सेकंड पोजीशन, किसी को लास्ट पोजीशन, इस तरीके से दी जाएंगी। नेक्स्ट आता है पास एंड फेल स्कीम। इसके अंदर क्या होगा, ये 2 लेवल का स्केल होता है, या तो बच्चा पास होगा इसके अंदर या फिर बच्चा फेल होगा। ये जो है यूज़ की जाती है कई बार, जो हमारी मास्टरी ग्रेडिंग है उसके साथ हम इसको यूज़ करते हैं। अभी जैसे हमने मास्टरी ग्रेडिंग के बारे में बता किया है कि हम ग्रेड उसी के अकॉर्डिंग देते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है जितने बच्चे के मार्क्स होते हैं। यानी कि अब जैसे कि किसी बच्चे के 33 मार्क्स हैं तो उसको जो है हम पास मान रहे हैं, और तो यहाँ पर हम मास्टरी ग्रेडिंग सिस्टम का भी यूज़ कर सकते हैं साथ के साथ। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड ग्रेडिंग। स्टैंडर्ड ग्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाएगा प्री एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ द परफॉर्मेंस। यानी कि जैसे हमने पहले ही सेट कर दिया था एक स्टैंडर्ड कि यहाँ तक जो है बच्चों ने अचीव किया, तो इन बच्चों को हम गुड मानेंगे, एक्सीलेंट मानेंगे, एवरेज मानेंगे, बिलो एवरेज मानेंगे। तो इस तरीके से हमने पहले ही एक स्टैंडर्ड फिक्स किया था और उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम उनको अब ग्रेड देंगे। करंटली ये जो स्टैंडर्ड ग्रेडिंग स्कीम है इसका यूज़ किया जा रहा है, एक स्टेट या एक डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को कंपेयर कर रहे हैं हम दूसरी डिस्ट्रिक्ट या दूसरी स्टेट के बच्चों के साथ, इसीलिए उसके अंदर जो है हम स्टैंडर्ड ग्रेडिंग दे पा रहे हैं। अब हम ये पता लगा पा रहे हैं कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट पढ़ने में अच्छी है, कौन सी खेल में अच्छी है, तो उनको कंपेयर किया जा रहा है एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट हमारी ग्रेडिंग स्कीम है वो है नरेटिव ग्रेडिंग। नरेटिव ग्रेडिंग के अंदर क्या है, कमेंट दिए जाएंगे। अब जो है बच्चे को सिर्फ ग्रेड्स नहीं दिए जाएंगे, ए पॉजिटिव, बी या बी नेगेटिव या फिर बी प्लस, इस तरीके से जो है ग्रेड्स नहीं दिए जाएंगे। इसके साथ की साथ आप जो है एक कमेंट्री भी देंगे, यानी कि आप कमेंट लिखेंगे कि गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, इस तरीके से आप जो है कमेंट भी देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा परसेंटेज ग्रेडिंग। ये है सबसे कॉमन मेथड जो कि हमारे ग्रेडिंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस के अंदर यूज़ किया जाता है। इसके अंदर जो है हमारा स्केल होगा, परसेंटेज स्केल होगा, वो हमारा 100 होगा और उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों की परसेंटेज निकाली जाती हैं और बच्चों को फिर जो है ग्रेड्स भी दिए जाते हैं। जो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है इंट्रोड्यूस किया गया है CBSE के द्वारा, और वो इस तरीके से ग्रेड्स देता है बच्चों को, जैसे कि जिसके 90 से 100 की रेंज में मार्क्स आए हैं उसको A1 दिया जाएगा और ग्रेड पॉइंट पर उसको 10 पॉइंट मिलेंगे। 81 से 90 को A2 दिया जाएगा और उसको ग्रेड पॉइंट 9 मिलेंगे। 71 टू 80 को B1 दिया जाएगा और 8 ग्रेड पॉइंट मिलेंगे। 61 टू 70 वाले को B2 दिया जाएगा एंड 7 ग्रेड पॉइंट मिलेंगे। 51 टू 60 को C1 दिया जाएगा और 6 ग्रेड पॉइंट मिलेंगे। 41 टू 50 को C2 दिया जाएगा एंड 5 ग्रेड पॉइंट मिलेंगे। 33 टू 40 को हम D देंगे और उसको 4 ग्रेड पॉइंट देंगे। 21 से जिनके 32 आएंगे मार्क्स या रेंज होगी उसको E1 दिया जाएगा और कोई भी ग्रेड पॉइंट नहीं मिलेगा। 20 और बिलो उसको हम E2 ग्रेड देंगे और कोई भी ग्रेड पॉइंट नहीं दिया जाएगा। तो मेथड्स ऑफ ग्रेडिंग एंड एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हमारा मेथड आता है पीयर रिस्पॉन्स ग्रेडिंग। पीयर रिस्पॉन्स ग्रेडिंग के अंदर स्टूडेंट को अलाउ किया जाता है कि वो और बच्चों से फीडबैक इकट्ठा करे, और एक बार जब फीडबैक हमारे पास आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही हम होलिस्टिक ग्रेड के अकॉर्डिंग उनको ग्रेड्स देंगे। होलिस्टिक ग्रेडिंग के अंदर बच्चे ने जो ऐसे लिखा है उसको देखा जाएगा, यानी कि उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। साथ के साथ टीचर जो है नोटिंग करेगी अलग से अगर कोई हमारे अलग अलग एस्पेक्ट्स का यूज़ किया गया है, लेकिन हमारा जो एंड रिजल्ट होगा वो ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर ही बेस होगा। अब जैसे कि पीयर रिस्पॉन्स ग्रेडिंग के अंदर बच्चे ने फीडबैक इकट्ठा किया है अलग अलग स्टूडेंट से, फिर उसने कंबाइन कर लिखा है, तो अब जो हमारा एंड रिजल्ट जो ग्रेड होंगी वो उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेस पर ही दी जाएंगी। नेक्स्ट आता है रूब्रिक ग्रेडिंग। इसके अंदर क्या है, बच्चे की एक्सपेक्टेशन क्या है जब वो सीख रहे हैं,
इसके अकॉर्डिंग जो है एक रेंज ऑफ स्कोर होता है रूब्रिक, और वो डिसाइड करता है कि बच्चे की एक्सपेक्टेशन क्या है किसी भी, जब भी वो काम कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस काम से, कि वो क्या सीखेंगे उस काम से। तो ये एक हमारा रेंज ऑफ स्कोर है जो इसको हम रूब्रिक कहते हैं, और ये हमें ग्रेड असाइन करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट हमारा आता है स्टैंडर्ड बेस्ड ग्रेडिंग। स्टैंडर्ड बेस्ड ग्रेडिंग के अंदर हमारा पहले से ही स्टैंडर्ड हमें या कंडीशंस जो हैं वो प्रोवाइड कर दी जाती हैं, यानी कि स्टूडेंट को पहले से ही कंडीशन दी जाएंगी। इसके अंदर क्या है कि जैसे कि हमारा टेस्ट होता है, उस टेस्ट के अंदर आपको पहले ही कह दिया जाएगा कि आपको वर्ड लिमिट है, जैसे 150 वर्ड से ऊपर आपको नहीं लिखना है आंसर, तो वो हमारी पहले से ही कंडीशन है। या फिर प्रैक्टिकल फाइल है, तो वो किस तरीके की प्रैक्टिकल फाइल होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग आपको कुछ कंडीशंस दी हैं। जब फिर आप उसको बना देते हैं तो उसके बाद आपको उसी के अकॉर्डिंग ग्रेड्स दी जाती हैं। इसको हम स्टैंडर्ड बेस्ड ग्रेडिंग कहते हैं, यानी कि पहले एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है, आपको कंडीशन बता दी जाती हैं, और उसके बेस पर ही आपको फिर ग्रेड्स दिए जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चल जाता है कि बच्चा कितना समझ पा रहा है, कितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो स्किल डेवलप कर पा रहा है। कुछ हमारे जो ग्रेडिंग सिस्टम के स्टैंडर्ड हैं वो इस तरीके से हैं। स्केल जो है इसके अंदर 4-3-2-1 है, और लेवल ऑफ मास्टरी हम उसको कहेंगे, जैसे जिसका 4 स्केल है उसको हम एडवांस्ड कहेंगे कि वो मास्टरी में एडवांस हो गया है। नेक्स्ट आता है हमारा जिसको 3 मार्क्स दिए जाएंगे वो प्रोफिशिएंट है, 2 मार्क्स दिए जाएंगे वो बेसिक है, और जिसको 1 मिलेगा वो यानी कि बिलो बेसिक है। तो ये हमारा एक क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है स्टैंडर्ड बेस्ड ग्रेडिंग में, जब भी आपको ग्रेड्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट मेथड आता है हमारा इशू बेस्ड ग्रेडिंग, यानी कि इसके अंदर आप स्टूडेंट के एरर्स और मिस्टेक को कंसिडर किया जाएगा, लेकिन एक टाइप के एरर्स को, जैसे हम ए रेंज में डालेंगे, जिसके अंदर हम अलाउ करेंगे कि 4 एरर हैं तो हम उसको ए रेंज में डाल रहे हैं, बी रेंज के अंदर अगर आपने 8 एरर किए हैं तो हम उसको बी में डाल रहे हैं, इसी तरीके से जैसे आपने 10 एरर किए हैं तो उसको हम सी ग्रेड में डाल रहे हैं। तो उसके बेस पर, यानी कि जितने आपके एरर फाउंड हो रहे हैं उनके बेस पर आपको ग्रेड दिए जाएंगे। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटिव ग्रेडिंग। इसके अंदर टीचर जो है बच्चों के हर पेपर को चेक करेगा, और उसके बाद जो है उनको एक प्लेस देगा, यानी कि रैंक देगा बेस्ट से लेकर वर्स्ट तक। जिन बच्चों के पेपर जो है टॉप पर होंगे, यानी कि उनको पॉजिटिव फीडबैक दिया जाएगा, उनको जल्दी से कमेंट बता दी जाएगी कि कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है या फिर कोई इमीडिएट कंसर्न नहीं है, और जो है बच्चों को अलग से एक सेपरेट शीट दी जाएगी और उसके ऊपर स्पेसिफिकली बताया जाएगा, और बच्चों को जो है सेल्फ करेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। सेपरेट शीट के ऊपर बच्चे को इसलिए दिया जाता है कि उसकी क्या क्या वीकनेस है और क्या क्या उसके अंदर स्ट्रेंथ है वो उनको देखे और खुद से अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करे, जिनके जो जो उसकी वीकनेस है वो उसके ऊपर काम करे, और जो जिसमें वो अच्छा है यानी कि उसकी स्ट्रेंथ है उसको और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेगा, यानी कि सेल्फ करेक्ट इसके अंदर स्टूडेंट को एक तरीके से मोटिवेट किया जाता है कि वो खुद से ही अपने आप को सही करे, करेक्ट करे। नेक्स्ट हमारा आता है एडवांटेजेस ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम, यानी कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं जब हम ग्रेड दे रहे हैं बच्चों को, तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला आता है कि वीकनेस और स्ट्रेंथ जो है बच्चे की पता चल जाती है, जैसे ही हम ग्रेड्स देते हैं उससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन बच्चा अच्छा है और किसके अंदर क्या कमी है, उन सारी चीज़ों को हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है लो स्कोर प्रेशर। पहले क्या होता था, बच्चों को फेल होने का डर होता था, अब वो जो डर है वो बिल्कुल भी नहीं रहा है। अब जो है जैसे कि 90 से 91 से 100 के बीच के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनके मार्क्स ए प्लस दिया जाता है या ए ग्रेड दिया जाता है, तो अब जो है बच्चों को स्कोर करने का प्रेशर जो है कम हो गया है। द पैटर्न ऑफ ग्रेडिंग इट रिलाइज अपॉन द एडवांस पैटर्न As grades are not given according to the academic only। इसके अंदर सिर्फ अब academic के according जो हमारी academics हैं उनके according ही हमें grade नहीं दिए जा रहे हैं, साथ के साथ हमारी extra activities को भी include किया जाएगा जब भी हमें grades दिए जाएंगे। तो ये भी एक positive point है, जैसे कि sports वगैरह में कोई अच्छा है तो उसको उसके according grades दिए जा रहे हैं, कोई arts में, कोई dance में, music वगैरह, इन सब के भी scores जो हैं इसके अंदर include किए जाते हैं और उसके बाद ही ग्रेड दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रेडिंग मेक द स्टडी ईजियर।
अब जो है बच्चा जिसकी इंटेंशन बस ये है कि मुझे पास होना है, तो उन बच्चों के लिए जो है अचीव करना यानी कि टारगेट अपना कि हमें पास होना है वो बहुत ही इजी हो गया है। हमारी स्टडी का पैटर्न भी क्या है, इजी हो गया है। अब हम इजीली जो है क्लासिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स के अंदर डिफरेंट ग्रुप, हम बता सकते हैं कि कौन सा ग्रुप हमारा ब्राइट स्टूडेंट है, कौन एवरेज स्टूडेंट है, कौन बिलो एवरेज स्टूडेंट है, ये सारे हम ग्रेड्स की हेल्प से बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है पेरेंट्स अटेंशन। पेरेंट्स भी अब जो है इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने लगे हैं, उनके ग्रेड्स अच्छे स्टूडेंट के आएं, उनके बच्चे के अच्छे ग्रेड्स आएं, इसके ऊपर भी वो ध्यान देने लगे हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम की क्या क्या डिसएडवांटेज है? फर्स्ट है डिक्रीज परफॉर्मेंस। अब जो है बच्चे जो ज़्यादा अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते थे, अब वो क्या है उनकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो गई है, क्योंकि अब जैसे कि 91 से लेकर 100 वाले मार्क्स वाले बच्चों को सेम मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो अब उनकी परफॉर्मेंस का लेवल जो है थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। नेक्स्ट आता है कंपटीशन भी डिक्रीज हुआ है, क्योंकि सभी को सेम उसके अंदर डाला जा रहा है, जो 91 से लेके 100 के बीच में जो स्टूडेंट हैं या फिर 81 से लेके 90 के बीच में जो स्टूडेंट हैं, हमारा जो क्राइटेरिया दिया गया है उसके अकॉर्डिंग उनको ग्रेड्स दिए जा रहे हैं, तो इस वजह से कॉम्पिटिशन भी जो है थोड़ा सा कम हुआ है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज डीमोटिवेशन। ग्रेड सिस्टम की वजह से जो ब्राइट स्टूडेंट थे वो डीमोटिवेट फील कर रहे हैं, क्योंकि अब 90% और 100% को सेम ग्रेड्स दिए जाते हैं, तो जिसकी वजह से जैसे जिसके 95% आए हैं तो वो डीमोटिवेट फील कर रहा है। नेक्स्ट आता है एक्यूरेसी इन रिजल्ट। ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर हम कभी भी ये नहीं पता कर सकते कि बच्चे की एग्जैक्टली परफॉर्मेंस क्या थी, तो ये भी एक इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, हम बच्चे के मार्क्स एग्जैक्ट कितने आए हैं उनका पता नहीं लगा सकते। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। Thanks for watching.